बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, हेलो एंड हाय। मैं हूँ हैदर, राजा हैदर। आप हैं शब के जागे हुए मुसाफिर, एक बार फिर राजा हैदर के दिल के पाताल में छुपे इश्क के हर कतरे से लबरेज प्यार और मोहब्बत भरा सलाम कबूल हो। एक और स्याह मगर चमकती हुई रात के साथ राज द लव एंजल आपके दिलों पे दस्तक देने के लिए हाजिर हुआ है। ये खूबसूरत रात सदका मोहम्मद वाले मोहम्मद हमारे दामन में डाल दी गई है, सो दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। ये जो प्रोग्राम आज हम लाइव कर रहे हैं, इसकी एक सबसे बड़ी वजह ये है कि बहुत सारे ईमेल्स और सवाल जवाब जो मुझे आ रहे होते हैं कि सर हम लोग 2023 में ऐसा क्या करें, जो पिछले सालों में हमने बहुत सारे लोगों के पैसे डूब गए, उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किए लेकिन चले नहीं, और रकम बड़ी मुश्किल से इकट्ठी होती है, लेकिन जिस वक्त आप बिजनेस शुरू करते हैं तो उस वक्त बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखना होता है। सातें बड़ी ज़रूरी होती हैं कि ये सात नेक है लम्हा, जो जिसको पल बोलते हो, कि ये पल उसके लिए मुबारक होगा, मुआफिक होगा, साद होगा, या नहस सूरत हाल सितारों की देखी जाती है। पहले ज़माने में जाहिर है जितने ज्योतिष थे, सितारा शनास थे, वो लोग माहिर फलकियात हिसाब वगैरह कर देते थे। फिर इल्म जफर के ज़रिए भी लोगों को पता चला कि अपने बिजनेस या अपनी इन्वेस्टमेंट में हम लोगों ने किस तरह से सक्सेस हासिल करनी। आज ये दुनिया में जितने भी लोग हैं इसमें दो चीज़ें, ब्रेन और तीसरी चीज है सब्र। मतलब दूसरी कौन सी चीज है, एक ब्रेन, तीसरी चीज सब्र, और बीच में दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज है आपकी लक। ये जो लक, सब्र और ब्रेन के बीच का जो एक फासला है, इसको तय करने के लिए आपका भरोसा होना चाहिए कि आप जो काम करने लगे हो, अव्वल तो उसकी नो हाउ होनी चाहिए। आप जिस भी फील्ड में या प्रोफेशन में जा रहे हो वो अलग कहानी है। आज सब ज़ोडियक साइन वालों को हमने ये बताना है कि कैसी आप लोगों की तरतीब होनी चाहिए 2023 में, 2023 ये एडवांस में ही हम आपको ये बता रहे हैं कि कौन से कारोबार में या कौन सी जॉब अपॉर्चुनिटी या कौन सा बिजनेस आप स्टार्ट करते हो। अच्छा, पहली बात ये जहन में रखिएगा कि कारोबार और जॉब में से अगर किसी एक को आपको चुनना हो तो ये डिपेंड करता है आप कहाँ हो। अगर फर्ज करो किसी आप फॉरेन कंट्री में, अमेरिका में, कनाडा में, यूके में, कहीं भी हो, जहाँ पे आपको पर आवर के हिसाब से बहुत अच्छी आमदन हो रही है और आप कहते हो इसमें मेरा गुजारा हो रहा है, क्योंकि मैं तो यहाँ जैसे तैसे गुजारा कर लूँगा या कर लूँगी, लेकिन बैक होम मुझे ये 2000 या 1500 डॉलर भेजने के बाद बहुत सुकून है क्योंकि घर वाले बहुत शांत है। एक तो ये डिपेंड करता है कि आप अगर उसमें हैप्पी हो तो फिर आप जॉब करो। लेकिन दुनिया में कभी भी तकदीर नहीं बदली है नौकरी करने से। नौकरी जितनी आपने की लास्ट पे आपको पेंशन मिल जाएगी। कहते हैं हमारे बाबा जी, हमारे दादा जी ने बड़ी हक हलाल की कमाई की, सारी जिंदगी नौकरी की। नौकरी लफ्ज ही नौकर के साथ जुड़ी है, चाहे वो सरकार की है चाहे वो प्राइवेट है। तो एक मुलाजिम पेशा अफराद जितने भी काम करते हैं, अच्छा आजकल थोड़ा टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई है, आप क्या जॉब करते हो डिपेंड करता है आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है। जॉब में भी बड़ी बड़ी रकमें, कुछ लोग हैं किसी इदारे में काम करते हैं, मैं खुद उनको आंखों से देख चुका हूं कि जो मुलाजमत ही करते थे लेकिन उनकी तनख्वाह 50,000 डॉलर या नॉर्मली पाकिस्तानी रुपीस में अगर बात करो तो 50 लाख रुपए से लेके 80 लाख रुपए तक। और आज भी मैं ऐसे सैकड़ों लोगों को जानता हूं जो मीडिया के मुख्तलिफ इदारों में काम करते हैं, जिनको आप नहीं जानते हो, जिनके नाम से भी वाकिफ नहीं होगे, जो स्क्रीन पे भी नहीं आते हैं, लेकिन उनकी एक महीने की तनख्वाह 1.5 से 2 करोड़ रुपया है। मतलब आप सोच के हैरान हो रहे हो और इतने भी पैसे हैं, और उनकी शक्लों से ही अंदाजा नहीं कर सकते हो कि ये लोग इतने पैसे कमा सकते। तो डिपेंड करता है कि जॉब किस तरह की है। अगर तो आपको 1 करोड़ 2 करोड़ मिल रहे हैं तो फिर तो आपको बिजनेस करने की जरूरत नहीं है, मुफ्त का माल है, खाते जाओ। एलन मस्क ने बहुत सारे ऐलान भी किए कि भाई मैं ट्विटर मैंने खरीद लिया और मैंने सैकड़ों लोगों को निकाल दिया। अब वो लोग कह रहे हैं हम हड़ताल करेंगे, बाकी लोगों ने भी कहा छोड़ दो, कह रहा सब छोड़ दो मैं अकेला चला लूंगा। इसको कहते हैं ब्रेन, जिनकी रोटियों के मसले है ना, वो एक एकता बना के हमारा लीडर जिंदाबाद, वो आजकल के दौर में नहीं है। आजकल सिर्फ आपको अपनी देखनी है कि आप सक्सेसफुल हो, आपको सेटल जॉब मिल रही है, तो आप किसी अननोन बंदे या दोस्ती निभाने की खातिर अपनी जॉब को लात नहीं मार सकते हो। समझ आ रही है मेरी बात। ये थोड़ी सी ब्रीफिंग दूंगा, फिर एक एक ज़ोडियक साइन यानी आपके हॉरोस्कोप के हवाले से आपको बताना है कि 2023 में आपको ऐसा क्या काम करना है कि आपकी धनराशि जो बढ़ जाए, कैपिटल बढ़ जाए, पैसा बढ़ जाए,
और आप फेलियर जो देखते हो, लूजर कहलाए जाते हो, वो ना कहलाओ। अच्छा, अब क्या होता है कि बिजनेस की तरफ थोड़ी सी तवज्जो देते हैं। बिजनेस एक ऐसी चीज है कि अगर आपके पास एक गाड़ी है, फर्ज करो छकड़ा सी, आप कहते हो मैंने इसे ऊबर करीम या इन ड्राइवर में डालनी है, तो आप हो गए बॉस। अब आप सुबह 6 बजे निकलो या रात 12 बजे निकलो, डिपेंड करता है, यानी आप किसी को जवाब दे नहीं हो, आप हो गए बॉस। जॉब छोटी बड़ी नहीं होती। जब हम दूसरे मुल्कों में जाके बाथरूम साफ कर सकते हैं, डिश वॉशिंग कर सकते हैं, दुकान में खड़े होकर सामान लगा सकते हैं वॉलमार्ट में, तो फिर अपने मुल्कों में भी छोटे मोटे काम करते हुए हमें शर्म नहीं आनी चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम यह, हमारे मुल्क में छोटा काम छोटा ही होता है, उसका मुआवजा भी छोटा ही होता है, इसलिए हम बड़ा सोचते, डेफिनेटली बड़ा सोचना चाहिए, इसके लिए आपको किसी ने मना नहीं किया। ओके, अब क्या है कि बिजनेस में आप एक 10,000 रुपए से कोई कारोबार स्टार्ट करते हो, 10,000 रुपए से चने खरीद लिए, एक बंदा है मेरे पास 80,000 में क्या खरीदूं, वो चने का बिजनेस शुरू कर देता है और कहता है 5,000 के मैं चने जो पकाते हैं, ब्लैक चने जो होते हैं, और साथ में तंदूर वाले को कह दिया भाई 1,000 रुपए की रोटी, साथ साथ पैसे दूंगा। उसने बिजनेस स्टार्ट किया। भूख एक ऐसी चीज है, किसी भी कॉलेज के बाहर, स्कूल के बाहर, ऑफिस के बाहर, खास तौर पे अगर आप अच्छी कुकिंग करते हो और वो चने की एक रेडी या छोटी सी छावड़ी सी लगा ली और साफ सुथरा माहौल है, आप किसी को खिलाते हो, कहता है यार ये तो 50 रुपए या 100 रुपए में बहुत बढ़िया खाना है, दो नान भी मिल रहे हैं, चटनी सलाद और वो, और आपको उसमें 50% बच रहा है स्टार्ट में, आप यकीन करो कि 1 साल के अंदर अंदर आप उसको दुकान किराए की लेके उसमें वो बिजनेस सेटल कर सकते हो। और हम भी और आप भी ऐसे कई लोगों को जानते हैं जो रेडी पे काम करते थे और आज वो सेवर फूड टाइप की बड़ी बड़ी चेन्स भी बना चुके हैं और बड़े बड़े होटल और एम्पायर भी बना चुके हैं। ये है बिजनेस। बिजनेस में आप घर पे बैठो, ऑनलाइन बिजनेस करो, आप लोग, हर किसी को हर बिजनेस सूट नहीं करता है, इसीलिए आज का ये प्रोग्राम मैंने तरतीब दिया कि आप जितने भी लोग हैं यहाँ सवाल जवाब भी करते रहेंगे और हम लोग उस चीज़ पे भी आएंगे। थैंक यू वेरी मच। सिमी मैम की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, बहुत ज़्यादा जाहिर है वो अलील हैं, इसी वजह से वो ऑडियो पे भी नहीं आ पा रही हैं, वरना तो मैं उनको ज़रूर कहता कि प्लीज़ थोड़ी देर के लिए ज़रूर आ जाएं। कल का शो भी वो नहीं देख पाई, पहली बार शायद ज़िंदगी में हुआ कि उन्होंने कहा मुझे तो शो ही नहीं पता क्या हुआ, क्योंकि वो मुश्किल से बैठी हुई थी और ज़ाहिर वो सर्दी लग जाए तो फिर आपका गला भी ख़राब हो और फिर बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। सो आप लोगों से गुजारिश है कि दुआ ज़रूर कर दिया करें, अल्लाह सिमी को और जितने भी लोग इस वक्त देख रहे हैं जो बीमार हैं, अल्लाह बीमार करबला के सदके उन्हें सेहत शिफाए कामला वाजल अता करें। अब आपके मैसेजेस हमें नज़र आ रहे हैं, हमारी ये ब्लू टीम जो अमारा खान गैंग है ये भी सामने है। आपको मुझसे जो भी पूछना है, मुझसे प्राइवेट मीटिंग करनी है, स्क्रीन पर लिखा हुआ raja@hotmail.com, इस पर आप प्राइवेट मीटिंग कर सकते हो। अपने बारे में अगर बिजनेस, कारोबार, जिंदगी, शादी, कुछ भी जानना चाहो तो पूछ सकते हो। देखो एक बात याद रखो, अल्लाह ताला जब हमें जिंदगी देता है तो यहां दुनिया में उसने हमें छोड़ा है। अब यहां सरवाइव करने के लिए हमें कौन कौन सा धन चाहिए, कौन कौन सा तन चाहिए और कितना मन चाहिए, यह फैसला आपने करना है। जहां आप वीक पड़ोगे, अगर आप राइट हो तो वो मदद करेगा, अगर आप रॉन्ग हो तो वो मदद करेगा। जो हमारे बाएं कंधे पे बैठा, जिसके आमाल लिख रहा है, यानी इब्लीस, शैतान, जन्नात, ये आपकी मदद करेंगे। लेकिन दुनिया में एक अंदाजे के मुताबिक 88% रॉन्ग काम करने वाले ही हैं, चाहे वो फार्मेसी का बिजनेस है या कोई भी बिजनेस है, चाहे वो एडवर्टाइजिंग है, सियासत है, किसी भी फील्ड में जब तक आप दो नंबरी नहीं करोगे, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन लगाओगे तो नहीं चलोगे। डिप्लोमेसी, कहीं ना कहीं से कुछ झूठ वूट करना पड़ता है। और बाकी जिनकी वजह से ये दुनिया कायम है वो कोई 15-16% ही हैं जो रिस्के हलाल कमाने वाले। अच्छा, दांव नहीं लग रहा, बहुत सारे हमारे दुनिया में ऐसे लोग होते हैं, वो चाहते तो हैं रातों रात अमीर हो जाए, लेकिन वो कानून का खौफ कि हम किसी को मार देंगे तो क्या होगा, जैसे अभी कराची में या इंडिया में बहुत सारे चोरों को पकड़ लेते हैं डाकुओं को, आवाम ही ठुकाई करके उनको मार देती है, ठीक करती है, मतलब उस लिहाज से। लेकिन आपको कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए, मार पिटाई उनकी ठुकाई जरूर करनी चाहिए, लेकिन जान लेने का हक किसी भी आवाम या आवामी जितने भी लोग होते हैं उनको नहीं है। इसके लिए कानून है, अदालतें हैं, आपको यह फैसला उन पर छोड़ना चाहिए। आज दुबई में बहुत ज़बरदस्त मौसम रहा, दुबई में बहुत शदीद किस्म की बारिश हुई है, और जितने भी लोग यूएई में रहने वाले उनको पता है कि दुबई, शारजा, रासुल खैमा, अजमान, मुख्तलिफ जगहों पे वो शर्राटेदार किस्म की बारिश, उसके बाद एक सर्दी की लहर शुरू हो चुकी है। और अमेरिका में बर्फबारी बहुत ज़्यादा हो रही है इस वक्त,
कुछ जगहों पे न्यूयॉर्क में, न्यू जर्सी में, शिकागो में हाई अलर्ट हो गया कि इस साल शदीद बर्फबारी की वजह से हो सकता है 5-6 फिट तक भी बर्फ हो और उसकी वजह से काफ़ी तबाही भी मच सकती है। तो आप लोग अगर अमेरिका में हो तो प्लीज़ वो जो मेरा मौसमी हाल जो दिसंबर में मैंने 2022 में दिया था कि प्लीज़ आप लोगों के लिए जो US में रह रहे हैं और बाकी ममालिक में, वहाँ ये आफात जो आसमानी आफात है, मौसम की खराबियाँ, ये जानलेवा होंगी, तो आप लोगों को एहतियात करनी चाहिए। तो मेरे ख्याल से सब लोग आ चुके, हम थोड़ी सी डिस्कशन इस तरह से करेंगे कि मैं एक जोडियक साइन का, मतलब जिस वक्त जिक्र करूंगा कि एरीज है, एरीज का टैग लगा देंगे, फिर मैं जब वो स्लाइड्स जो मैंने बड़ी मेहनत से तैयार की होती हैं आप लोगों के लिए, ताकि आपको मैं जबानी कहूं और आप सुने और आपको याद ना रहे, मैं आपको स्क्रीन पे वो आपके कारोबार, वो आपके बिजनेस जो आप करना चाहो, जिसमें आपको 100% सक्सेस है, फेलियर का शिकार नहीं होगी, उसके आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। और ये मेरी प्रॉपर्टी है, मतलब यहाँ पे जितनी भी स्लाइड्स, जितनी भी चीज़ें चल रही होती हैं, ये राजा हैदर ऑन करता है इसको, मैं खुद ग्राफिक डिजाइनिंग और सारी चीज़ें मैं खुद कर रहा होता हूँ। सो ये कहीं का कॉन्टेंट नहीं है। यूट्यूब बड़ा सेंसिटिव एक इदारा है, जहाँ पर आप किसी का म्यूजिक भी लगाओ तो आपको कॉपीराइट एक्ट के तहत आ जाएगा, सारे पैसे आपके हमने लेने फलां करना, इसलिए 100% ऑर्गेनिक आप ये एक चैनल देखते हो। अच्छा, अब ये है कि थोड़े पैसे हैं, ज्यादा हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता। एक एक जब मैं बिजनेस के बारे में एक एक जोड़ी एक साइन का बताऊंगा, तो आप यहां उससे रिलेटेड सवाल भी कर सकते हो कि जी आपने ये बिजनेस का लिखा है तो हमें कैसे करना चाहिए, ताकि हम इस मुख्तसर सी शब्द को तवील बना सकें उस हिसाब से कि छोटे जुमलों में ज्यादा से ज्यादा आपको बताएं और आपको फायदा हो जाए। एंड थैंक यू वेरी मच, जितने लोग यहां पे आ रहे हैं, आप लोगों से गुजारिश है कि प्लीज डू सुपर चैट। सुपर चैट करने का तरीका यह है कि जहां पर आप मैसेज टाइप करते हो वहां एक एस लिखा हुआ नजर आएगा। एस का मतलब सिमी मैम नहीं है, ये एस है वैसे सिमी मैम ही, वो हर वक्त मांगती रहती मेरे पैसे दे दो, लेकिन ये वो डॉलर है। इस डॉलर पे आप क्लिक करोगे तो आपके सामने एक पेज खुल जाएगा और आप उसके जरिए जितना भी चाहो बार पे उंगली रख के पे कर सकते हो। और जब आप हमारी ये वीडियो देख रहे होगे बाद में, तब भी आप सुपर थैंक्स के जरिए भी सुपर चैट पे कर सकते हो। और ये उन लोगों के लिए होता है जो दो वक्त की रोटी भी नहीं खा सकते हैं, कार्य खैर है जिसमें मैं अपना कीमती टाइम देता हूं, मैं अपनी एनर्जी एफर्ट दे रहा होता हूं और आप हमारे प्रोग्राम को देख रहे होते हो। लेकर चलता हूं आप लोगों को, साथ साथ आपके मैसेजेस भी मैं पढ़ूंगा, ठीक है। प्राइसेस से स्टार्ट करें भाई, मैं जरूर प्राइसेस से स्टार्ट करता, लेकिन वो जोडियक साइन वाला होता ना कि वो मैं, मतलब जो अभी दो दिन बाद मैंने वीडियो करनी है, लाइव करूंगा, तो दिसंबर कैसा रहेगा, हो सकता है मैं कल ही कर लूं, तो उसमें प्रॉमिसली मैं प्राइसेस से स्टार्ट करूंगा और आपने जरूर ये लिखना, पता चले मुझे याद नहीं रहा और मैंने फिर एरीज से स्टार्ट कर दिया, तो अब मैं कोशिश करूंगा कुछ दफा प्राइसेस से स्टार्ट करूं, ठीक है। तो लेडीज जेंटलमैन, रेडी स्टेडी एंड गो, जो भी चीजें हैं 2023 में आप लोगों ने कौन कौन से कारोबार किस किस तरह से करने हैं, सबसे पहले हम आते हैं अपने प्यारे टंडन एरीज, दिखाई दे रहा है आपको? यस यस, मुझे भी दिखाई दे रहा है, अन्ना मैं भी नहीं लेकिन आप लोग मेरे ख्याल से आज के इस शो को एंजॉय करने लगोगे। फर्स्ट टाइम कहीं यूट्यूब पे दुनिया में ये एक चैनल है जहां ऐसा कोई प्रोग्राम दिखाया जा रहा है जो आपकी जिंदगी को बदलने वाला है, आपकी लाइफ की गेम को चेंज करने वाला प्रोग्राम, जिसमें 2023 में एडवांस में हम बता रहे हैं कि आपको क्या क्या बिजनेस करना चाहिए जो आपको सूट करता है। तो ये रहा आपके सामने सबसे पहले पाइसेस वालों का हमने लिखा है। पाइसेस वालों, आप लोगों के सामने जैसे PRO होते हैं, इसी तरह पब्लिक रिलेशन की कुछ कंपनियां बनी होती हैं जिसमें आप लोगों ने लोगों से राबते करवाने होते हैं, ये प्राइवेट फर्म्स होती हैं, आप अपनी खोल सकते हो, कहीं पे जॉब कर सकते हो अच्छे पैमाने पे, इसमें अच्छी खासी सैलरी मिलती है, आप अगर पब्लिक के साथ गुफ्तगुशुनीद अच्छी कर सकते हो तो ये एक वाहिद चीज़ है जो आपकी जिंदगी को बदल देगा। दूसरी आपके लिए जो जॉब है वो है लीगल एडवाइस जो लोग करते हैं, इसमें बहुत सारे लोग हैं जो किसी एक मुल्क में आते हैं, या आप किसी मुल्क में जानते हो और आपको बहुत सारी लीगल किसी भी चीज की कंसल्टेंट होते हैं कि जी हम आपको बताते हैं कि ये काम आपने कैसे करना। फर्ज करो आप वीजा फॉर्म भरने वाली एक जगह पर जाते हो, हमें सारा पता है पेपर्स कैसे करने हैं लीगल वे में, इलीगल
कंसल्ट नहीं करना है आपने। तो ये दूसरा ऐसा बिजनेस है जो 2023 में एरीज वालों के लिए बहुत जबरदस्त रहने वाला है। तीसरा जो बिजनेस है आप लोगों के लिए लेडीज एंड जेंटलमैन, वो आपके सामने है, वो है लॉ फर्म, कानून, वकील। अगर आप लोग वकालत पढ़ रहे हो या अगर आपने वकालत नहीं भी पढ़ी तो ये बिजनेस कर सकते हो। आपके पास पैसा है, आप कहते हो मैं क्या करूं, एक बहुत बढ़िया किस्म का ऑफिस लेना है, शानदार किस्म का, और आप लोगों को लॉ फर्म बनानी है और जो बेस्ट वकील और वकीलियां हैं उनको हायर करना है कि ये जगह आपकी है, इसमें से इतना परसेंटेज मेरा है, बाकी आप कमाओ। एक लॉ फर्म भी बना के आप बहुत सारे पैसे कमा सकते हो। एरीज वालों के लिए 2023 में ये भी रहने वाला। एक और बिजनेस भी है एरीज हमारे प्यारों के लिए, वो है आपके सामने। फोटोग्राफर जितने भी होते हैं दुनिया में, लेकिन एक तो है स्टिल, वो भी कर सकते हो, आप देख रहे हो, फोटो एडिटिंग कर सकते हो, लेकिन आजकल ड्रोन का दौर है। ड्रोन से फोटोग्राफ बना के, वीडियो बना के आप वो फुटेज बेच सकते हो, एक वेबसाइट बना के मुख्तलिफ इदारों में। आप उनको बोलो मैं ड्रोन ऑपरेटर हूं या मेरे पास बड़ा अच्छा सा एक कैमरा है। अच्छा, इसके लिए इन्वेस्टमेंट आपके ड्रोन पे, वो आप मुझसे पूछ सकते हो कि कौन कौन से बेस्ट हैं जो चीप भी हैं और क्वालिटी भी उनकी 4K तक है, वो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, ऑपरेट कर सकते हो। एक अच्छा सा आपके पास स्मार्टफोन होना चाहिए, और ये जो फोटो का है, फोटो के लिए आप स्मार्टफोन या आईफोन से भी तस्वीरें बना सकते हो 49 मेगापिक्सल, लेकिन जो प्रो कैमरास होते हैं फुल फ्रेम वाले, जो फुल फ्रेम कैमरास हैं, सोनी में भी हैं, वो कैनन में भी हैं, बहुत सारे, इस पे भी हम बाद में डिस्कस करते हैं। ये जब मैं पूरा दिखा दूं तो फिर एरीज वालों के मुतालिक नीचे सवाल होंगे, एक एक करके फिर मैं सबका बताऊंगा। एक कारोबार 2023 में आपको बहुत पैसे देने वाला है, वो ये। एक और बिजनेस है ग्राफिक डिजाइनिंग एंड ऐप डिवेलपमेंट। ये अगर आप देख रहे हो तो इसका फ्यूचर एरीज वालों के साथ बहुत ज्यादा है। ग्राफिक डिजाइनिंग का एक शॉर्ट कोर्स कर लो, 3 महीने 6 महीने, और एक छोटा सा लैपटॉप को बहुत ज्यादा हाईटेक ना हो, लेकिन जाहिर है उसमें विंडो 5-7 जो भी चलते हो, या आप अगर मैकबुक पे हो तो M1 इन्वेस्टमेंट है सारी आपकी, आप लोग कर सकते हो। जाहिर है M1 अगर लोगे तो वो तो अच्छा खासा आपको महंगा पड़ेगा। मैं क्योंकि ये M1 M2 जो मशीन आती है एप्पल की, उसी के ऊपर सारा काम कर रहा होता हूं। तो ग्राफिक डिजाइनिंग आप जैसे भी चाहो कोर्स करके कर सकते हो, और ऐप डेवलपमेंट, इसमें बहुत पैसा है, लेकिन इसके लिए आपको बिजनेस शुरू करना है कुछ ऐप डेवलपर्स को लेके, या फिर आप सोलो कर सकते हो, डिपेंड करता है, लेकिन ये बहुत पैसे वाला काम है। 2023 में आपको बहुत धन मिलेगा। एक और बिजनेस है एरीज वालों के लिए, वो बिजनेस आपके सामने आ रहा है, वो है एडवर्टाइजिंग एजेंसी। भाई साहब, ये एक ऐसा काम है जिसमें आप अन्नी मचा सकते हैं। एक एडवर्टाइजिंग कंपनी के लिए एक अच्छा सा ऑफिस चाहिए होता है, रेंट पे आपने लेना है। एड एजेंसी जिस तरह की होती है, आप कुछ एडवर्टाइजिंग कंपनीज का विजिट करो तो उन्होंने आर्ट दीवारों पे लगाए हैं, कुछ बिल्कुल प्लेन होते हैं। तो उसके लिए आपको 2-3 अच्छे लोग चाहिए, एक मार्केटिंग का बड़ा पावरफुल बंदा चाहिए, वो गवर्नमेंट से भी कमर्शियल ले सकता है। सबसे ज्यादा पैसा आपको गवर्नमेंट देती है कि जी आपके इश्तहार, बहबूदे आबादी के इश्तहार, बीमारी का इश्तहार, टीके का इश्तहार, फसलों का इश्तहार, इमरान खान आ रहा है या जा रहा है, इस टाइप के इश्तहार, नवाज शरीफ के इश्तहार, ये सब एडवर्टाइजिंग कंपनी में आते हैं। और दुनिया का हर बंदा इसमें इन्वेस्ट करता है, और इससे आप अरबों रुपया भी कमा सकते हो। एरीज वालों, फर्स्ट टाइम आपके हिस्से में एडवर्टाइजिंग एजेंसी आई है। डिपेंड करता है आप कितना पैसा लगा रहे हो, इस पर बाद में हम डिस्कस करते हैं। स्टॉक ट्रेडिंग, वाओ, आपके हिस्से में स्टॉक ट्रेडिंग आई है। स्टॉक ट्रेडिंग के लिए बहुत सारे लोग ऑनलाइन बिजनेस करते हैं। स्टॉक मार्केट हर शहर में होती है बड़ी। बहुत सारे लोग जो नहीं जा सकते, जो देहातों में रहते हैं, लेकिन इंटरनेट की फैसिलिटी है और वो ऑनलाइन, चाहे वो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज हो, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, इंडिया, बॉम्बे, दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज हो, आप UAE में अगर आते हो तो दुबई स्टॉक एक्सचेंज, कहीं भी, इसका बिजनेस आप लोगों को लॉस नहीं देगा। डिपेंड करता है कि आपको 2-3 महीने इसको सिर्फ स्टडी करना है कि किस में ट्रेडिंग करनी है, स्टॉक ट्रेडिंग में, और भी बहुत सारी चीजें, लेकिन शॉर्ट शॉर्ट आपको बताऊंगा। एक और बिजनेस है आप लोगों के लिए, वो है करेंसी ट्रेडिंग। करेंसी, व्हाट इज करेंसी ट्रेडिंग? ये क्या है कि आपने लीगल वे में एक लाइसेंस लेना होता है, वो चैंबर ऑफ कॉमर्स से लेके भी लोग इंटरनेशनल लेवल पे भी करते हैं, जो करेंसी एक्सचेंज का काम होता है, एक तो वो होता है, एक होती करेंसी ट्रेडिंग छोटे पैमाने पे, कि आपको ये पता है कि डॉलर हमेशा ऊपर जाता है, जिस वक्त डॉलर नीचे आ रहा है तो आपने डॉलर खरीद लिया अपना पैसा देकर, जो ही वो ऊपर जाएगा 10-20-30 रुपए, तो हर डॉलर पे आपको बच रहा है। डिपेंड करता है कि आप कौन सी करेंसी में ट्रेडिंग करते हो, ये बिजनेस 2023 में आपको बहुत सूट करेगा। एक और कारोबार है आप लोगों के लिए, और वो है डिजिटल न्यूज़ पोर्टल।
अच्छा, ये डिजिटल न्यूज पोर्टल जो है ये ऑनलाइन होता है, आप लोग एक खबरें दिन रात आप टीवी पे देखते रहते हो, इंग्लिश की कोई न्यूज है, इसके लिए आपको टेलीविजन वॉच करना होगा, कौन सी बड़ी खबर आई, खुदा नखास्ता कहीं धमाका हुआ, किसी चोर को पकड़ लिया, मौसम बड़ा खराब होने लगा है, इमरान खान को गोली लगी है, फला जगह भी इस्लामाबाद में जो हंगामे होने वाले हैं, आपको पता ही है कि जो ही ये चीजें वीजें आएंगी, ये PTI वगैरह, या किसी भी मुल्क में हो आप, BJP की बात कर लो या कहीं भी, आपको खबरें चाहिए, खबरें भी बहुत जबरदस्त, लेकिन झूठ ना हो, आप थंबनेल नकली ना लगाओ कि आइए देखिए आज मैं किचन का कौन सा सामान लेकर आया हूं, आपका भी दिल लरचाएगा, इस टाइप की बकवास नहीं करनी है आपने, अपने सच लिखना है। तो डिजिटल न्यूज का जो चैनल है ये इतना पैसा आपको दे सकता है कि आप सोच भी नहीं सकते हो 2023 में। एक और बिजनेस है आप लोगों के लिए मेरे प्यारो एरीज वालों, वो है फिल्म प्रोडक्शन। If you have money, मतलब 2-3 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़ तक है, तो आप शॉर्ट फिल्म की कंपनी से स्टार्ट कर सकते हो, आप नई टीम या प्रो टीम लेके एक फिल्म प्रोडक्शन कंपनी बना सकते हो, और अगर आपके माँ बाप अच्छे हैं या कहीं से आपको अच्छी खासी रकम मिल सकती है जो 10-12-50 करोड़ तक भी जा सकती है, तो फिर आप बॉलीवुड, तमिल या हॉलीवुड की फिल्म में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, जिसमें लॉस आपका 0% होगा, लेकिन काम को जानने के बाद। एक और काम है, आप जिम ओपन कर सकते हो, ओपन जिम फिटनेस ट्रेनिंग। अगर आप जिम नहीं ओपन कर सकते हो तो आप अपनी बॉडी को सेट करो, लड़कियां हो या लड़के हो, अपनी बॉडी शेप बनाओ। लड़कियां भी बहुत सही हैं जो फिटनेस ट्रेनर होती हैं, जिम पे पैसा अच्छा खासा लगता है, लेकिन ऐसा बिजनेस है जो अच्छी जगह पे अगर खोलो, जहां पे लोग अफोर्ड कर सकते हैं, कभी भी लॉस नहीं होता, गली मोहल्लों में नहीं, मतलब किसी अच्छी जगह पे, आप यकीन करो 50,000 रुपीज भी पाकिस्तान में एक एक जिम का महीने का आप लोग पे कर रहे होते हो, जहां पे सारे सुपर स्टार्स आते हैं, जहां बड़े बड़े लोग आते हैं, फैसिलिटी क्या देते हो, अच्छी इन्वेस्टमेंट के लिए जिम का बिजनेस आपके लिए बहुत अच्छा है, वरना फिटनेस ट्रेनर बन सकते हो। लड़कियां खास तौर पे अपनी बॉडी पे काम करें, शेप बनाएं, ताकि आपको देख के बाकी खवातीन मोटिवेट हों कि हमें इस जैसा फिगर बनाना है, साइज जीरो नहीं, मतलब अच्छा खासा फिगर होता है, तो वो कर सकते हो। एक और बिजनेस है, वो है इंटीरियर डेकोरेशन का। ये भी एरीज वालों के लिए बहुत जबरदस्त बिजनेस है। अगर आप घर वर के काम वाम करना जानते हो तो इंटीरियर डेकोरेशन के बिजनेस में आप लोगों को बहुत ज्यादा धन मिल सकता है, काम कर सकते हो, बहुत फायदा हो सकता है। एरीज वालों के लिए एक और काम है, वो है फैशन डिजाइनिंग। Yes, फैशन डिजाइनिंग एक ऐसा बिजनेस है एरीज वालों, क्योंकि आपका ब्रेन बहुत फास्ट चलता है, 2023 और आपकी लाइफ टाइम काम, मतलब ये सिर्फ 2023 में ही नहीं, इन सब कामों को आप जिंदगी भर भी चला सकते हो, लेकिन ये काम वो है जो आपको बहुत ज्यादा पैसा दे सकता है। इसमें कोर्स करना है, पढ़े लिखे लोग हो, अच्छा बहुत सारे लोग हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन वो फैशन की सेंस रखते हैं। अगर आप भट्टी साहब को जानते हो जो फ्रांस में है, मिलान फैशन वीक में भी और फ्रांस में भी, वो पढ़े लिखे नहीं है बिल्कुल भी, उनकी लैंग्वेज से भी आपको अंदाजा हो जाएगा कि भाई साहब ये तो बिल्कुल ही पैदल है, लेकिन वो अमीर तरीन आदमी है, ठीक है। तो फैशन डिजाइनिंग के लिए सेंसेस का होना बड़ा जरूरी है, ये भी आपको बहुत पैसे दे सकता है, इसकी डिटेल भी आपको बाद में बताते हैं। और एक और बिजनेस है, वो है टीचिंग का। टीचिंग करना चाहो किसी भी स्कूल में, आपके लिए बड़ा पैसा है। ट्रैवल एजेंसी का बिजनेस, ये बड़ा सूट करता है आपको आजकल ट्रैवल एजेंसी, लेकिन इसके लिए आपको डेफिनेटली अब अप्रूव्ड कुछ इदारे होते हैं कि आप लोगों को IATA से अप्रूव होना, उसके लिए अच्छे खासे पैसे लगते हैं। कैसे खोलनी है ट्रैवल एजेंसी, इसके बारे में भी आप मुझसे पूछ सकते हो, लेकिन ये वो बिजनेस है जो आपको बहुत ज्यादा पैसा देगा। इवेंट मैनेजमेंट एक चीज होती है, जिसमें आप शादी ब्याह, सालगिरह, बर्थडे पार्टी, खुदा न खास्ता अल्लाह आपकी करीबी लोग जितने भी प्यारे उनकी जान से दूर रखे, फूदगी के भी जो इवेंट्स होते हैं कि जी दूसरा है, चेलम है, फला है, उसके इवेंट को आपने मैनेज करना। लेकिन हम अच्छी बातें करते हैं कि अच्छे इवेंट को मैनेज करना आप लोगों के अंदर बहुत होता है, तो आप इवेंट मैनेजमेंट कंपनी या जॉब भी कर सकते हो, जिसमें आपको बड़ा फायदा है। और ये एक बिजनेस है जिसको आप स्क्रीन पे देख रहे हो, ये है फायर सेफ्टी, जो आइटम्स हैं, जो आग बुझाने वाले आलात हैं, जो गैस होती है, फला ये बड़े कम होते हैं, लेकिन अगर आप इसका बिजनेस करना चाहो तो इसमें भी बड़ा फायदा है आपको, आग बुझाने वाले आलात। तो ये मेरे प्यारों आपके सामने हमने पूरी की पूरी डिटेल बता दी, तो आपको कैसा लगा? अभी हम देखते हैं ये आपके मैसेजेस में, यहाँ पे बहुत सारे लोग देख रहे हैं, लेकिन अभी वो हजारों की तादाद में नहीं आए, इसलिए थोड़ा सा हम पॉज देंगे कि एरीज वालों का पहले तो हम टांका यहां से हटाएं, यानी कि आपने किधर गया,
एरीज वालों का ये सिलसिला देखा। इसके बाद टॉरस वालों की बारी है, जो हमने कर दिया। आप टॉरस की भी जब वो बारी आएगी तो हम इस पे भी देखेंगे कि हमने आपको क्या क्या बताना है। ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे प्रोग्राम को, लेकिन आपके मैसेजेस देख रहे हैं। प्लीज़ डोनेशन दे सकते हो अपना, अपने बुजुर्गों का, अपने मरहूमीन का, अपना जो भी सदका देना चाहो, जो भी आप डोनेशन देना चाहो, टोकन ऑफ लव देना चाहो, तो यहाँ पर आप सुपर चैट की सूरत में कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ एक चीज है, वो क्या चीज है मैं देखता हूं जरा, ये यहां तक आएगी। ओके जी, सलाम, मेरा कैंसर स्टार। अरे भाई साहब, हमने कहा जिस स्टार का हम दिखाएंगे उससे रिलेटेड सवाल करने हैं। कैंसर स्टार तो बड़ी दूर की बात है ना, अभी जब वो आएगा तो उसके बारे में हम आपको बताएंगे। भाई भाई सिंह जी, आपको सलाम, बहुत शुक्रिया। ओवरसीज वेमेन, बहुत शुक्रिया। वालेकुम सलाम। एंड सिंह मैम की तबीयत सही नहीं है, इसलिए उनका सलाम का जवाब भी मैं दे रहा हूँ। वट अबाउट हाउस वाइफ वर्किंग एट होम टॉरस? अच्छा, वो जब टॉरस आएगा तो हम बताएंगे। एक बात मुझे याद रखो, टॉरस, अभी टॉरस के बारे में बताते हैं। ये जितने भी कारोबार है ना, ये जॉब है, ये घर पे बहुत सारे ऐसे काम है जो घर पे बैठे हुए भी कर सकते हो। जैसे फैशन डिजाइनिंग है, जैसे ऑनलाइन ट्रेडिंग है, आप लोग कोई चीज परचेज करके ऑनलाइन बेच सकते हो। बहुत सारी खवातीन को मैं जानता हूं, अमेरिका में एक इंडियन दुकान थी जहां से मैं ग्रोसरी करता था, हर चीज उसमें मिल जाती थी। उसमें एक सेक्शन था जहां पे इंडियन सारी चीजें थी, एक सेक्शन था जिसमें पाकिस्तानी मसाले वसाले जो भी चीजें होती हैं। तो वहां में जब जाता था, तो आप जब ऐसे मुल्कों में जाते हो जहां सब गोरे गोरे हैं, जहां देसी बिल्कुल भी नहीं है, तो वहां आपको होता है यार आटा मिल जाए, रोटी मिल जाए, नान मिल जाए, तो वो नहीं मिलता। उस दुकान में उसने चपातियां बना के रखी हुई थी, और वो पैकेट जाहिर प्लास्टिक का था, उसके ऊपर कोई स्टिकर नहीं था, बस खाली एक डेट होती थी कि ये इस डेट से इस डेट तक ये चलेगा रोटियां। थोड़े दिनों के बाद वहां पे वो पराठों की सूरत में आ गया, और वो मुझे रिकमेंड करता था, सर ये जरूर लेकर जाएं, आपको अच्छा लगेगा। और मैंने एक दो दफा ट्राई किया तो मजा आ गया। अरे भाई साहब, हमें तो मेहनत ही नहीं करनी, तवा गर्म किया, खाली उसके ऊपर रोटी रखी, वो कुप्पा सा बन गया। वो रेडीमेड होती थी, लेकिन उसकी एक एज होती थी। मैंने उसको कहा ये आप बनाते हो? उसने कहा मैं नहीं बनाता, यहाँ पे एक इंडियन खातून है वो बनाती है, उसका काम है। तो मैंने कहा ये प्रोडक्ट जो है ये मैंने बहुत सारी इंडियन दुकानों पे देखा। कह रहे हाँ, जब उसने स्टार्ट किया था तो वो हमारी दुकान पे ये माल रखा करती थी, लेकिन अब मुख्तलिफ दुकानों पे उसका काम चल गया, तो अब वो मुख्तलिफ दुकानों पे जाती है। इस वक्त 35 इंडियन स्टोर हैं पूरे इलिनॉय में, जहां पे वो ये अपनी रोटियां बेचती है। और अब उसके पास 17 लोग हैं जो ये काम करते हैं, यानी उसने एम्प्लॉयमेंट भी दे दी है, और वो बड़े अच्छी खातून है। ये बात अभी हम कर ही रहे थे कि वो खातून अपनी एक बड़ी सी गाड़ी में, शानदार गाड़ी में आई, उसने कॉटन निकाले और वो आई, बर्फबारी हो रही थी और आके उसने रखे, और कामयाबी की बात हो रही थी। मैंने फिर उनको बड़ा अप्रिशिएट किया, मैंने कहा जी कमाल कर दिया। समझ आ रही है आपको कि बिजनेस शुरू करना चाहो तो आप घर में आलू की टिक्कियां बना के फ्रोजन फूड भी दुनिया में बेच सकते हो, बहुत काम है। तो हाउसवाइफ के लिए और भी बड़े काम है, ये वो काम है जो बेचारी कहती है कि जी हम, बेचारी का लफ्ज वैसे इस्तेमाल करना नहीं चाहिए, आप खुद बेचारियां होती हैं, लेकिन आप लोग अगर करना चाहो तो ठीक है। 5 SAR जो सुपर चैट है ये ओवरसीज वेमेन ने की है, थैंक यू वेरी मच। क्योंकि ये कम रकम होती है, इसलिए ऊपर जहाँ पे टॉप चैट लिखी होती वहाँ नहीं आता। इसके लिए बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला आपको कभी किसी कमीने का मोहताज ना करे और आपको बहुत दे। व्हाट अबाउट ओपनिंग अ न्यू हॉस्पिटल बिजनेस फॉर एरीज? ओके, देखो अब दो चीजें हैं सैयद मतीन हैदर साहब, अगर आप बिजनेस हॉस्पिटल को शुरू करना चाहते हो, मेडिकल, ये वो फील्ड है जो लाइफ टाइम की आप बात कर रहे हो। एरीज के साथ टिप का बिजनेस जुड़ा है डे वन से, क्योंकि पहला स्टार है, 21 मार्च को कायनात बनी थी। तो जब ये कायनात बनी थी तो तबीब जो वो हमारा परवरदिगार है, उसने तबीब बना के हजरत आदम को भी भेजा, और फिर लुकमान जैसे हकीम भी आए, बड़े बड़े आए। तो ये जो टिब का बिजनेस है ये एरीज से लेके पाइसस तक हर स्टार के साथ नहीं जाता है, कुछ लोग हैं जिनके साथ जाता है। ओपनिंग हॉस्पिटल एक बहुत रिच बिजनेस है। अगर आपके पास एक टीम है डॉक्टर्स की, आजकल तो लोग ये भी करते हैं, एक बिल्डिंग लेते हैं, बहुत अच्छा सा एक हॉस्पिटल बनाते हैं, खुद वो मेडिकल की फील्ड से नहीं है, लेकिन उन्होंने डॉक्टर्स हायर कर लिए, कंपनी बना ली, बंदे रख लिए, और आपकी वो मार्केटिंग पर डिपेंड करता है। लेकिन अगर आपके नंबर्स के साथ अगर इतना बड़ा बिजनेस शुरू कर रहे हैं, तो फिर theraja@hotmail.com पे आपको पूरी डिटेल, डेट ऑफ बर्थ, मदर नेम वगैरह, ताकि उसमें ईची बीची भी देख लें कि कितने सक्सेस के चांस हैं और कितने फेलियर के, वो भी हम आपको बता देंगे, ठीक है। तो फिलहाल यस से हमारी तरफ से, अगर आप हिसाब के बगैर भी करना चाहें। ये शो सर डिलीट कर देंगे? नो,
मैं डिलीट नहीं करूंगा, ये शो आप ही लोगों के लिए है, कल भी आप देख सकते हो, लाइफ टाइम यहीं पड़ा रहेगा। 2023 आने वाला है, जाहिर है एक महीने के बाद आप लोग उसको देखोगे, तो मैं चाहता हूं कि जब स्टार्ट होने लगे तो आप पहले से ही प्रिपरेशन कर लो और बिजनेस को चमकाओ और आपके धन में इजाफा हो जाए। वीडियो ये रहेगी डेफिनेटली। कैकेशा ने लिख दिया, थैंक यू रघु भाई, कैकेशा आप लोगों का बहुत शुक्रिया। और कोई सवाल है तो मुझे बताइए, वरना मैं टॉरस के बिजनेसेस के बारे में बताने लगा हूं। और ठीक है, यहाँ कुछ और सवाल भी थे। एक्वेरियस का मतलब वो सेकंड लास्ट पे, अच्छा गजल, आप अगर ये सोच रही हो कि वो सेकंड लास्ट पे है तो प्लीज बाकी शो को भी आप देखो, या फिर आप इस शो को स्किप कर दो सुबह या तकरीबन डेढ़ घंटे के बाद, यहीं पे ये वीडियो होगी, आप आगे करके अपना ही देख लेना। लाइव शो देखने का एक अपना मजा है कि इसमें गपशप भी आप देख रहे होते हो और बर्दाश्त करके बैठे हो, तो सब्र इन अल्लामा साबरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है, तो आपको फल अच्छा ही मिलेगा। एंड ओनली बिजनेस, ना बिजनेस जॉब, ये वो चीज है कि जो इस जॉब से रिलेटेड काम करना चाहे, यहां पे आप अगर इस इदारे में ये जॉब करना चाहें तो ये आपको फायदा देगा। और जो लोग नॉर्मल नौकरियां कर रहे हैं, जो जो चीजें आपके जोडियक साइन में नहीं आ रही, आप वो नौकरियां कर रहे हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें आप उतना ही कमाओगे जितना पिछले बरसों में कमाते रहे हो। ठीक है, माय नेम इज आसिफा हाशमी, आपके लिए सलामती दुआ, थैंक यू ओवरसीज विमेंस, बहुत शुक्रिया आसिफा हाशमी जी, सलामत रहिए, परवरदिगार मोहम्मद वाले मोहम्मद के सदके आपके मरहूमीन को जवारे रहमत में जगा दे, आपको धन मैं इजाफा करे, आपको सुकून दे और कभी किसी कमीने का मोहताज न करे। अस्सलाम वालेकुम फौजिया तनवी, वालेकुम सलाम जी। ओके, आते हैं दूसरे स्टार पे, रेडी स्टेडी एंड गो। मैंने कहा कि थोड़ा, क्योंकि इसमें मेरी तस्वीर मैं नहीं ला रहा हूं, मैं चाहूं तो मैं कहीं किसी कोने पे आ भी सकता हूं, लेकिन मैंने कहा नहीं, मेरी तस्वीर नहीं आए तो ज्यादा बेहतर है, आप लोग टॉरस के लिए तैयार हो जाओ। टॉरस वालों, 2023 में जो सबसे पहले आपने बिजनेस करना है वो है अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग फर्म। एक फर्म बनाना चाहो अगर आप, ये काम कर सकते हो, इसी में जॉब भी कर सकते हो। अकाउंटेंट होते हैं आप, अगर लग रहा है कि आपने ये फील्ड पढ़ी, बहुत सारे लोग होते हैं जो डॉक्टर होते हैं लेकिन वो एक्टर होते हैं, वो सिंगर होते हैं, वो प्रोफेसर होते हैं इब्रारुल हक की तरह, लेकिन वो भी सिंगर और पॉलिटिशियन होते हैं, तो वो अपने उस होल से निकल के जो दी बेस्ट है उसमें वो सक्सेसफुल रिकॉर्ड हासिल कर सकते हैं। तो ये है पहला बिजनेस जो आप जॉब और बिजनेस में कर सकते हो। दूसरा है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की, जो कंसल्ट करते हैं किसी को कि जी हमने ये करना है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एक बड़ा कमाल काम है, इसके बारे में अगर आप नहीं जानते हो तो ऑनलाइन आप चेक कर लोगे कि जी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, किसी भी प्रोजेक्ट को मैनेज किस तरह से करना है, इसमें पैसा भी अनना है, इसमें समझ बूझ होना जरूरी है, पढ़े लिखों की गेम है लेकिन बहुत कमाल है। अच्छा, इसमें प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में ठेकेदारी भी शामिल है, मतलब अगर आप कहो कि एक घर का ठेका ले लिया कि जी पूरा घर हम बना के देंगे आपको, तो ये एक प्रोजेक्ट है आपके पास, इसको मैनेज कैसे करना है, कितनी सीमेंट की बोरियां फला फला फला, तो ये उस बेस पे भी आता है। ठीक है, एक और कारोबार है टॉरस वालों के लिए जो कि बहुत बेस्ट है और वो है रियल स्टेट एजेंट। अच्छा, ये काम ऐसा है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान में तो इसके लिए कोई सनद नहीं चाहिए। आप गली मोहल्लों में जो दुकानदार हैं वो भी रियल एस्टेट के बिजनेस करते हैं, जी किराए का घर है हम देंगे, हमें आप 2% या 1%, वैसे 1% कमीशन होता है पाकिस्तान इंडिया में, जो आपसे 2-3% कह के भी करते हैं, इसमें बड़ा पैसा है। लेकिन अगर आप अमेरिका में हो, इंग्लैंड में हो, कैनेडा में हो, तो इसके लिए एग्जाम होता है, बहुत मोटी सी किताब होती है जिसके 1 और 2 एग्जाम्स देने होते हैं आपको पूरी की पूरी, कि शोइंग करने के लिए आपको क्या होना चाहिए, घर का पता होना चाहिए, ये आप कौन कौन से पेपर बनाओगे लीगल वे में। तो रियल स्टेट एजेंट का काम ये बहुत कमाल है, और अगर आपको कोई जॉब मिलती है तो इसमें बहुत पैसा आप कमा सकते हो 2023 में। अभी एक और बिजनेस है जो है स्टॉक ब्रोकिंग, ये स्टॉक मार्केट जिसके बारे में अभी मैंने बताया है, उसी तरह आप अपने भी, क्योंकि आपके नाम के साथ भी ये जाता है तो 2023 में आपको ये बड़ा सूट करता है। इंटीरियर डिजाइनर, अगर आपको घरों की समझ बूझ है कहां कहां कौन सी चीज होनी चाहिए। अच्छा, इसके लिए 2 तरह के बिजनेस होते हैं, एक तो जॉब होती है कि जी मैं इंटीरियर डिजाइनर हूं, मैं आपके घर को डिजाइन करूंगी, इसके लिए आप आर्ट
के दिलदादा हो, आर्टिस्टिक माइंड हो, आपने बहुत सारे घर ऑनलाइन भी देख सकते हो, यूट्यूब पे हजारों वीडियो हैं इंटीरियर डिजाइनर्स की कि कैसे लोग घरों को सजा रहे हैं, वो टाइम लैप्स में भी आपको नजर आ रहा होता है, जल्दी 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 पेंट भी कर रहे हैं और डेकोरेशन की पीसेस भी रख रहे होते हैं। अगर आप अच्छे खासे पैसे कमाते हो या आपके पास इन्वेस्टमेंट है तो फिर आप यूनिक किस्म की चीजें, इस पर मैं बाद में डिस्कस करूंगा, इन्हीं में से कोई एक बिजनेस करना चाहो कैसे करना है, फिर मैं आपको सीक्रेट्स बताता हूँ सारा, उन्हीं दस दिन तक अगला शो कौन देखेगा। अच्छा गार्डनिंग, आप लोग जो ये नर्सरियां होती हैं, ये पौधों का बिजनेस है, क्योंकि आपका मोहब्बत जो है इन चीजों से बहुत ज्यादा होती है, तो आप ये काम बहुत आसानी से कर सकते हो। इसमें बहुत ज्यादा पैसा है, मेहनत जरूर है, इसमें रिस्क जरूर होता है, लेकिन जितने भी लोग काम कर रहे हैं आज तक मैंने उनमें किसी को नुकसान होता हुआ नहीं देखा है, अगर आप ऑन करना चाहो तो। एक और बिजनेस है आप लोगों के लिए, वो है सैलून का, मेकअप आर्टिस्ट और स्पा का जो बिजनेस होता है, यह आप लोगों के लिए बहुत जबरदस्त है। आप एक सैलून खोल लो, मर्द हो या औरत हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप मेकअप आर्टिस्ट के तौर पे आप आ सकते हो, आपने किसी एक अच्छे मेकअप आर्टिस्ट से या जो ब्यूटी पार्लर होता है वहां जाके ट्रेनिंग ले सकते हो, और ये काम जल्दी नहीं होता, इसमें सालों की रियाजत चाहिए, क्योंकि एक चेहरा एक एम्प्टी पेपर की तरह होता है, उसके ऊपर आपने आर्ट करना होता है मेकअप का, इसीलिए मेकअप आर्टिस्ट होता है। एक होता है ना वो जो पेंटर्स होते हैं उनको आर्टिस्ट कहते हैं, एक होते हैं एक्टर, एक्टिंग करने वाले वो भी आर्टिस्ट होते हैं, वो लफ्जों का आर्ट, डिफरेंट आर्ट है, तो ये आप अगर करोगे तो बहुत है। स्पा का बिजनेस पूरी दुनिया में बहुत है, पाकिस्तान इंडिया में अभी अभी इंट्रोड्यूस हुआ है, अगर लीगल वे में आप कर रहे हो, अंदर दो नंबरियां नहीं कर रहे, तो फिर तुम स्पा के बिजनेस से भी बहुत कुछ कमा सकते हो, इसमें आप बहुत सारे काम कर सकते हो, ठीक है। और एक और बिजनेस है आप लोगों के लिए, वो आप देख लो, वो है जिम। जिम खोलना चाहो तो इसमें अच्छा खासा फायदा है, लेडीज जिम भी खोल रही हैं आजकल कहीं भी अपने घर के पास, क्योंकि खवातीन के लिए जिम नहीं होता। अच्छा जी, आर्ट टीचिंग एंड म्यूजिक टीचिंग, आर्ट टीचिंग में बहुत सारे आर्ट हैं जो आप सिखा सकते हो, अगर आपको आर्ट का पता है। म्यूजिक सेंस से आपको कोई इंस्ट्रूमेंट बजाते हो और आपने छोड़ दिया कि यार मुझे तो कुछ भी इसमें फायदा नहीं हो रहा, तो आप ऑनलाइन म्यूजिक टीचिंग की क्लासेस दे सकते हो, उसको प्रोफेशनल कर सकते हो, वो प्राइवेट कर सकते हो, आम दुनिया नहीं देखेगी, सिर्फ वही देखेंगे जो पे करते हैं। पूरी दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जिनको उस्ताद जी चाहिए होते हैं म्यूजिक या और भी बहुत सारी चीजें हैं जिनसे आप कमा सकते हो। एक और बिजनेस है हमारे टॉरस वालों के लिए, और वो बिजनेस आपके सामने है, वो है रिकॉर्डिंग स्टूडियो। अच्छा, ये खत्म होते जा रहे हैं दुनिया से, लेकिन रिकॉर्डिंग जब तक ये ऑडियो चल रही, रिकॉर्डिंग स्टूडियो में आप एडवर्टाइजिंग जितनी भी होती है उनकी डबिंग होती है। आजकल तुर्की के ड्रामे, मुख्तलिफ जबानों के ड्रामे, वो जिस जगह डब किए जाते हैं वो रिकॉर्डिंग स्टूडियोज होते हैं। तीन चार मॉनिटर रख के, एक अच्छा सा डेक वेक लगा के, आपने एक एक्सपर्ट बंदा रखना है जो डब करता है। आप लोग गाने रिकॉर्ड कर सकते हो, मर्सिए, नोहे, नाते, सब कुछ रिकॉर्ड कर सकते हो थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट के साथ। ये बिजनेस भी आपको बहुत सक्सेसफुल रेट देगा। आर्ट डायरेक्शन का काम आप कर सकते हो, इसके बारे में आप अच्छी तरह से जानते हो जितने भी लोग हैं। क्राफ्ट शॉप, अच्छा ये बेसिकली जो हैंडीक्राफ्ट या मुख्तलिफ जो इलाकों के जो फॉरनर्स लोग आते हैं, वो कहते हैं हमें पाकिस्तान या पंजाब या कराची या कौन सी ऐसी चीज है पाकिस्तान से रिलेटेड, या हिंदुस्तान में जो ट्रेवल करते हैं हमें कौन सी एक ऐसी शॉप होनी चाहिए, तो ये क्राफ्ट की बड़ी जबरदस्ती आप एक छोटी सी जगह भी खोल सकते हो, लेकिन इससे आपने दूर दराज के इलाकों के डिजाइन, कपड़े, कप, हर चीज, वो जो आप किसी जगह जाते हो गिफ्ट के तौर पर आप लेते हो, उसमें जैकेट्स भी होती हैं, दुपट्टे भी होते हैं, कश्मीरी शॉलें भी होती हैं। बाकी डिटेल भी आपको देता हूं। एक बिजनेस है ये फोटोग्राफर जो 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 होते हैं, फोटो आप लोग ये करना चाहो तो एक अच्छा सा कैमरा लेके कर सकते हो। टीचिंग का बिजनेस आप लोगों को सूट करता है, आप टीचर बन सकते हो। आप लोग इवेंट मैनेजमेंट, ये जो जैसे मैंने पहले बताया था कि जो भी इवेंट होते हैं शादी ब्याह, उसमें आप कर सकते हो। और वुडवर्क, ये जो लकड़ी का काम होता है, इसका बिजनेस शुरू कर सकते हो। आजकल अगर आप डिफेंस में, बहरिया टाउन में या कहीं भी एक वुड का बिजनेस शुरू करना चाहो, एक अच्छे जो काम करते हैं उनको आप हायर कर लो, और लकड़ी लाके आप खिड़कियां, दरवाजे, आपने कौन कौन सा देयार की लकड़ी है जी, इसमें कीड़ा नहीं लगता, ये शीशम की लकड़ी है जी, इसका टेबल बहुत अच्छा है, तो आप ये वुड का काम अगर करोगे तो बहुत ज्यादा पैसा कमा सकते हो। तो ये थे हमारे भी यारे टॉरस वाले। टॉरस वालो, थैंक यू वेरी मच, आप लोगों का बहुत शुक्रिया। तो आने तो करना नहीं, नहीं तो अडा कर रहे हैं। जमना वालों, वेट करो जब तक हम यहां से मैसेजेस पढ़ रहे हैं। अच्छा जी, क्या लिखा है
आप हमेशा इतनी अच्छी खुशखबरी देते हैं, वजीफे बताते, थैंक यू थैंक यू, बहुत शुक्रिया। और बाकी किस किस कह जी, अस्सलाम वालेकुम राज सर एंड सिमी मैम, समीना अमजद, वालेकुम सलाम समीना जी, माला थैंक यू वेरी मच। बिलाल जट क्या लिख रहे हैं, तो गायब हो गया। सिद्रा बतूल कह रही हैं, सॉरी आज फुल शो नहीं देख सकी बिकॉज आई एम नॉट वेल। अल्लाह ताला आपको सेहत शिफाए कामला वाजला अदा करे। सिमी मैम भी वेल नहीं है और मैं चाहता हूँ कि वो थोड़ा सा अगर बेहतर हो जाए तो फिर हम लोग मिलकर ज़बरदस्ता शो करें और आप लोगों को बहुत सारी सरप्राइजेज, बहुत सारी चीज़ें जो अभी मैं डिस्कस नहीं कर रहा वो हम लोग उन्हीं की ज़बानी हम सुनेंगे। हिना शेख कह रही हैं, मैं कैसे क्या है जी पैसे सेंड कर सकती हूँ। हिना शेख, आप इंडिया में हो तो सुपर चैट कर सकती हो, अपने बैंक अकाउंट डेबिट या क्रेडिट किसी भी कार्ड से यहाँ सुपर चैट कर सकती हो, और अगर आप जिस मुल्क में हो वहाँ से सुपर चैट नहीं होता तो फिर VPN की एक कोई भी फ्री ऐप डाउनलोड करो, उसको ऑन करोगे फिर आप पैसे पे कर सकते हो। शाजी मरी मलजाम, सनी खान थैंक यू वेरी मच। और जो आप तस्बीह बताते हैं वो एक साथ पढ़नी होती नहीं, दोनों अलग अलग तस्बीहां होती हैं, एक साथ नहीं पढ़नी होती है, ठीक है। एक साथ वाली जो होती हैं वो प्राइवेट मीटिंग में मैं बताता हूं कि जी आपको ये दो इस्माइल मुबारक इकट्ठे पढ़ने हैं, इसलिए वो अलग अलग तस्बीहां हैं, ठीक है जी। और क्या है, यस आई हैव नो प्रॉब्लम, आई एम इन वेटिंग मोड, ओके वेटिंग मोड में, ठीक है। क्लिनिक में पेशेंट का नंबर इंक्रीज कैसे करें, कैंसर स्टार यार। एक बात साइमा नासिर, देखो एक मेरी बात सुनो, अव्वल तो पहले मैं एक दुआ करवाता था, वो फिर दुआ मैंने थोड़ी सी साइड पे कर दी कि बीमारी रब की तरफ से आती है लेकिन परवरदिगार को सेहत बड़ी पसंद है। फरिश्तों ने कहा था ना कि परवरदिगार, एक सवाल है गुस्ताखी माँ, परवरदिगार ने कहा पूछो, फरिश्तों ने कहा परवरदिगार हमारे रब तुम हो, हम तुम्हारे इबादत करते हैं, आप हमारे माई बाप है, पूरी कायनात के आप ही हो, अगर आपका कोई रब होता, आपका कोई खुदा होता तो आप उससे क्या मांगते, मतलब हम तो जो भी मांगते हैं वो आपको पता है। अल्लाह ताला ने कहा अगर मेरा कोई खुदा होता, मेरा कोई रब होता तो मैं एक ही चीज मांगता। फरिश्ते हैरान हुए कि क्या, आपने अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैं सेहत मांगता, अच्छी सेहत मांगता। सो अच्छी सेहत एक बहुत बड़ी नेमत है। पहले मैं दुआ कराता था कि परवरदिगार जितने भी क्लिनिक और हॉस्पिटल हैं ये सब तबाह हो जाएं, इनमें जाले लग जाएं। फिर मुझे बहुत सारे डॉक्टर्स और हमारी जो बहनें हैं भाई हैं वो कहते हैं भाई हम तो ये बिजनेस करते हैं तो आप दुआएं तो मेरा ये मतलब नहीं था कि तबाह हो जाएं, मैं ये चाहता था कि दुनिया में कोई भी बीमार ही ना हो, सब सेहतमंद रहे, मेरा वो मकसद होता था। अब ये जो आप कह रहे हैं क्लिनिक में जो बीमार हैं पेशेंट हैं उनका नंबर कैसे इंक्रीज हो, अब इसके लिए मैं कैसे वजीफा बता सकता हूं, क्या वजीफा पढ़ो लोग बीमार होना शुरू हो जाएं, ये रेलेवेंट नहीं है वो क्वेश्चन। इसके लिए आप अपने रिस्क में इजाफे की दुआ कर सकते हो, रिस्क के लिए बहुत सारे हैं। आप लोग या नाफियों का वर्त करते हो, आप लोग या अजीजों या गनियों का वर्त करते हो, इससे आपका रिस्क बढ़ जाता है। लेकिन ये वाला लफ्ज के मरीजों में कैसे इजाफा हो ये हजम नहीं होता, समझ आ रही है, बुरा मत मानना लेकिन हम आपकी इसलाह करना जरूरी समझते हैं। टॉरस जी नेक्स्ट ईयर हैविंग ओन हाउस, वो डिपेंड करता है आप प्राइवेट मीटिंग कर रहे हो, टॉरस वाले घर खरीद भी रहे, यहां पर कैसे पता चलेगा कि आप घर खरीद रहे हो। बहुत सारे ऐसे हैं जो बेचारे झोंपड़ियों में रहते हैं वो भी टॉरस होते हैं, तो आपकी जो पर्सनल डेटा पर्सनल चीजें हैं वो अलग होती हैं, ठीक है। और थैंक यू वेरी मच। अब देखते हैं बिल्कुल एंड पे क्या है जी, लिब्रा के हालात का, वो लिब्रा के हालात अच्छे हैं, आपको हम रोजाना यही बात करते हैं कि लिब्रा का ताल्लुक नहीं है, आप अपने पर्सनल स्टार का हिसाब करवाओ कि आपके हालात कब बदलेंगे। लिब्रा वाले बहुत अच्छे जिंदगी गुजार रहे हैं। अच्छा जी ओके, अब आते हैं एक और ज़ोडियक साइन जिसको हम जेमिनी के नाम से जानते हैं। जोजा वालों को 2023 में कौन कौन से बिजनेस करने चाहिए ये रहे आपके सामने। सबसे पहले आप लोगों को जो बिजनेस करना चाहिए वो वेब डिजाइनिंग और ऐप डेवलपमेंट जो होती है इसका आप बिजनेस करना चाहिए। आजकल बहुत ज्यादा वेबसाइट बनाने की ऐप्स आ चुकी हैं, आप गो डैडी पे भी जाते हो तो बड़ा इजी एक्सेस आपको दिया जाता है माफ कीजिएगा, आप अगर विस पे जाते हो तो वहां से भी आप लोगों के लिए वेब बना सकते हो, लेकिन इसके लिए कोर्स कर लो आप। वेब डिजाइनिंग का बड़ा आसान कोर्स होता है, इसके लिए थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है, एक लैपटॉप चाहिए आपको और आप लोगों को वेब डिजाइन करके वेबसाइट डिजाइन करके दे सकते हो। लेकिन एक बात याद रखना, वेबसाइट खरबों लोग डिजाइन कर रहे हैं दुनिया में, आप खुद भी घर बैठे कर सकते हो, लेकिन जो यूनिक है ना उनकी मांग ही कुछ और होती है। आप लोग आइडियाज लेकर आओ,
आप क्रिएटिव माइंड वाले लोग होते हो जेमिनी, तो आप लोग अगर वेब डिजाइनिंग करो या ऐप डेवलप करो तो बहुत पैसा कमा सकते हो 2023 में। आप लोगों को दूसरा जो बिजनेस है वो क्या करना चाहिए, दूसरा बिजनेस आपके सामने अभी आ रहा है, ये वो है सोशल मीडिया मार्केटिंग। ये क्या है बॉस, इस पे आप दूसरों के लिए काम करते हो और पैसा कमाते हो, आप अपना भी सोशल मीडिया, चाहे वो फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, टिकटॉक है, आप लोग यूट्यूब पे हो, सोशल मीडिया के जो एड चलते हैं, जो बीच में आते हैं, इसकी मार्केटिंग बहुत कमाल चीज है। इसके बारे में आप ऑनलाइन वीडियो देखोगे अपनी जबान में, अपनी भाषा में, अपनी लैंग्वेज में, तो आपको समझ आ जाएगा मैं क्या कह रहा हूं। इसके लिए भी ऑनलाइन कोर्सेज भी होते हैं, आपको थोड़ा समझ आ जाए आप इतने पैसे कमा सकते हो कि आपको कहीं जाने की भी जरूरत नहीं है। एक और बिजनेस है आप लोगों के लिए या जॉब है, वो है आर्ट स्कूल, एक्टिंग एंड सिंगर। ये तीन जॉब्स मैंने एक ही फ्रेम में डाल दिए हैं क्योंकि मैंने कहा बहुत सारी स्लाइड्स हम नहीं बना सकते। अच्छा, आर्ट स्कूल आप चला सकते हो, आर्ट से रिलेटेड जितने भी काम होते हैं, एक छोटा सा स्कूल आप अपने इलाके में खोल सकते हो किसी ऐसी सेंसिबल जगह पे जहां पे लोगों के लिए आना जाना आसान हो, मतलब बहुत अंदर करके ना हो, जहां लोग डरे कि यार ये पता नहीं कहां इन्होंने स्कूल खोल दिया। एक्टिंग करियर शुरू कर सकते हो आप, क्योंकि मेरे ख्याल से जो जेमिनी वाले हैं, मरकरी जो है वो एक्टिंग स्केल के लिए ही बना होता है, वो पैदाशी एक्टर होते हैं, बड़ी एक्टिंग करते हैं घर वालों के साथ भी। अच्छा, सिंगर बहुत अच्छे होते हैं, म्यूजिक सेंस इनका बहुत अच्छा होता है, तो अगर आपने अब तक अपने ये वाली लक नहीं आजमाई तो 2023 में आप बहुत सक्सेस होने वाले हो, ये काम कर सकते हो। एक और बिजनेस है आप लोगों के लिए, वो है इंटीरियर डिजाइनिंग, जिसके बारे में हम कह चुके हैं पहले भी कि आप अगर थोड़ा सेंस रखते हो तो आप ये काम करो, इसमें बड़ा फायदा है। ब्लॉगिंग, ब्लॉगिंग में भी आजकल बड़ा एक फ्यूचर है, आप ब्लॉग बनाते हो किसी एक इदारे, किसी एक चीज, किसी भी चीज को डिस्कस करते हो, लेकिन इसके लिए आपको अपनी मार्केटिंग करनी है, अपनी मार्केटिंग करनी है, क्योंकि आप इसमें बहुत बेस्ट होते हो, आपका एक जो व्यू है, पॉइंट ऑफ व्यू, इसमें बहुत ज्यादा सक्सेसफुल रेट कमा सकता है, तो आपके सितारों मैच कर रहा है, तो आपको ये जरूर ट्राई करना चाहिए। सलून, मेकअप आर्टिस्ट और स्पा का बिजनेस आप लोगों के लिए सूटेबल है, ये भी कर सकते हो। ऑनलाइन न्यूज पोर्टल यानी ऑनलाइन न्यूज का कुछ चैनल आप बनाना चाहो तो बहुत फायदा है। अच्छा, ये एक बिजनेस है ट्रांसलेशन सर्विस का, मैं खुद जाहिर है 16 लैंग्वेजेस बोल लेता हूं, अगर आप लोग इंग्लिश से उर्दू ट्रांसलेट कर सकते हो, आप लोगों को अरबी से फारसी में ट्रांसलेशन आती है, तो ऑनलाइन बहुत सारी जॉब्स आपको मिल जाती हैं। आप अपनी एक छोटी सी कंपनी घर में बैठे बैठाए बना लो, रजिस्टर कर दो, एक वेबसाइट बना दो और ट्रांसलेशन सर्विस देना शुरू कर दो, क्या मुख्तलिफ जबानों की ट्रांसलेशन करके आपको देंगे। बहुत सारी वीडियोज के आगे आप देखते हो अलग अलग लैंग्वेजेस में ट्रांसलेशन हुई होती है, ये एम्बेसीज में भी काम आती है, अगर आपको लैंग्वेज अच्छी है तो आप एम्बेसीज में जाके ट्रांसलेटर या जो लैंग्वेज का होता है उसके लिए भी जॉब कर सकते हो, बहुत फायदा है। जेमिनी वालों, आप ट्राई कर सकते हो। एक और बिजनेस है वो है पर्सनल ट्रेनर, ये आप बिजनेस जिम विम में कर सकते हो, इसमें बहुत पैसा है। फैमिली की काउंसलिंग जो होती है, ये आजकल बड़ा यूनिक काम है, जो फैमिलियां टूट रही होती हैं, आप बाहर वेस्ट कंट्रीज में चले जाओ, हमारे मुल्कों में थोड़ी कम है, लेकिन वेस्ट कंट्रीज में बाकायदा काउंसिल के जो लोग हैं या जो फ्रीलांस भी काम कर रहे होते हैं, वो फैमिली को जोड़ते हैं, वो तोड़ते नहीं, वो आपको बताते हैं, दोनों की सुनते हैं, दोनों में सुलह सफाई कराते हैं। फैमिली काउंसलिंग आपके अंदर बहुत अच्छी है, और आप मैरिज के लिए भी कुछ कर सकते हो, जैसे होता है रिश्ते कराना, उसकी काउंसलिंग करना कि जी ये शादी अच्छी है, रिश्ता हमारे पास है, इसमें भी आप बहुत पैसा कमा सकते हो। ये एक नया बिजनेस होगा आप लोगों के लिए 2023 में। फोटो वगैरह अगर बनाना चाहो, फोटोग्राफर बनना चाहो, तो एक बहुत आला और बढ़िया किस्म का बिजनेस है टूर ऑपरेटर का बिजनेस, ये बड़ा कमाल है, इसमें फायदा बहुत है आपको। इसमें थोड़ा सा आपने एक ऑफिस लेना होता है, घर से नहीं कर सकते हो, घर से करोगे तो जाहिर है बहुत ज्यादा भीड़ नहीं आएगी आपके पास, किसी ऐसी जगह पे जहां पे थोड़े अच्छी खासी फैमिली खाने पीने वाले लोग जो टूर करने वाले हैं वो लोग होते हैं। कुछ लोग हैं जिनके पास पैसा बहुत है लेकिन उनको ये पता ही नहीं है कि हम कहां जाएं, क्या करें, तो आप उनको टूर डिजाइन करके देते हो। एम्बेसीज के लिए आपकी एक्सेस होती है, वीजा फॉर्म से लेके उनकी इंश्योरेंस तक सारी चीजें करते हो, टूर ऑपरेट करते हो, और अगर आप ऑफिस नहीं ले रहे हो तो फिर आप अपने आप को रजिस्टर करके एक ऑनलाइन अपना को पेज वेज बना दो इंस्टाग्राम और टिकटॉक पे, और ताकि अगर कोई फर्ज करो आप इंडिया में हो
हूँ या पाकिस्तान में हूँ, कोई बंदा अमेरिका से आता है कि जी हमने दिल्ली, बॉम्बे, लाहौर, कराची देखना है, तो आप बोलो जी मैं टूर ऑपरेटर हूँ, मैं आपका ये सारा, इतने पैसे आपने देने हैं, यानी आप $1,000 देंगे तो मैं 3 दिन आपको पूरा सर्व करूंगा, जिसमें खाना पीना, गाड़ियों के किराए और हर चीज़ मेरी, आप मेरी जिम्मेदारी होगी, मतलब एक मिसाल के तौर पर 1,000 रुपये लगा रहा हूँ, तो इसके बारे में बाद में डिस्कस करता हूँ। तो ये बड़ा पैसे वाला काम है आप लोगों के लिए। और फ्रीलांस राइटिंग आप कर सकते हो, जितने भी लोग हैं जो राइटर हैं वो ये काम कर सकते हैं कि मुफ्त में फ्रीलांस आप किसी को भी कुछ लिख के दे सकते हो। स्टॉक ट्रेडिंग का काम आईटी के बिजनेस में जो पैसा है वो किसी और चीज में नहीं है। तो ये हमारे प्यारे जेमिनी वाले हैं, इस पे अब हम डिस्कस करते हैं। अच्छा, मैं जो जो स्टार बताऊं, इसके बाद कैंसर की बारी, इसलिए मैंने पहले उनको ऊपर लगा दिया। अब आप डिस्कस कर सकते हो, जब मैं वापस आया करूं, हाँ जी अब बताएं आप, तो इसमें आप लोगों को बड़ा भला और फायदा होगा। कार रिलेटेड बिजनेस, तो आप उसके लिए हम पर्सनल मीटिंग कर सकते हो। देखो ये इन्होंने लिखा फैजान अगर स्टार में नहीं है, देखो बहुत सारे ये वो बिजनेस है जिसमें लॉस आपका 5% 6% से ज्यादा नहीं है, जो आप 100% इसमें कमा सकते हो। अब आप कहते हो मुझे गाड़ियों का बिजनेस करना है, तो उसके लिए पर्सनल द राजा हैदर एट hotmail.com जो आगे लिखा है उसमें मीटिंग करोगे कि आपको लोहे के काम में फायदा है कि नहीं, इलेक्ट्रॉनिक में फायदा है कि नहीं, उसके सारे टर्म्स एंड कंडीशन। जाहिर है अभी आप गाड़ियों का काम शुरू करने लगे हो तो बड़ी छोटी सी फीस है मेरी, ठीक है, तो आप मुझे फीस दोगे, मैं आपको ये दूंगा। व्हाट इज दिस, ये कोरियन में दिल होता है, आजकल इसका बहुत ट्रेंड चला है। आप किसी को कहते हो ए, इसका मतलब कि लव यू, हाँ दिल, तो हम आपको अपना दिल देंगे और आप हमें बिल देंगे। और कौन सा इवेंट प्लानिंग, इवेंट प्लानिंग विद जेमिनी, हाँ हाँ हाँ, सोशल बीबीसी। देखो इवेंट प्लानिंग जो है, क्योंकि मरकरी के साथ भी रिलेट करती है, आप अगर करना चाहो, आप यकीन करो कि इसमें इतना पैसा है, लोगों को समझ नहीं आता, आपको सिर्फ नाम बनाना है। इसमें क्या होता है कि आपने कुछ कैटरिंग सर्विस वालों को कहना भाई साहब उधार भी चलेगा थोड़ा सा, आपको एक वीक का होगा, लेकिन मैं, आप मुझे बेस्ट टेबल देंगे, उसके ऊपर फूल लगा के देंगे, मैं आपको 1,00,000 रुपए का प्रोजेक्ट दूंगा, मार्केट से आप 3,00,000 रुपए उठा रहे हो, उस 1,00,000 में आपने टेबल, खाना पीना, छोटा सा जी बर्थडे पार्टी, कितने लोग हैं, 50 लोग हैं, मैं खाना दूंगा, ये मेन्यू है, किसी का मेन्यू नहीं देना, अपना कंप्यूटर से अच्छा सा मेन्यू बनाओ, ये बहुत पैसा है। कैटरिंग बिजनेस में, ये इवेंट मैनेजमेंट में बहुत पैसा है। शो करवा रहे हो किसी आर्टिस्ट का, एक्टर का, उसके लिए आपका जाहिर है नाम होना जरूरी है, क्योंकि हर बंदा करोड़ों रुपए ऐसे ही आपके अकाउंट में नहीं डालेगा कि आप शाहरुख खान को बुला के दो डांस करवा दो या ये करवा दो, समझ आ रही है आपको, तो इस काम में बड़ा फायदा है जी। और सादिया अली, अच्छा सादिया अली है या आली है, मुझे ये समझ नहीं आया, क्योंकि अली के स्पेलिंग ALI है, उसको कोई तर्दीद ना किया करो, मोहम्मद के जो स्पेलिंग है वही रखो, फातिमा के जो स्पेलिंग है वही रखो, बहुत सारे लोग एक्स से फातिमा लिखने लगे, फातिमा एफ से होता है, एक्स से नहीं होता है, तो वो यूनिक बनने के लिए, तो अगर आपका नाम अली है ना सादिया, तो सादिया ALI लिखो, उसके बेनिफिट ज्यादा मिलेंगे बजाय इसके कि आली सजल आली, वो जो आली कर दिया ना, तो उससे फिर आली हो जाते हैं, बल्कि आली शान हो जाते हैं। उर्वा हुकैन है, तो वो हुकैन गलती से बचपन में वो लिखती थी, तो उनका नाम का हिस्सा बन गया, जबकि हुसैन हुसैन है, वो हुकैन नहीं हो सकता, समझ आ रही मेरी बात। तो जो अहले बैत या मजहबी नाम है उनका कोई भी मजाक नहीं, उनके स्पेलिंग की तर्दीद अगर आप करोगे, हमने अपनी तरफ से ऐड कर दिया, फारिग हो जाओगे। मैंने राजा में RAJA किया है, हैदर में नहीं किया, क्योंकि उसकी गुंजाइश ही नहीं, इतना परफेक्ट नेम है कि उसमें अगर एक ए फालतू या आई फालतू डालोगे तो आप फालतू हो जाओगे, समझ आ रहे हो। तो ये वैसे ही एक भाई आपको मशवरा दे रहा है इसलिए, ठीक है जी। और क्या है जी, और कोई सवाल है जेमिनी का, जो जो बिजनेस लिखे हैं सर, स्टॉक ट्रेडिंग अगर आप कह रहे हैं कोई स्टार के लिए, तो वो उसकी पर्सनल ट्रेडिंग भी फायदा, हाँ बिल्कुल, देखो स्टॉक में पर्सनल भी है, हमने तो ओवरऑल इसको ज्यादा हाईलाइट नहीं किया क्योंकि ये शो फिर बहुत लंबा हो जाएगा, अभी हम चौथे सितारे पे पहुंचे हैं। ये स्लाइड्स मैंने बनाई हैं, बिजनेस आपके लिए ये वो हैं जिसमें नुकसान की शरह नहीं है, इसके अलावा 10-10 और कारोबार भी हैं जो 40% 30% भी फायदा देंगे, उसको मैंने ऐड नहीं किया, मैंने बिल्कुल अलग से आपके लिए वीडियो सारी बनाई हैं। अच्छा मीटिंग कैसे होगी, स्क्रीन पर लिखा जी theraja@hotmail.com, और आपके लिए आसानी हो जाए। और ये जकिया ने £5 सुपर चैट किया, जकिया जी बहुत शुक्रिया।
अल्लाह ताला आपके रिस्क में इजाफा करे, कभी किसी कमीने का मोहताज ना करे और बहुत 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 दे आपको। कल हमने हॉरोस्कोप की वीडियो की है, वो देख लीजिए, हमारी यहीं पे है। लियो स्टार 2000 शादी कब होगी, लियो की शादियां हो रही हैं, आप पर्सनल पूछिएगा कि शादी कब होगी। सर अल्लाह आपको आबाद रखे। थैंक यू सादिया, बहुत शुक्रिया। जैनब जी अली कह रही हैं आप बहुत बहुत सलाम, वालेकुम सलाम जी। और द डेली कह रहे हैं हैदर भाई किसी इस्लामी नाम से किसी बिजनेस का नाम रखा जा सकता है, प्लीज गाइड कर दें। डेफिनेटली रखा जा सकता है। देखो मैं बताता हूं आपको, जब आप कोई जाके मोहम्मद ग्रोसरी शॉप आपने लिखा हुआ है तो कोई बुरी चीज थोड़ी कर रहे हो, उस ग्रोसरी शॉप में खाना पीना ये सारे हैं तो आपने अपने नाम पर लिख लिया है। लेकिन अगर आप लोग मोहम्मद तोबन उजबिल्ला किसी एक मुकद्दस नाम को लेकर और आगे आप लोग ऑफ लाइसेंस का बिजनेस करते हो तो ये जायज नहीं है, क्योंकि जो चीज हराम है, हराम बिजनेस पे आप मजहबी नाम नहीं रख सकते हो। कपड़े का बिजनेस है, मेकअप का बिजनेस है, आप कोई भी नाम रख सकते हो, लेकिन उस नाम रखने के पीछे वजह क्या है, मतलब पहले ये देखना है। मैच तो डेफिनेटली करता है लेकिन उस बिजनेस को किस तरह से चलाना है। आजकल बिजनेस नेम शॉर्ट चलते हैं, यूनिक चलते हैं, जो लोगों के सुनने में बड़ा अजीब लगे वो चलते हैं। अच्छा मैं जब था, मेरे एक दोस्त हैं, उन्होंने मुझे कहा यार अमेरिका में कि मुझे बिजनेस करना, यहाँ तो दीवान पे खाने के बड़े बिजनेस हैं। दीवान एक स्ट्रीट है जहाँ पे पाकिस्तान और इंडिया के बेशुमार खाने ज़्यादा पाकिस्तानी आपको मिलते हैं, तो हर एक ने नाम रखा हुआ, खान बाबा तो सरीना तो फरा फरा, मैं क्या बिजनेस करूं यार। और मैं, दो तीन लोगों ने बिजनेस शुरू किए, उन्होंने पंजाबी बिरयानी, दम बिरयानी, और फारिग हो गए, बस एक ही देख पकती थी, फारिग हो जाए, बिजनेस भेज दिया। उन्होंने कहा मैं क्या करूं कि सिर्फ पाकिस्तानी नहीं, हर बंदा आए और मेरा काम। मैंने कहा नाम सबसे पहले यूनिक रखो, नाम हम लोग पाकिस्तानी क्या करते हैं कि नाम जब करते हैं ना तो सबसे पहले पेप्सी या कोक वालों को बुला लेंगे, फेयर एंड लवली वालों को बुला लेंगे। अगर कोई मेडिकल स्टोर है तो हम कहेंगे जी हमने ये दुकान खोली है, प्लीज आप बोर्ड स्पॉन्सर कर दें। वो इतने बेवकूफ हैं यार, आप लोग लाखों करोड़ों का बिजनेस कर रहे हैं और पेप्सी वाले बड़ा सा एक पेप्सी का बोर्ड लगाएंगे और बीच में लिखा होगा नदीम जनरल स्टोर, फिट एमो नदीम जनरल स्टोर का, कि वो पेप्सी खा गया ना आपकी। वो मिसाल क्या देंगे जी, आपका घर किधर है यार, उधर आना, एक बड़ा सा पेप्सी का बोर्ड लगा हुआ है, उसके बाद तो नदीम जनरल स्टोर किधर गया। अब आप लोग मार्केटिंग डिजिटल, आजकल साइन बोर्ड्स चले हुए हैं, लाइट्स वाले, स्क्रीन वाले, उस पर अगर लगाएंगे दूर से ही लगेगा कि इस मोहल्ले में यार लाइटें चल रही हैं, पैसा तो बिजली तो आंदी नहीं हो, तुम बैटरी नली ला दो। लेकिन ये एक तरीका होता है, फिर नाम होता है। तो मैंने कहा नाम अगर आपका अच्छा होगा तो लोग जरूर आएंगे, ठीक है। तो नाम क्या रखना चाहिए वो बाद में बात करते हैं। आते हैं जी एक और स्टार पे, और बहुत सारे लोग हैं, उन लोगों से मेरी गुजारिश है कि जिन लोगों को समझ नहीं आ रहा है शो, यहां से वो जा सकते हैं अपने घरों को, आराम कर सकते हैं। उल्टा सीधा कुछ लिखोगे साइबर क्राइम में रिपोर्ट भी हो जाएगी, हरासमेंट का भी वो चीज हो जाएगी और आपकी आईडी भी छिन जाएगी। आप नेक्स्ट टाइम इस शो में ना तो घुस सकते हो ना इस आईडी से कुछ लिख सकते हो। आप 20 दफा होगे 20 दफा बंद हो जाएगी हमारी टीम, ये जो हमारा खान गैंग है ब्लू टीम, इनको मैंने इजाजत दी हुई है, ठीक है जी। जेमिनी ज्वेलरी डिजाइनिंग एंड सेलिंग का ऑनलाइन बिजनेस भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। देखो जो आर्ट से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं, ज्वेलरी इज द आर्ट ना, कि अगर आप डिजाइनिंग करते हो, उसको ऑनलाइन बेचते हो, ट्रेड करते हो, तो इसमें आपको डेफिनेटली फायदा होगा। जेमिनी की नंबर्स क्या रहे हैं, जेमिनी 1 को पैदा हुआ, 5 को पैदा हुआ, 14 को पैदा हुआ, 23 को पैदा हुआ, जिस अदद के साथ 1 या 5 आ रहा है उसमें पैदा हुआ तो उसके लिए अलग बिजनेसेस हैं, उसमें नाकामी हो ही नहीं सकती। लेकिन ये जो आप बोल रहे हो ये वो बिजनेस है जो ऑलरेडी 2023, 24 और 25 तीन सालों तक ये ग्रो करेगा। लेकिन देखो ज्वेलरी डिजाइनिंग और सेलिंग को आसान काम नहीं है, आप कहीं से तो उठाओगे। डिजाइनिंग का मतलब कि डिजाइन करोगे तो उस पर भी दिमाग, पैसा, हर चीज लगती है, लेकिन अगर आप कहीं से उठा के बेच रहे हो तो उसमें आपका क्या कमाल है। मतलब कमाल तो ये है कि आप उसकी यूनिक चीज लोगों को दिखा रहे हो कि ये कहीं और नहीं है, ये एक्सक्लूसिव हमारे उसके लिए डिजाइनिंग में आते हैं। अच्छा खासा पैसा लगता है लेकिन डेफिनेटली बिजनेस कर सकते हो। माला इसके पैसे अलग होंगे, प्लीज दे दीजिएगा। ओके लेकर चलता हूं कैंसेरियन। कैंसेरियन आप लोगों को 2023 में कौन कौन से बिजनेस करने चाहिए ये रहे आपके सामने। सबसे पहले ई कॉमर्स
ई कॉमर्स ऑनलाइन बिजनेस में सब चीज़ें होती हैं, आप लोगों को एक लाइसेंस लेना पड़ता है, आप लोगों को बैंक अकाउंट साथ मर्ज करने होते हैं, आप ऑनलाइन बैठ के बहुत पैसे कमा सकते हो, आप कुछ भी चीज़ बेच सकते हो, आप अमेजोन के साथ, ईबे के साथ, आप नून के साथ, आप चीन के साथ, पाकिस्तान में भी इस तरह की कोई भी अगर इदारा हो उन कंपनियों के साथ भी आप ये काम कर सकते हो। सो अमेजोन वगैरह के साथ अगर आप बिजनेस करना चाहो तो ई कॉमर्स का लाइसेंस होना बड़ा ज़रूरी है, ये कैंसर वालों के लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। तो आप लोग एक बिजनेस ये कर सकते हो। दूसरा बिजनेस आप लोगों के लिए सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का है, ऐप डेवलपमेंट का है, जिसके बारे में अभी हमने पीछे बता भी दिया है कि ये बिजनेस भी आप लोगों को बहुत ज्यादा पे करके जाएगा। इसके अलावा एक और बिजनेस है और वो है साइबर सिक्योरिटी। बॉस ये बड़ा कमाल है, इसके लिए आपको एक कोर्स करना होता है। पढ़े लिखों का बिजनेस है, वो लोग भी जो जिनके पास पैसा है वो पढ़े लिखे नहीं है और वो कहते हैं हम क्या काम करें ऐसा। साइबर सिक्योरिटी के इक्विपमेंट्स, इदारा, कंप्यूटर, लोग जो साइबर क्राइम में भी काम कर रहे होते हैं, ये साइबर सिक्योरिटी का बिजनेस इस वक्त दुनिया में सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाला है। लेकिन इसके बारे में सेंस होना चाहिए, आपने कहां सेल करना है, आप लोगों ने अपने आप को एक प्रोडक्ट बना के कहां बेचना है, इसके बारे में भी अभी हम इस वीडियो के बाद जब मैं आऊंगा तो आप मुझसे इसके बारे में सवाल कर सकते हो। बेकरी खोल सकते हो आप एक अच्छी सी, अगर आप केक अच्छा बना सकते हो, बेक कर सकते हो, बिस्किट, कुकीज, लव केक रस टाइप चीज, वो अगर कुछ बनाना चाहते हो तो बेकरी का बिजनेस एक ऐसा है कि जिसमें अंडे डब रोटी के अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जो छोटे पैमाने पे आप बड़ा बिजनेस कर सकते हो जिसमें लॉस बिल्कुल नहीं है। आप लोगों के लिए एक और बिजनेस है और वो आपके सामने आ गया है, वो है रेस्टोरेंट का, कैटरिंग और फूड ट्रक का। ये तीन बिजनेस मैंने इकट्ठे लिख दिए। स्टार्टर रेस्टोरेंट, आप एक छोटा सा रेस्टोरेंट खोल सकते हो, वो भले ही अंडा उबला हुआ हो और पराठा नाश्ते का बिजनेस हो, पाए का बिजनेस हो, या प्योरली एक रेस्टोरेंट खोल सकते हो, तो आप लोग किसी के साथ पार्टनरशिप पे भी और सोलो बिजनेस इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हो। कैटरिंग का बिजनेस वंडरफुल है कि इसमें आज तक किसी को नुकसान नहीं हुआ, इसमें थोड़े प्रॉफिट लें आप स्टार्ट में अपना नाम बनाने के लिए, आप यकीन करें आपके पास टाइम ही नहीं होगा। ईद, शबरात, सालगिरह, माता, मुहर्रम, रमजान, कितनी चीजें हैं जिसमें कैटरिंग चलती है, लेकिन इसके लिए आपको बहुत अच्छे शेफ चाहिए। सब्र का बिजनेस है थोड़ा सा, लेकिन इसमें पैसा बहुत ज्यादा। एंड फूड ट्रक, वो लोग जो दूसरे मुल्कों में, पाकिस्तान में, इंडिया में, कहीं भी फूड, एक ट्रक लेना होता है जिसको बहुत अच्छा सा डिजाइन करके किसी भी ऐसी जगह पे जाके रोकना है जहां पे खड़े करके ऑफिस वाले लोग आते हैं और आप अपना फूड बेचें जल्दी जल्दी। सो फूड ट्रक का बिजनेस आपके लिए बड़ा अच्छा है, इस पे भी अभी हम डिस्कस करते हैं, हाउ यू स्टार्ट अ फूड ट्रक। फ्लावर बिजनेस का बड़ा काम है आप लोगों के लिए, ये काम है बड़ा सेंसिटिव, फूल ना बिके तो नुकसान आपको हो रहा होता है, लेकिन आज तक हमने नहीं देखा कि फूल वालों को कभी नुकसान हुआ हो। आप इसमें लिली भी ले सकते हैं, आप नरगिस या गुलाब के फूल भी ले सकते हैं, नरगिस से याद आया, आप दीदार के फूल भी ले सकते हैं, आप मीरा और रीमा के फूल भी ले सकते हैं। कोई भी फ्लावर बिजनेस शुरू करना चाहें, लेकिन अच्छे पैमाने पर करें। जिस फ्लावर बिजनेस अच्छे कैसे शुरू करना है ये भी मैं बताऊंगा थोड़ी देर के बाद, अगर शुरू करना चाहो मेरी शक्ल देखना ना, साथ साथ मैं बताता हूँ, ये सिर्फ हाईलाइट करूंगा फिर इस पर डिस्कस करते हैं, ठीक है। सलोन, मेकअप आर्टिस्ट और स्पा का बिजनेस आप लोगों के लिए भी सूटेबल है, ये भी आप शुरू कर सकते हो। और 3D पेंटिंग एंड डिजाइनिंग, ये एक और काम है, ये नया काम है। देखो इस वक्त पूरी दुनिया में मशीनें मिल रही हैं 3D पेंटिंग की, बड़ी सस्ती मिलती हैं, आप लोग कोई अपनी शक्ल बना सकते हो, किसी भी चीज़ को 3D में डिज़ाइन करके आप लोगों को बेच सकते हो, शर्ट के ऊपर 3D प्रिंटिंग करके आप बेच सकते हो। अक्सर आप मॉल्स में जाओ, बाहर मुल्कों में जो आजकल एक स्टॉल लगा होता है, मशीन है, उसी वक्त वो कंप्यूटर पे डिज़ाइन डालेंगे, आपने अपने फ़ोन से ब्लूटूथ से कोई तस्वीर दी और वो 3D उसको डिज़ाइन करके वो बना दी, और डिज़ाइनिंग भी 3D बड़ा ज़्यादा आपको पैसा दे सकती है। एक और बिजनेस है वो है राइटिंग एंड एडिटिंग सर्विस। अच्छा, राइटिंग ये है कि आप अगर शायर हो, आप कुछ ऑनलाइन कंटेंट लिख सकते हो, तो सबसे ज्यादा सुथरा और पैसे वाला काम है लिखना। मतलब मैं खुद हमेशा बहुत सारे लोगों को रिकमेंड कर रहा होता हूं कि यार अगर आप अच्छा लिख सकते हो, आपकी सोच अच्छी है, वो रिवायती चीजें लिखने वालों से दूर, आप अगर अच्छा कंटेंट लिख सकते हो, ऑनलाइन लेना है या कहां से, इसके लिए समझदार और अच्छा बंदा होना चाहिए जिसका दिमाग बड़ा चले, आप यकीन करो कि बहुत कमाई है। अगर आप लोग सुस्त तो थोड़े कि यार हम तो सिर्फ रात को ये बिजनेस कर सकते हैं, आप लोगों के लिए बड़ा जबरदस्त बिजनेस है, चाय का कप रखा और आपने लिखना शुरू कर दिया, टाइप करना शुरू कर दिया, इसके लिए एक अच्छा कंप्यूटर होगा तो ये बहुत अच्छा काम कर सकते हो। एडिटिंग सर्विस भी आप थोड़ा सा कोर्स कर सकते हो, ये जो फिल्म, म्यूजिक, एडवर्टाइजिंग या एड, जो भी कोई चीजें होती हैं, इसको एडिट करने की कंपनी की सर्विसेज भी आप लोगों को दे सकते हो, ये भी एक इदारा अच्छा खासा बना
सकते हो। प्रोफेशनल ट्रेनर जो भी होते हैं किसी भी इदारे में किसी भी जगह पे, ये बड़ा अच्छा बिजनेस है। जो पेट सेटिंग है जी, वो ये पेट सेटिंग का क्या होता है कि पाकिस्तान में अभी ये शुरू हुआ है, लेकिन ज़्यादातर हमारे यहाँ इंडिया पाकिस्तान में नौकर चाकर हैं जो कुत्तों बिल्लियों की हिफाजत कर लेते हैं, लेकिन बाहर मुल्कों में लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता। वो रोज़ाना जाते हुए अपना कुत्ता, कुत्ते मैं तेरा खून पी जाऊँगा, वो डर के कि धर्मेंद्र साहब उनका खून ना पी जाएँ, वो लोग जाके किसी के पास सिटिंग के लिए छोड़ देते हैं। छोटी सी नर्सरी जहाँ इंसान के बच्चे होते हैं वहाँ कुत्ते के बच्चों को भी छोड़ा जाता है, बिल्लियों को भी छोड़ा जाता है, उनकी टेक केयर करते हैं, और इसमें बहुत पैसा है। ये आम लोग नहीं समझेंगे, ये सिर्फ वही समझेंगे जिनके कुत्ते हैं बिल्ली हैं। डे केयर सेंटर बच्चों के लिए बहुत जबरदस्त है, इसके लिए आपको बहुत शफीक खवातीन चाहिए होती हैं। ये खवातीन का ही काम है डे केयर का। मर्द उसकी जाहिर इसमें फेलियर का शिकार इसलिए होते हैं कि माएं अपनी बेटियां या बेटे जो हैं वो औरतों के हवाले कर सकते हैं लेकिन मर्दों के हवाले नहीं कर सकते हैं। बहुत सारी वजूहत है। सो डे केयर का बिजनेस आप लोगों को बहुत पैसा देगा अगर 2023 में आप शुरू करना चाहो। एक अच्छा कैमरा लेके फोटो का बिजनेस शुरू कर सकते हो और इसको बेच भी सकते हो कॉपीराइट के साथ। लैंडस्केपिंग, ये बिजनेस बहुत चलता है आजकल और कैंसेरियन के लिए बहुत अच्छा है। स्टॉक ट्रेडिंग और आईटी से रिलेटेड जितने भी काम होते हैं वो आप कर सकते हो। जिम स्टार्ट कर सकते हो, ये आप लोगों के लिए बहुत ही सुथरा और साफ बिजनेस है। अच्छा, कैंसेरियन के लिए शू बिजनेस बहुत अच्छा है, जिसको हमने यहाँ पे ऐड इसलिए नहीं किया कि बहुत सारे लोग हैं जो अभी, क्योंकि वो मार्च से शुरू होगा तो हम ये डे वन से लेके यानी 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक के पोर्शन में ये सब चीज़ें दिखा रहे हैं, ठीक है। कैंसर के बाद लियो की बारी है, असद वालों की बारी है, हमने पहले ही दे दिया। अब हम यहां पे आप लोगों के सवाल देखते हैं जी। कोई भी सवाल है तो वो प्लीज पूछ सकते हैं। यहां मैं पीछे जाता हूं, प्लीज सुपर चैट करते रहिए। सुपर चैट नहीं होगा तो बसंती नहीं नाचेगी, बसंती चली जाएगी। तो जब तक तेरे पैर चलेंगे तेरे यार की खोपरियां चलेंगी, तो आप लोग टोकन ऑफ लव दे सकते हैं। छोटा सा कैफे मेरा हमेशा ड्रीम है। अच्छा देखो, काश कभी पूरा हो जाए। ये आसमा हयात ने लिखा, अल्लाह आपको हयात लंबी हयात दे। ये जो छोटा सा कैफे है ना, ये एक ड्रीम बिजनेस नहीं है, ये बहुत आसान बिजनेस है। इसके लिए जाहिर थोड़ा सा तो पैसा चाहिए ना। एक अच्छी सी दुकान लेनी है आपने, किस जगह लेनी है, वो जो एक कॉफी शॉप वाला बिजनेस है वो कैसे कर रहे होते हैं आप लोगों को। सिमी मैम का दाखला यहाँ पे हुआ है, मैं पहले थोड़ा सा ये डोनेशन का ये चला देता हूँ ताकि आप थोड़ा सा, वो बात नहीं करेंगी। अच्छा, वो कह रही है मैं बात नहीं करना चाह रही क्योंकि मेरी तबीयत सही नहीं है, और अगर मैं चाहूँ थोड़ा सा कर सकती हैं वो सलाम के, अगर आप चाहें तो मैं माइक दे सकता हूँ आपको। आप थोड़ा थोड़ा नहीं, थोड़ा बहुत तो बोल लो, थोड़ा सा मतलब 1 रुपए का कोई बात नहीं। आप आपकी आवाज फिर भी लोग सुनना चाहते हैं, देखो ठीक हो जाएंगे। नहीं नहीं, एक मिनट मैं आपको जरूर माइक देना चाहूंगा, आप सामने आ जाए। ये मैं दोबारा से ये वीडियो चला देता हूं ताकि आप लोगों के लिए भी आसानी हो जाए और मेरे लिए भी आसानी हो जाए, ताकि मैं माइक सिमी मैम को दे सकूं। और ये आप हिलाइएगा नहीं, कुछ भी झुलाइएगा भी नहीं, और मैं आपका ये काम किए देता हूँ। और मैम की अगली आवाज आपके सामने आ रही है, आ जाए। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है जी, आप सबके ठीक ठाक हैं? बहुत सारी दुआएं, बहुत सारा प्यार। मैं बात नहीं कर पा रही, बुखार बहुत ज़्यादा है मुझे, बल्कि कल 2 दिन हो गए मैं बिल्कुल बुखार में बेहोश पड़ी हूँ, वो वाला हाल हो रहा है, कुछ ऐसी बात हो रही है। माइक को कहाँ रखूँ आप थोड़ा सा दूर, बस ठीक है। असल में हुआ ये चक्कर के एयरपोर्ट पर बहुत ज़्यादा सर्दी थी और मैंने एक फैशन कोट पहन लिया था। जब जहाज में आए तो वहाँ भी बहुत ज्यादा सर्दी थी और बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं हैंड कैरी में से कोई मोटी जैकेट या स्वेटर निकालूं और पहन लूं, और बस वो उसने काम कर दिया। घर पहुँचते पहुँचते मुझे शदीद तेज वाला बुखार हो गया, तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। और सॉरी सबसे पहले तो उन लोगों से जिन्होंने मीटिंग के लिए पे भी कर दिया, टाइम भी ले लिया और मैं मीटिंग नहीं कर पा रही। तो अगर आप सुन रही होंगी मेरी बहनों, मेरी बुजुर्गों, मेरी बच्चियों, कि मेरी आवाज में इतनी हिम्मत ताकत नहीं है कि मैं आपके साथ मीटिंग कर सकूं, बात कर सकूं, तो उसके लिए सॉरी। और एक आध दिन सबर कर जाओ, इंशाल्लाह इंशाल्लाह जैसे ही मेरी तबीयत कुछ बेहतर होती है मैं जरूर मीटिंग करूंगी और लंबी वाली मीटिंग करेंगे। तो
अभी बोला नहीं जा रहा राजा, फिर क्या बात करूं। देखिए लोग आपको सलाम लिख रहे हैं सब लोग। वालेकुम अस्सलाम जी, और थैंक यू सो मच। और मैं यकीनन अब जो भी शो होगा उसमें मैं सबके नाम लूंगी। इतने लोग मुझे दुआएं और प्यार भेज रहे हैं, गेट वेल सून कह रहे हैं, मेरी तबीयत के लिए कंसर्न हो रहे हैं। मुझे इतनी खुशी होती है कि राजा इधर शायद इतना लोग आपको भी नहीं पूछते जितना लोग मुझे नहीं, बिल्कुल सही बात है, मुझसे भी आप ही का पूछ रहे होते हैं। तो उसके लिए बहुत बहुत दिल से सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप दुआओं में याद रखते हैं। सबकी दुआएं चाहिए और सब बार बार मुझे लिख रही थी, नजर लगी सिम में। तो पता नहीं शायद ऐसा ही कुछ हुआ, हालांकि मैं तो कम स्टोरीज जो है लगाती हूँ, और आपको पता है हम हमेशा से सार करते हैं और मैं भी चारकोल भी पढ़ना और सारा कुछ करना, मगर मुझे ये लगता है कि बीमारी जो है वो आपकी जान का सदका है, और ये छोटी मोटी जो तकलीफें बीमारियां आती हैं ये आपका सदका होती है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सारे शायद आप एक ही मैसेज बार बार करें मेरी बहन, मैंने पढ़ लिया, मैं बाद में उस पर बात करता हूँ। बार बार एक ही मैसेज कॉपी पेस्ट करके लगा रही हूँ, बड़ा अजीब लगा। जैनब की बेटी की सालगिरह है, तो जी आप विश कर दें। जैनब जी अली की बेटी की सालगिरह है। ओके जैनब जी, आपकी साहबजादी को बहुत बहुत सालगिरह मुबारक, लेकिन हम पहले ऐसे विश करते हैं और फिर वैसे विश करेंगे। 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Happy birthday to you. Happy birthday to you. अल्लाह लंबी जिंदगी दे जी आपकी साहबजादी को, और आपका साया उनके सर पे कायम उदाम रखे। केक काटते हुए हमें प्लीज मत भूलिएगा जी, बिल्कुल। और उन्होंने मुझसे अपनी तस्वीरें वीडियो सब शेयर की, मगर मेरी क्योंकि बुखार की वजह से मेरी आंखों में भी बहुत ज्यादा दर्द है, तो मैं मैसेजेस ना खोल रही हूँ, ना पढ़ रही हूँ, ना रिप्लाई कर सक रही हूँ, तो उसके लिए सॉरी। तो अभी मैं आई थी, इशारे में मैं आपको कहना चाह रही थी कि आप सबको वालेकुम अस्सलाम कह दें और थैंक यू भी कर दें, मगर इन्होंने कहा कि नहीं आप बात करें, थोड़ा सा बोल दें। नहीं, बहुत सारे लोगों को शायद ये पता ही नहीं, वो लोग ये समझ रहे होंगे कि आप प्राउड हो गई हैं, आप आना नहीं चाह रहे। आई लव मी, नहीं क्या प्राउड होना है, नहीं हम आम से गरीब से लोग हैं, हम कौन से इतने बड़े लोग हैं कि प्राउड होंगे, कोई प्राउड नहीं। और बहुत सारी कहानियां जी, बहुत सारी स्टोरीज हैं जो आपके साथ शेयर कर रही हूं, बहुत सारी बातें मैंने कहा है कि मुझे बाएंगे तो बहुत सारी चीजें जो भी हम शेयर करेंगे, मजे मजे की बातें आपसे शेयर कर। अच्छा एक और भी बात है, जितने भी लोगों ने मुझे सिग्नेचर भेजे हैं आपका शो सुन के, वो सारे सिग्नेचर मेरे पास है, मैंने उनका स्क्रीन शॉट ले लिया है, और मैं कोशिश करूंगी कि अपने शो में डिटेल में आपको जवाब दूं, क्योंकि वहां पे पर्सनल मैं नहीं बता सकती। तो आप लोग कोशिश करें कि आप मेरे शो को ज्वाइन करो, सब्सक्राइब करो, और फिर मेरे शो में आ जाओ, तो मैं आप सबको गाइड कर दूंगी, क्योंकि जितनों ने भी किया है माशाल्लाह माशाल्लाह से, किसी एक का भी साइन या सिग्नेचर इस काबिल नहीं है कि मैं उसे अच्छा कह सकूं। हाँ, खुद से ही अपने आप को आप लोगों ने प्रॉब्लम में डाला हुआ है, खुद ही से कांटे लगाए हुए अपने नाम के ऊपर, खुद से ही सर्कल फेरे हुए, उसके बाद आप कहते हैं रिलेशन में नहीं मसला चल रहा है, कोई कहता है फाइनेंस की प्रॉब्लम है, कोई कहता है मंगनी शादी नहीं चल रही, भाई कैसे चलेंगी, जब अपने नाम को खुला खुद लिखोगे तो तभी कुछ होगा ना। तो वो वहां पर मैं डिटेल नहीं लिख सकती, मैं अपने शो में इंशाल्लाह जरूर डिस्कस करूंगी और आपको गाइड भी करूंगी कि आपको कैसे अपने दस्तखत साइन सिग्नेचर करने चाहिए ताकि आपकी लाइफ जो है अच्छे से हो सके। ठीक है जी, बिल्कुल सही है जी। बस जी राजा इधर है, खत्म हो गई है, और बस माइक वही रख दें, आपको जब थोड़ी सी तबीयत सही होगी तो आप दोबारा से। असल कहानी ये भी है, क्योंकि मुझे है अल्सर, और मैं मेडिसिन नहीं खा सकती, दवाइयां नहीं खा सकती। मैं जब तक पाकिस्तान में थी मैं होम्योपैथिक इलाज करवाती थी, जब मैं खा लेती हूँ दवाई तो फिर मैं खाना नहीं खा सकती, और जब मैं खाना नहीं खाती हूँ और दवाई खाती हूँ तो उससे आपको पता है कि वो फिर मेरे लिए प्रॉब्लम हो जाती है, और फिर तबीयत ज़्यादा मेरी ख़राब हो जाती है। तो अभी कुछ ऐसे ही चल रहा है, आप दुआ कीजिए जी कि तबीयत जल्दी बेहतर हो जाए, और आप सबसे मुलाकात हो, दिन में शो करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच अमित, थैंक यू, बहुत शुक्रिया सीम मैम ने अभी आप लोगों को सलाम दुआ कर दिया। प्लीज़ डोनेट कर दीजिए जो भी हो सके, किसी की भी आप। अच्छा हमारे शो में एक चीज़ है कि आप किसी का भी शो स्पॉन्सर भी कर सकते हो, 10 मिनट 15 मिनट 30 मिनट 1 आवर, उसमें पूरे का पूरा शो हम आपके लिए करेंगे। आप अपने बिजनेस को, अपने चैनल को प्रमोट
प्रमोट करना चाहते हो तो आप हम लोगों से रब्ता कर सकते हो, theraja@hotmail.com, डेफिनेटली आपको पे करना है, वो सुपर चैट के जरिए भी पे कर सकते हो ताकि आपको कहीं मनी चेंजर या कहीं बैंक फैंक ना जाना पड़े, और इस तरह भी कर सकते हो। सर एक क्वेश्चन है, मुकद्दस सुहेल पूछ रही हैं, आपने एक बार बताया था कि 4 zodiac sign ऐसे हैं जो किसी भी चीज़ के पीछे भागते हैं तो वो इतना ही उनसे दूर जाते हैं, क्या इन सितारों में कैप्रिकॉन भी शामिल है? डेफिनेटली, उसमें एक कैप्रिकॉन है, उसमें एक पाइसिस है, उसमें एक स्कॉर्पियो है, और उसमें एक स्टार है कैंसर। ये वो 4 सितारे हैं कि जिनकी तगोदो के बाद, अच्छा जीत इन्हीं की होती है ये याद रखना, फतह इन्हीं की होती है, लेकिन बज़ाहिर बड़ा अजीब लग रहा होता है कि आप जब वो भाग रहे होते हो तो चीज़ें भागती हैं, वो क्योंकि सही रिलेट नहीं कर रहे होते। इसके ऊपर मैं पूरा प्रोग्राम करूंगा। हसन व्लॉग, सलाम याली मदद, याली मदद जी, थैंक यू वेरी मच। अब्दुल हादी, राजा भाई, वीज़े का वजीफा बता दें, वीज़े का वजीफा नहीं होता, फॉर्म होते हैं, फॉर्म भर के देंगे, बैंक स्टेटमेंट होती है, बैकअप होता है वीज़े का, वजीफा तो हम कई बार बता चुके हैं। शेरबानो, जी मेल अकाउंट कह रहे हैं, आप हमारी टीम को लिख दो या आप ईमेल कर दो तो आपको जवाब देता हूं। असद वालों, आप लोगों के लिए तैयार हो जाओ, कौन कौन से कारोबार 2023 में आप लोगों को सूट करते हैं, ये रहे आपकी स्क्रीन पे। सबसे पहले एडवर्टाइजिंग एजेंसी, अगर आप खोलना चाहो तो बहुत पैसा, बहुत धन, आप लोग गवर्नमेंट लेवल से लेके प्राइवेट कंपनी से, इसके लिए आपको एक दो बड़े अच्छे किस्म के मार्केटिंग की लड़कियां रखनी है या लड़के रखने हैं। लड़कियां जरा सक्सेसफुल होती हैं क्योंकि वो अपना काम अच्छी तरह से जानती हैं, और जहां भी जाएं, क्योंकि मर्दों का मुआशरा है तो वो उनको ना नहीं भी बोल सकते, थोड़ा बहुत वो काम लेकर आती हैं, लेकिन लड़कियां वो बिल्कुल ही भीगी बिल्ली टाइप की ना हो, उनको पता हो कि मार्केटिंग एक दुनिया का मुश्किल काम है, इसलिए एडवर्टाइजिंग कंपनी का बिजनेस आप लोगों के लिए लो बहुत जबरदस्त रहने वाला है। आप लोगों के लिए इवेंट प्लानिंग, ये आप लोगों के लिए भी है, अगर आप ये करना चाहो तो इसमें बहुत पैसा है। मार्केट रिसर्च एजेंसी, अच्छा इसमें क्या है कि आप मार्केट पे किसी भी एक चीज पे या हर चीज पे आप रिसर्च करते हो और उसके बारे में आप बहुत सारे ऑनलाइन ब्लॉगर्स हैं, बहुत सारी कंपनीज हैं जो आपसे वो रिसर्च खरीद सकते हैं। आप किसी टीवी चैनल के लिए काम कर सकते हो, इसी तरह रिसर्च करके आप अपना एक चैनल बना के उस पर उस माल को बेच सकते हो, तो ये बड़ा फायदे वाली चीज है जो आप कर सकते हो। इसके अलावा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और ऐप डेवलपमेंट जो है, ये आप लोगों के काम के साथ सूट कर रही है, आप खुद करते हो या किसी को हायर करो, बहुत ज्यादा फायदे वाला काम है। इसके अलावा डांस का, आपको बहुत सारे लोग होते हैं इंडिया में, हमारे दोस्त हैं जो कहते हैं कि जी हमें डांस का बड़ा शौक है लेकिन हम आगे नहीं बढ़ पाते, तो हमारे जोडियक साइन के साथ जाता है कि नहीं है। सो डांस कंपनी या डांस बिजनेस, ये आप लोगों के लिए ठीक है। म्यूजिक टीचिंग, अगर म्यूजिक करना चाहो, खुद सिंगर हो तब भी, और म्यूजिक टीचिंग के बिजनेस में भी आपको बहुत फायदा है। एक छोटा सा ऑफिस ही खोलना होता है, घर पर भी आप सिखा सकते हो, फायदा है। सैलून का बिजनेस जो है वो खोलो, स्पा का बिजनेस हमने पहले ही बता दिया, मेकअप आर्टिस्ट जो है, अच्छा स्पा बिजनेस जो है इसमें आप मोरक्कन बाथ का काम होता है, मसाज सेंटर होता है, ये ख्वातीन के लिए खास तौर पे बहुत बेस्ट रहता है क्योंकि हमारी बहनें जिनकी शादियां हो चुकी हैं, जिनकी कमर में दर्द है, पहले तो होती थी दाइयां आके मालिश वालिश कर जाती थी, अब वो वाला काम नहीं है, घरों पर पानी नहीं आ रहा होता, घरों में टब नहीं होते वैसे, या वैसा सेटअप नहीं होता, हम बाल्टियों से नहा रहे होते हैं, तो स्पा में जरा VIP ट्रीटमेंट मिलती है, आपकी बॉडी मसाज भी हो जाती है, आपको अच्छे से जितनी भी खुशबुएं हैं वो भी आ रही होती है। वो डिपेंड करता है कि आप इसको कैसे शुरू करना चाहो, एक बहुत जबरदस्त और मेकअप आर्टिस्ट के तौर पे भी मर्द हो जन हो दोनों ये काम कर सकते हो। इसके अलावा आप लोग कारपेंट्री का जो बिजनेस है ये भी कर सकते हो, कारपेंटर जितने हैं ये बड़े कामयाब रहते हैं, न्यूट्रिशनिस्ट जितने भी हैं वो बन सकते हैं लिव वाले, और राइटिंग का काम कर सकते हो किसी के लिए भी, चाहे वो ड्रामा राइटिंग है, स्क्रिप्ट राइटिंग है, ऑनलाइन कंटेंट राइटर हो, ये इससे बड़ा पैसा कमा सकते हो, और इदारों को बड़ी सख्त जरूरत है। अभी मैं आप लोगों से पूछूंगा, आप लोगों में कितने ऐसे हैं जिनका ब्रेन बड़ा अच्छा है, जब मैं कहूं तब, अभी मत लिखना क्योंकि मैं देख ही नहीं रहा हूं, कि आप लोगों में कितने हैं जो लिखना जानते हैं, जो बहुत अच्छा लिखना जानते हैं और उनको जॉब की जरूरत है और वो राइटर हैं,
वो बोर नहीं होते, वो एक दिन में कोई 50 सफे भी लिख सकते हैं। तो उन लोगों को मैं बताता हूं कि क्या करना, ठीक है? अभी पूछना, डिजिटल मार्केटिंग ये बहुत जबरदस्त है, बहुत अच्छा बिजनेस है, आप लोगों को इसमें बहुत कामयाबी होगी। ये बड़े कम लोग ये बिजनेस करते हैं, इसीलिए आपको बता रहे हैं। पेट शॉप का बिजनेस जो है ये बड़ा कमाल होता है, ये हर बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता, महंगे इलाकों में इसकी मांग होती है। हम क्या करते हैं, सदर में या भावड़ा बाजार में या कहीं अंदरून इचरा विचरा में पेट शॉप खोल लेते हैं, बिकते उनके भी हैं, लेकिन वो बिजनेस उस तरह नहीं चलता। थोड़ा अगर अच्छा बिजनेस करना है तो मीडियम इलाके या डिफेंस और बड़े इलाकों में पेट शॉप अगर खोलते हैं तो आप एक एक जानवर परिंदा जो भी है वो महंगे दामों जब आप बेच रहे होते हो, लेकिन जाहिर है इसके लिए बड़ी केयर करनी पड़ती है, आपको एक पेट का जो डॉक्टर होता है उसकी भी पड़ती है, आप वैक्सीन से लगाते हो, हमारे मुल्क में तो एम ही उठा उठा के बेच रहे होते हैं, जो कि बड़ा जुल्म है बेचारे जानवरों के साथ। और ट्रैवल एजेंसी का बिजनेस बहुत जबरदस्त रहने वाला है लियो वालों के लिए, अगर खोलना चाहो थोड़ा पैसा लगाने के बाद। ज्वेलरी डिजाइनिंग लियो वालों के नाम के साथ बहुत जबरदस्त जाने वाली है, अगर आप ज्वेलरी डिजाइन करना चाहो, सेल करना चाहो तो बहुत पैसा है। फैशन डिजाइनर के तौर पर भी आप मार्केट में बहुत नाम कमा सकते हो लियो वालों, आप लोगों को अंदाजा ही नहीं है कि कितना बड़ा नाम होगा। स्टॉक कीट का जो भी बिजनेस है, इसमें आप अच्छे ब्रोकर के तौर पे भी आ सकते हो। स्पेशल एजुकेशन टीचर, ये एक बड़ा स्पेशल काम होता है। स्पेशल एजुकेशन जो है ये बहुत सारे, देखो जो बच्चे बोल नहीं सकते थेरेपी उनकी ज़रूरत होती है। साइन लैंग्वेजेस के टीचर्स बड़े कम हैं, इसमें आप छोटा सा एक कोर्स कर लेते हो, टीचर बन जाते हो, तो आप यकीन करो कि आपकी इतनी मांग होती है पूरी दुनिया में अगर आप ये करना चाहो तो। तो ये वो बिजनेस हैं जो असद वालों के साथ जा रहे हैं। अब वर्गों की बारी है, लेकिन वर्गों को हमने पहले दिखा दिया कि वर्गों वाले जितने भी हैं वो सबसे पहले फाइनेंस अकाउंटिंग सर्विस मैं जा सकते हैं आप लोगों के लिए। जितने भी कारोबारी लोग हैं उनको अपने बिजनेस को, फाइनेंस को, अकाउंटिंग को कैसे वो सर्विसेज दे सकते हो, पूरी दुनिया में ये बिजनेस बहुत कामयाब है, बहुत पैसा कमाते हैं वर्गो वालों, अगर चाहो तो ये काम कर सकते हो। और दूसरा बिजनेस है क्रिप्टो करेंसी का। क्रिप्टो करेंसी का बिजनेस हर कोई समझ नहीं सकता है, ये हर किसी के लिए होता भी नहीं है, लेकिन ये वो लोग हैं जिनको क्रिप्टो करेंसी के बिजनेस से बहुत फायदा हो सकता है। वर्गों वाले उसकी मार्केट को देख के अपनी इन्वेस्टमेंट के हिसाब से जा सकते हो, बड़ा फायदा उठा सकते हो। इसके अलावा आप लोगों को स्टॉक ब्रोकर, जैसे स्टॉक मार्केट की हमने बात की है, इसी तरह स्टॉक ब्रोकर भी बन सकते हो। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड ऐप डेवलपमेंट का काम आप लोगों के लिए बहुत जबरदस्त रहने वाला है। एक्टिंग, डांस एंड म्यूजिक, ये तीन शोबे ऐसे हैं जिसमें आप लोग कामयाबी जरूर देखते हो, लेकिन स्ट्रगल लाइफ जो है आपकी थोड़ी ज्यादा है। 2023 एक ऐसा साल है जिसका आदत 5 बन रहा है, जो आपको एक्टिंग में, डांस में, म्यूजिक में बहुत सक्सेस रेट देगा। सो आप लोग ट्राई जरूर करो, अच्छी आपके लिए पे स्केल मिल जाता है। वेब डिजाइनिंग और आईटी स्पेशलिस्ट जितने भी लोग हैं, आईटी का बिजनेस करने वाले, वेब का बिजनेस करने वाले, उन लोगों को बहुत फायदा होने वाला है 2023 में, और पूरी जिंदगी ये काम आप कर सकते हो। इसके अलावा आप मसाज थेरेपी जो बिजनेस है, अच्छा देखो होता क्या है, हमारे यहाँ कहा जाता है वो ये मालचिया है जी, हालांकि काम छोटा नहीं होता। हम लोग छोटे छोटे काम करने वालों को बड़े बुरे लफ्जों में इस्तेमाल कर रहे होते हैं। आज अगर KNN से एक इदारा है, फर्ज करो वो मुर्गी का गोश्त पूरी दुनिया में देते हैं, मुर्गियां बेचते हैं, कबाब बेचते हैं, सब करते हैं। शुरू शुरू में जब KNN शुरू हुआ तो उनके बिजनेस वालों को कहा वो जी कसाइयां का काम शुरू कर देता, आज वो एक ब्रांड है पूरी दुनिया में। शुरू शुरू में जो लोग आते थे जी हमने कपड़ा का काम शुरू करना है, तो उनको कहते थे जी दर्जियां का काम शुरू कर देता, आज वो फैशन डिजाइनर है बड़े बड़े नामों से। सो मसाज थेरेपी के लिए कोर्स करना जरूरी है, एमिना शुरू कर दीजिएगा, क्योंकि जिसमें कौन कौन से हिस्से पे कितना प्रेशर डालना है, लोग मफलूज भी हो जाते हैं, आपकी बैकबोन पे हल्का सा जोर आया तो आपका नीचे का दर्द आया हो सकता है, इसलिए बगैर कोर्स के मसाज थेरेपी का बिजनेस मत शुरू करना, लेकिन अगर किया तो बहुत फायदा आपको मिलता है। इसके अलावा अगर आप बिजनेस करना चाहो वर्ग वालों, तो आप न्यूट्रिशनिस्ट का बिजनेस कर सकते हो, यह काम बड़ा मुश्किल है लेकिन अगर आप शुरू करना चाहो तो बड़ा फायदा है। राइटिंग स्किल आप लोगों के बहुत अच्छे होते हैं, बुक, पोइट्री, कुछ भी लिखना चाहो तो राइटिंग में जा सकते हो। इंटीरियर डेकोरेशन का बिजनेस आप लोगों के लिए 2023 में बहुत सक्सेस रेट देने वाला है, और आप लोग वुडवर्क, जितना भी लकड़ी का काम होता है, डेकोरेशन पीस बनाओ, खिड़कियां, दरवाजे बनाओ, टेबल बनाओ, हर चीज बना सकते हो लकड़ी के काम में, आपको बहुत ज्यादा फायदा 2023 में और पूरी जिंदगी हो सकता है। ट्रैवल एजेंसी एंड एयरलाइन,
ट्रैवल एजेंसी का बिजनेस तो आपको समझ आता है, IATA से आपने रजिस्टर करवाना है, करोड़ों रुपए उनके अकाउंट में होने हैं, और आप किसी या तो जिसके पास IATA का लाइसेंस होता है उसके साथ भी एफिलेट कर सकते हो। और एयरलाइन के बिजनेस में एयर होस्टेस भी है, ग्राउंड स्टाफ भी है, जहाज वहाज का जो भी कुछ होता है, ये उस बिजनेस में भी आप बहुत ज्यादा कामयाब हो सकते हो। एक और बिजनेस है वो है मशीन पार्ट मैन्युफैक्चरिंग का। इसमें क्या होता है, ये काम बजाहिर कुछ भी नहीं नजर आएगा आपको, लेकिन दुनिया में जितनी भी मशीन है, आप किसी एक मशीन को देख लो कि जी ये टैंक है, ये गाड़ी है, स्पेयर पार्ट का जो भी मशीन होती है ना, गाड़ियों के स्पेयर पार्ट हो गए, किसी इदारे में प्रिंटिंग प्रेस है, उसके पुर्जे आप बेच रहे हो कि ये खराब होता है हम बेचते हैं, इसमें बहुत फायदा है, लेकिन ये टेक्निकल लोग ही समझ पाएंगे, लेकिन लोहे के बिजनेस में आपको बहुत फायदा है। एक और फैशन डिजाइनर, अगर आप बनना चाहो तो आप लोग कोर्स करो, अच्छा सा कोर्स करने के बाद फैशन डिजाइनर ट्रांसलेशन सर्विस के लिए आप एम्बेसीज ज्वाइन कर सकते हो। बहुत सारे ऐसे इदारे हैं जो फॉरेन से आए होते हैं और वो कहते हैं हमें ट्रांसलेटर की जरूरत है। अगर आपका इंग्लिश, फ्रेंच, अरबिक, रशियन कोई भी एक स्केल जो आपके जबान का है, तो आप उस मुल्क में भी एम्बेसी में काम करके बहुत पैसे कमा सकते हो। 2023 में प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी चला सकते हो आप। एक होता है कि जी हमें FIA में या साइबर क्राइम में जॉब नहीं मिल रही, हमें कोई डिटेक्टिव बनना है, एजेंसियों में जॉब नहीं मिल रही, तो इसके लिए प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी भी बनाई जाती है। अगर आपको लगता है कि आप बाल की खाल उतार सकते हो और फिर आपको इस एक कंपनी बनानी चाहिए, आपको यह काम करना चाहिए जिसमें जिंदगी का रिस्क तो होता ही होता है, और इसमें जरूरी नहीं कि मर्डर के केसेस ही आप सिर्फ हल करो, इसमें किसी इदारे में करप्शन हो गई तो प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी वहां पर काम आती है, तो आपका इसमें दिमाग चलता है और दिमाग चल ही जाता है। तो ये प्यारे वर्गो वाले जिनके बारे में हमने बताया असद के बाद, और अब वर्गो के बाद लिब्रा वालों की बारी है, लेकिन थोड़ा सा सांस भी लेंगे, ये हम देखेंगे कि अब क्या क्या सवाल आए हमारे लिए और हम उसके जवाब दे सकते हैं। अच्छा जी, हमारी अपनी टीम बातें कर रही होती है, बाकियों को मौका ही नहीं मिल रहा होता यहाँ कुछ लिखने का। माशाल्लाह सबसे ज्यादा मैसेज यहाँ माला के होते हैं। मैं हर बार ये समझता हूँ कोई नया बंदा है, लेकिन वो हर एक मैसेज के बाद 50,000 मैसेज माला के ही होते हैं, जो आपस में गुफ्तगु करी फालतू की, जिसका कोई ताल्लुक नहीं हमारे शो के साथ। हाँ हाँ हो रही होती है। मैं चाहता हूं आप लोग जितने भी लोग हो, अगर आप लोगों को ब्लू टैग नहीं भी मिला तो प्लीज आप हेल्प तो कर सकते हो लोगों की, बजाय इसके कि कुछ भी फालतू का लिख दो। मतलब ठीक है आपकी पर्सनल गुफ्तगू डेफिनेटली माने रखती है हमारे लिए, लेकिन यहाँ पे बजाय इसके कि आपस में आप मजाक वजाक कर रहे हो, तो इस शो को थोड़ा सीरियस ले लो। ये काम है, इसमें लोगों की जिंदगियां वाबस्ता होती हैं, और ये माला को मैं नहीं कह रहा, बाकी लोगों को भी कह रहा हूं जो इधर उधर की गुफ्तगू करके टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, अच्छा जी, क्या लिखा है हैदराबाद प्रे फॉर हूं वजीफा, बहुत सारी दुआएं आपके लिए फिजा खान, आपके लिए और फिजा शुएब कह रही है। वैसे सर मैं लियो हूं और मैंने अपना यूट्यूब चैनल ओपन किया, मीडिया सोशल मीडिया बिल्कुल कर सकते हो फिजा, YouTube चैनल ओपन किया, आप मुझसे हेल्प ले सकते हो कि आपको क्या करना, किस चीज का चैनल है, आप उसको कैसे रन करो, हम आपको हमेशा मशवरा देते हैं। सिमी मैम भी यही कहती है कि आप हमसे पूछो, हम वो नहीं है छोटे दिल वाले के जो लोगों को एडवाइस नहीं करेंगे, हम वो एडवाइस करेंगे जो हम खुद करते हैं। ठीक है, और यहाँ क्या है जी, और कौन है, माला का मैसेज है, कहकशां माला, कहकशां और फ्रेंड स्टार, वालेकुम सलाम, और फिर से माला, शेरबानो कह रही हैं कैन यू प्लीज शेयर विथ मी योर ईमेल, ये सामने स्क्रीन पे लिखा हुआ जी, theraja@hotmail.com, ये मेरे ईमेल है, आप लोग कर सकते हो। थैंक यू थैंक यू थैंक यू, मुकद्दस सुहेल ने ये लिखा है, थैंक यू वेरी मच जी, और महवेश थैंक यू, और कौन है जी, मिर्जा अली कह रहे हैं माला से आई एम सॉरी, रो भाई को रिस्पॉन्स दिया था, बाकी मेरा स्टार जेमिनी सो मैंने इन्फॉर्मेशन दिया। अच्छा चले, ये आप लोगों की पर्सनल गुफ्तगू है। किरण 658 महवेश जी अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, आपस में आप सलाम दो जरूर करो, लेकिन मेरा मकसद ये नहीं है कि मैं आपको हर्ट करूँ यार, मेरे लफ्ज थोड़े सख्त जरूर होते हैं, लेकिन मैं प्रैक्टिकल बात करता हूँ कि अगर हमारी अपनी टीम ही ये बातें कर रही होगी ना इधर उधर की गुफ्तगू, तो फिर फायदा नहीं है मुझे आप लोगों को यहां पे रखने का कि यार आप लोग मेरी जगह पे जवाब दे दो। ये सीरियस नोट पे बात हो रही होती है, आपको पता है किसी का रिस्क, किसी का सितारा, किसी की हेल्थ, कोई भी हम अगर डिस्कस कर रहे हैं और नीचे अगर ठट्टा मजाक चल रहा होगा तो लोगों की तवज्जो डाइवर्ट हो रही होती है। जब तक बहुत जरूरी ना हो आप किसी को रिस्पॉन्स मत दो। मुझे नहीं चाहिए, मैं अभी एक सेकंड लगाऊंगा, यहां पर हाई चैट का बटन है, ये दबाऊंगा चैट सारी गायब हो जाएगी। ये सिर्फ मैंने उन मुखय्यर हजरात के लिए ऑन किया होता है कि जो यहाँ आके सुपर चैट करते हैं, बाकी लोग जो भी अपनी बातें हैं वो सिमी मैम के शो में जो बातें हो जरूर आप मजाक करो, आप ऑनलाइन भी आओ जो भी करना है, लेकिन प्लीज इस सीरियस चैट को सीरियस नोट पे लिए लोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। व्हाट अबाउट स्पोर्ट फॉर वर्गो, देखो
अली, आपने जो पूछा है कि स्पोर्ट्स का जो मरकरी है इसके साथ स्पोर्ट्स जुड़ा है, हमेशा के लिए जुड़ा है वर्गो वालों के लिए, वो किसी भी स्पोर्ट्स में, वो रेसलिंग में हो, वो किसी भी जगह पे हो, उनकी कामयाबी जरूर होती है। लेकिन यहाँ पे जो चीज 65% तक सक्सेस रेट दे रही है उसको मैंने डिस्कस नहीं किया। अभी तो बहुत सारा बिजनेस है, वाटर बिजनेस जो फिल्टर प्लांट लगाते हैं वर्गो वालों के लिए, वो भी बड़ा सूटेबल है, लेकिन वो भी 68% है। मैं 100% को जो टच कर रहे हैं वो बिजनेस जिसमें नुकसान की शरह ना हो, तो डेफिनेटली आप स्पोर्ट्स में जा सकते हो, स्पोर्ट्स गुड्स का बिजनेस कर सकते हो, सियालकोट जहां से भी आप माल लेते हो वो भी आप कर सकते हो, तो ये बहुत ज्यादा बेहतर हो जाएगा। कैप्रिकॉन का बता दिया, नहीं जी अभी तो आगे जा रहे हैं, वो बिल्कुल एंड पे आएगा, अभी हम बता रहे हैं लिब्रा का। हेलो सजिटेरियस यूसरा, हेलो कैसी हैं आप? ठीक है जी, चलो मैं लेकर चलता हूं आप लोगों को लिब्रा वालों के लिए कि 2023 में कौन कौन सा बिजनेस आप लोगों को करना है, यानी तुला राशि वाले आप लोगों के लिए सबसे पहले जो बिजनेस है वो है ब्यूटी सलोन एंड मेकअप आर्टिस्ट का। मेरे प्यारो, आप लोग अगर थोड़ा सा भी सेंस रखते हो मेकअप का, कोई कोर्स वगैरह किया हुआ है, आप अपने घरों में बैठक में भी ये काम कर सकते हो। लेकिन मैं एक बात जानता हूं, जो लोग अपने घरों में बैठक में ड्राइंग रूम में ये बिजनेस शुरू करते हैं, तो मोहल्ले की ही औरतें जो आपको 20 25 30 घर होंगे ज्यादा से ज्यादा जो आपको जानते हैं, और अगर आपका काम बड़ा आला है तो एक दो गलियां छोड़ के भी आपको जानेंगे, आप महदूद हो जाओगे क्योंकि आपने घर के अंदर खोला है। अब आप आते हैं कट करके प्रो जगह पे जहां पे मार्केट है, और वहां पे आपने एक सलून खोला है, किराया तो डेफिनेटली दोगे आप, और वहां भी आपने एक अच्छा काम शुरू किया है, तो अगर आप घर में बैठे हुए 1000 रुपए लेते हो, फर्ज करो पूरी सर्विसेज, अपर लिप हमने करना है, हमने वैक्स भी करना है, हमने आपकी थ्रेडिंग भी करनी है, हमने बालों को भी थोड़ा ट्रिम करना है, 1000 रुपए ले रहे हो, तो मार्केट में बैठ के आप 5 से 10 हजार रुपए सिर्फ आप बाल काटने के भी ले सकते हो। मतलब 3-3, 4-4 हजार रुपया जो है, सिर्फ हल्की सी 2 कैंचियां मारते हुए भी हमने लोगों को देखा जिनके डिफेंस में काम है, और वही खातून अगर कहीं अंदर किसी गली में रहती होगी तो उसकी जो फी होगी वो 400-500 भी बड़ी मुश्किल से औरतें दे रही होती हैं कि हाय बहन अपनी तो हो, ठीक है। तो ये बिजनेस ब्यूटी सलून का अगर अच्छी जगह करना चाहो, मेकअप आर्टिस्ट आप बनना चाहो, तो बहुत आसानी से लिब्रा वाले बन सकते हो। आप लोगों के लिए मैरिज एंड फैमिली काउंसलिंग का जो बिजनेस है ये बड़ा जबरदस्त है। मैरिज का एक अलग है, शादी रिश्ते वगैरह करवाना, काउंसलिंग भी कर सकते हो, और फैमिली की जो काउंसलिंग होती है ये भी एक बिजनेस है बाकायदा, अगर आप इसको सीरियस लोगे तो। मॉडलिंग एंड एक्टिंग की जो करियर है लिब्रा वालों, आप लोगों के लिए बहुत सक्सेस रहता है हमेशा। 2023 में आप लोगों को सारे रिकॉर्ड तोड़ टाइप की चीजें होंगी। हाँ, ये याद रखना कि ये अप्रैल से गोल्डन टाइम शुरू होगा आपका मॉडलिंग और एक्टिंग में, लेकिन इससे पीछे नहीं हटना वरना आप लोग बहुत कुछ खो दोगे। इसके अलावा आप लोगों के लिए ग्राफिक डिजाइनिंग का बिजनेस बहुत जबरदस्त रहने वाला है, अगर आप चाहो तो ये कर सकते हो। इंटीरियर डेकोरेशन ये जो है ये खास काम है, इसके लिए सेंस का होना बड़ा जरूरी है, आर्ट का होना, नाजुक मिजाज होना बड़ा जरूरी है। वेब डिजाइनिंग और आईटी स्पेशलिस्ट जितने भी हैं उन लोगों के लिए चांदी हो जाएगी। मसाज थेरेपी आप लोगों के नाम के साथ भी जाती है अगर आप इस बिजनेस में इंटरेस्टेड होगे। आर्ट गैलरी खोल सकते हो जिसमें किसी का भी काम लेके रख सकते हो, जो भी आर्ट से रिलेटेड होती, पेंटिंग होती है, ज्वेलरी होती है, जो भी आर्ट है ना, वो एक छोटी सी गैलरी बना के, बड़े बड़े लोग हैं जो कोठियों में पेंटिंग्स या कोई यूनिक चीज रख रहे होते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा बिजनेस है जिसको आप लोग शुरू कर सकते हो। लॉ फर्म शुरू कर सकते हो आप लोग, बहुत कामयाब, बहुत पैसा, इसमें किस तरह का काम करते हो वो देखो। और इंटीरियर डेकोरेशन का हमने पहले जो बताया है कि इसको आप अगर करोगे तो बहुत अच्छा है। इवेंट मैनेजमेंट आप लोगों के लिए बहुत जबरदस्त और सक्सेसफुल होती है। फैशन डिजाइनिंग आप लोगों के लिए एक बड़ा ऐसा कारोबार है जिसमें आपको नुकसान नहीं होगा 2023 में। इसके अलावा गिफ्ट शॉप, गिफ्ट शॉप में क्या है, बच्चों के लिए खिलौनों से लेके खवातीन के लिए मेकअप, बड़ों जो मर्द होते हैं उनके लिए ज्यादा से ज्यादा, जब किसी को तोहफा देने की बात आती है तो मैं अपने मियाँ को या बॉयफ्रेंड को या दोस्त को या भाई को क्या तोहफा दूं, तो ज्यादा से ज्यादा जो शेव करते हैं वो रेजर का कोई सेट उठा के दे देते हैं, वो मशीन दे देते हैं जिनकी दाढ़ी है, या फिर कोई पेन वेन दे देते हैं। लेकिन गिफ्ट शॉप में आपको बड़ा यूनिक परफ्यूम, मुख्तलिफ चीजें, कलोन्स हैं, शूज हैं, इस तरह के आइटम का अगर काम करोगे तो बहुत फायदा है जो दूसरे लोग नहीं करते। ये यूनिक बिजनेस है आप सबके लिए। फोटो बनाना चाहो, को फोटोग्राफर बनना चाहो तो ये बहुत फायदा है आप लोगों को लिब्रा वालों। और एक आजकल बिजनेस है ये है ऑनलाइन डेटिंग एंड मैरिज ऐप। ये बहुत कम लोग हैं जो इस बिजनेस में, अच्छा इसमें पैसा बहुत लगता है। ऑनलाइन डेटिंग के लिए आप लोगों को पूरा डेटा, पूरा रजिस्ट्रेशन ये काम करवाना पड़ता है एक लीगल वे में। इसमें जो लोग रिश्ते करवा रहे होते हैं, डेटिंग से मुराद ये नहीं है कि आप लोग खाली डेटे मारो, लेकिन पाकिस्तानी इंडियन समझ रहे हैं कि मैं केड़ी गल कर रहे हैं। और मैरिज ऐप के आप लोग शादी कराते हो, शादी.com है वगैरह वगैरह वगैरह, लेकिन उसमें इन्वेस्टमेंट है,
आप किस तरह से उनसे हटके कोई ऐप बना सकते हो, इसमें आपको बहुत फायदा हो सकता है। तो लिब्रा वालों, बेस्ट ऑफ लक आप लोगों की जिंदगी के लिए। ये सारे बेस्ट काम मैंने निचोड़ के निकाले हैं ताकि आप लोग नाकाम कभी भी ना हो। आपके बाद स्कॉर्पियो वाले हैं, जिन लोगों को हम ये कहेंगे कि जी प्लीज़ आप लोग आए, वेलकम करते हैं आपको, और यहाँ जितने भी लोग हैं उनके मैसेजेस अभी हम पढ़ना शुरू करेंगे। हमारे सामने जैनब जी अली, तो भाई से काम आप घर बैठ के कर सकते हैं। आज बहुत सारे काम हैं, ये जितने मैं काम बता रहा हूँ अभी तो वर्क फ्रॉम होम भी बहुत सारे लोग कर रहे हैं ना, कहीं अगर आप नहीं जाना चाहते। अच्छा देखो, अब एक छोटा सा बिजनेस है, जैसे मैंने अभी कहा है सर हाउसवाइफ्स के लिए भी, मतलब मैं बता रही सारे बिजनेस में से कुछ भी खवातीन भी कर सकती हैं। आप क्या करती हो तौसीफ अहमद, आप हाउसवाइफ की अगर बात कर रहे हो, आप क्या कर सकती हो, घर पे होती हो, कितना टाइम होता है, बच्चे कितने हैं, हस्बैंड तो एक ही होगा, हस्बैंड से पूछो बीवियां कितनी हैं तो वो बता देंगे। तो आप क्या कर सकती हो, मैं आपको एडवाइस करता हूं, सब हाउसवाइफ्स को छोड़ दो, कोई भी काम नहीं करना चाहती, घर के काम ही इतने होते हैं, बच्चों को देखना, खामिन का खाना, सफाइयां, धुलाइयां, कपड़े, ये वो। लेकिन अगर आपके पास कोई टाइम है, आप करना चाह रहे हो, तो आप लिखो कि आप क्या बेस्ट कर सकती हो। सिलाई कढ़ाई कर सकती हो, पढ़ी लिखी हो, आप ऑनलाइन कुछ काम कर सकती हो, आप कुछ फूड बना के बेच सकती हो, तो हजारों काम है आपके लिए भी। ठीक है, मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ। तंजीला कासिम, हेलो जी तंजीला जी, कैसी हैं आप, ठीक हैं? फिजा कह रही हैं कुछ भी नहीं लिख रही हैं, और तस्नीम की, तस्नीम का जहां सलाम, दिसंबर में करने वाले मैंने क्या क्या कमाल है, लाइफ की चेंज होगी, क्या लिखा है आपने। लेकिन तस्नीम जी, दिसंबर मुझे नहीं पता, दिसंबर का कल या परसों हम जो शो करेंगे कि दिसंबर कैसा गुजरेगा, ये 2023 के काम हम बता रहे हैं, और न सिर्फ 2023, ये आपके स्टार जोडियक साइन से रिलेटेड काम है जिनको आप करोगे तो आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। ठीक है, रोशीन लिख रही है सर, आई एम लियो, ऑनलाइन क्लॉथ बिजनेस सूटेबल, डेफिनेटली लियो वाले एक ऐसे हैं कि जिनके साथ कपड़ा जुड़ा है, कपड़े का कारोबार, वो आप ग्राउंड बेस पे करो, ऑनलाइन करो, आप किसी भी तरह से करो, आपको उसमें नाकामी नहीं होगी। असद वाले, मतलब तीन डिफरेंट स्टार्स हैं जिन लोगों को कभी भी नाकामी कपड़े के बिजनेस में नहीं हो पाती है, तो आप लोग क्लॉथ बिजनेस ऑनलाइन करना चाहो, अब डिपेंड करता है आपकी डेट पे, आप उसके लिए प्राइवेट मीटिंग कर सकते हो, darajahaider@hotmail.com, कितनी इन्वेस्टमेंट करना चाह रही हो ताकि हम आपको उस मुश्किल से बचा लें। कपड़ा एक ऐसा काम है कि जिसमें आप 20-25-30 हज़ार रुपए से भी काम स्टार्ट करके आप बढ़ा सकते हो, लेकिन डिपेंड करता है आजकल क्या लोग करते हैं, कराची से, लाहौर से, कहीं से कपड़ा लिया रेडीमेड, कहीं से वो देखते हैं, ओ हमारा सूट ऐसा, आजकल तो मार्केट ऐसी चल रही है, आप उनको बोलते हो यार ये हमें 1700 का या 2500 रुपए का जोड़ा दे दो, अब वो वहां से ले लेते हो, अब आपका पेज थोड़ा चल रहा है, उसी को 5000 करके आप बेच रहे हो, उसमें 500 रुपए आपका पोस्टिंग का खर्चा, 2000 रुपए आपने बैठे बिठाए बचा लिया, और आप कहते हो हमने बड़ा तीर मारा, इसका कोई फायदा नहीं है। और जब वो कपड़ा किसी के पास जाता है तो गालियां दे रहा होता, भाई ये क्या भेज दिया, क्योंकि आपने तो किसी से माल लेके भेजा ना, वो चीतड़े होते हैं अंदर, वो अच्छी क्वालिटी के नहीं होते। इसके लिए बेहतरीन काम होता बढ़े जाओ, बाढ़ा हर जगह पे होता है, पठान जितने भी हमारे भाई हैं उनके पास जापानी कपड़े होते हैं, कुछ सस्ते कपड़े भी होते हैं, आप अपनी आईज से देखो कि ये वाला मैं अगर लूंगी 2 मीटर यहां से 2 मीटर, तो इसका डिजाइन बना के अगर मैंने 2-3 थान ले लिए, मैंने वो थान वाला काम है ना, तो एक थान से मेरे को 5 सूट निकल जाएंगे, 5 सूट का मतलब एक ही थान से, मतलब एक है तो उसमें आपने लार्ज स्मॉल और मीडियम के 3 सूट बना लिए, फिर लार्ज स्मॉल मीडियम अगर 6 भत्ते हैं तो एक थान से 6 सूट हैं, और आपने एक्सक्लूसिव कर दिया कि ये और नहीं है हमारे पास, बस सिर्फ यही है। मैं कह रहा हूं दुनिया में हर जगह से आपको ऑर्डर आ रहे होंगे, बहन हमें दे दो, क्योंकि आपने अपने टेलर से सिलवाया, अगर आप खुद सीने वाले हो तो और फायदा है, लेकिन पक्का काम करना, किसी के पास जाए तो वो बददुआ न दे। ऑनलाइन आप रोलर बेच रहे हो, ज्वेलरी बेच रहे हो, जो ही हमारे पास आती है बर्बाद हो जाते हैं, यार ये तो इसका सुच ही काम नहीं कर रहा, ये तो बिल्कुल घटिया चाइना का माल उठा के दे दिया, तो रिस्क हलाल कमाने के लिए आपको एफर्ट ज्यादा नहीं करनी पड़ती है, सीधी राह पे चलोगे तो बहुत कमाओगे। ठीक है चलो, और क्या है जी सर का सेंस ऑफ ह्यूमर, ऑफ सो ऑन द पॉइंट, देखो पॉइंट पे ही रहना चाहिए। एच बी बी फातिमा कह रही है अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम एच बी बी, अभी बैंक की बहन है बुलाया हुसैन के बाद सर, अबाउट सजिटेरियस अभी बता रहे हैं, चलो मैं पहले इनका बताता हूँ। सर कुकिंग का क्या लिखा है, रबिया रूफ कह रही है सर कुकिंग कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, फूड बिजनेस जिसमें भी है, कुकिंग आप घर पे भी कर सकते हो, और मैंने जो बिजनेस बड़े कम नाकाम होते देखे हैं उनमें एक बिजनेस है कुकिंग,
चाहे आप घर पे करते हो, घर पे आप बना के, लेकिन देखो इसमें पैसा लगता है। अच्छी कुकिंग के लिए आप बिरयानी के स्पेशलिस्ट हो, आप कहते हो कि जी आज मैंने चाइना की बिरयानी, चाइना में बिरयानी होती है नहीं, सिंध की होती है, अच्छा सिंध की बिरयानी जिसमें आलू होता है वो बनानी है, आप पंजाब का पुलाव बनाना है, फला बनाना है, आप चावल वावल के बड़े एक्सपर्ट हो, तो आपने अपना एक ट्रेडमार्क बना लिया, मेरे से बेहतर कोई भी नहीं बनाता, और वाकई उसके स्पाइसेस नॉर्मल रखना। अगर आपने सक्सेसफुल जाना है ना, तो कराची में बहुत ज्यादा मिर्चें खाई जाती हैं, पंजाब में नहीं खाई जाती, ईरान में बिल्कुल नहीं खाई जाती, तो आप मीडियम स्पाइसेस के साथ अगर चलोगे, साथ में चटनियां दे दो स्पाइस वाली के, किसी को ज्यादा डालना है तो वो चटनी के साथ खाए, आप सुपर हिट हो, कोई आपको रोक नहीं सकता है। चलो इस बिजनेस पे बाद में बात करते हैं, मिलके करते हैं सब लोग। महा चौधरी कह रहे हैं, लियो स्टार गर्ल की किस्मत अच्छी होती है या नहीं, ये क्या सवाल कर दिया। असद वाले तो बहुत लकी होते हैं, असद शेर। अब आपने अपने बारे में सवाल पूछा है, अब आप गर्ल हो, आपने अपने बारे में पूछा ना महा कि लड़की किस्मत अच्छी होती है कि नहीं। आप घर में बैठी हो, आपको किसी अच्छे रिश्ते का इंतजार है, या आपका ब्रेकअप हो चुका है, या आपको आपका आइडियल नहीं मिल रहा, या जो आप करना चाह रही हो वो नहीं कर सकती, तो आपको लगता है आपकी किस्मत खराब है। तो यहां क्या खराब है, वक्त। आप उस वक्त के अंदर घूमने की कोशिश नहीं कर रही हो, आप बंदी हो, या तो माँ बाप पेरेंट्स के बेटा शादी करके अपने घर जाना, अब आप लड़कियों को इंतजार होता है चलो कोई तो आए उल्लू का पट्टा जो हमें लेकर जाए और हम आजादी से जिए, आजादी से जीने नहीं देता, उधर डाके पे डाका पड़ रहा है, उधर काके पे काका पड़ रहा है, वो बेडों के बच्चे बच्चे पड़े होते हैं, आप कहते हो यार मैं किस चक्कर में आ गई, मैंने तो सोचा था बड़ी आइडियल लाइफ होगी। तो वेस्ट कंट्रीज में वो कहते हैं बच्चा 5-10 साल के बाद पैदा करेंगे, भाई पहले हमारी अपनी जिंदगी है, हम दोनों एक दूसरे को समझ लें ताकि आने वाले की जिंदगी बर्बाद ना करो। हमारे यहां आए बेटा खुशखबरी नहीं आई, तुम आम नहीं मंगवा रही, तुम आलू बुखारे नहीं खा रहे, वो दूसरे महीने ही आलू बुखारे बहुओं को ला ला के खिला रहे होते हैं। तो ठीक है, आलू वालों की किस्मत अच्छी होती है लेकिन आप लोगों की नहीं होती। एच बी बी फातिमा बहुत बहुत शुक्रिया, ओके जी थैंक यू, वेलकम जी। चलो लेकर चलता हूँ आप लोगों को स्कॉर्पियो वालों, आप लोगों के लिए कौन कौन से कारोबार बेस्ट रहने वाले हैं 2023 में, ये रहे आपके सामने। सबसे पहले अकाउंटिंग बहुत अच्छा है, अगर आप पढ़े लिखे हो, अकाउंट पढ़ चुके हो, आपने कोई बैंकिंग वैकिंग कर ली है, तो आप अकाउंटिंग के बिजनेस में बहुत कमा सकते हो। बुक कीपिंग जो है सर्विस, इसमें बहुत ज्यादा पैसा है 2023 में, ये वो काम है जो दूसरा कोई आपको नहीं बताएगा। और कंटेंट राइटर, ये आप लोग अगर बनना चाहो तो अभी इसके बारे में फिर से पूछूंगा कि कोई कॉन्टेंट राइटर, कोई ऐसा राइटर जिसको कोई भी सब्जेक्ट दे दो तो उस पर कुछ लिख सकते हो रैंडमली। अगर मैं कहूं आप मुझे गुलाब के ऊपर कुछ लिख के बताओ, तो गुलाब के ऊपर कितना कुछ लिख सकते हो, वो ऑनलाइन ही चोरी करोगे ना आप, ठीक है, लेकिन वो चोरी लगे नहीं, ठीक है। तो राइटिंग का ये है कि जितनी बुक पढ़ोगे उतने अच्छे राइटिंग स्किल बनेंगे। तो कितने हैं जो आप में से राइटर हैं, शौकिया नहीं, जो चाहते हैं कि वो जॉब करें, वो प्रो बनना चाहते हैं, तो उनके रास्ते आगे खुल जाए, लेकिन ईमानदारी के साथ। कंटेंट राइटर आप बन सकते हो, आप लोग रिसर्चर बन सकते हो, किसी भी चीज की रिसर्च करके उसको बेच सकते हो। लोग थीसिस लिखते हैं, पीएचडी वालों को लोग रिसर्च करके देते हैं कि जी 100% श्योरिटी है आप किस चीज पर रिसर्च करना, हम करके देंगे, हम मादनियात पे या जमीन पे या जादूगर हैं उन पे करके देंगे। तो ये बड़ा अच्छा काम है आप लोगों के लिए। ग्राफिक डिजाइनिंग का काम स्कॉर्पियो वालों के लिए बहुत ज्यादा सूटेबल है, आप कर सकते हो। वेब डिजाइनिंग, आईटी स्पेशलिस्ट अगर बनना चाहो, आईटी से रिलेटेड कोई भी काम, इंटीरियर डेकोरेशन का काम आप लोगों को 89.2% तक सूट करता, बहुत जबरदस्त है। रिव्यू प्रोडक्ट, अच्छा ये काम है जो आजकल सिर्फ ऑनलाइन आप देखोगे। रिव्यू प्रोडक्ट क्या चीज है आपको पता है, कोई भी एक चीज होती है, लाइक आईफोन आया है, आपने आईफोन लेके उसकी पूरी ओरिजिनल आपने उसका रिव्यू दिया कि इसकी ये खराबी है, इसमें ये फायदा है फला, क्योंकि आपको आईफोन खुद नहीं देगा कि हमारी तरफ से मुफ्त फोन है, आप हमारे फोन की तारीफ करो। उस जगह तक पहुंचने के लिए आपको 5-7 मिलियन फॉलोअर्स बनाने होंगे, तभी आपको मुख्तलिफ लोग प्रोडक्ट देंगे। तो अगर आप उनको हार्ड टाइम देना चाहते हो तो रिव्यू प्रोडक्ट, कोई भी प्रोडक्ट का ऑनेस्ट रिव्यू दो, किसी भी चीज के बारे में रिव्यू दे सकते हो, किसी टीवी ड्रामे के बारे में रिव्यू दे सकते हो। जैसे आजकल बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हिट हो गए, जिनका हिट होने का चांस कभी पहले हम सोच भी नहीं सकते थे। अम्मा बहुत मशहूर हैं, अगर आप सोशल मीडिया पर जानती हो, वो बहुत अच्छे रिव्यू देती हूँ, फनी फनी वे में ओरिजिनल जूते मार रही होती है, और ओरिजिनल मारती हैं क्योंकि वो कमियां होती हैं, और उसको देख कर अब हम जिस वक्त डिस्कशन कर रहे होते हैं तो हम कहते हैं यार वो हमारे जो राइटर्स और प्रोड्यूसर हैं, अरे यार ये ना करो सीन, वरना मैंने ये भूल देना। तो अब क्या हो गया, माइक ब्रांड बन गई। और बहुत सारे लोग हैं, समथिंग हॉट है, वो बड़ा ओरिजिनल रिव्यू दे रहे होते हैं, आसन साहब हैं, और जाहिर है जितना भी काम कर रहे हैं। तो रिव्यू प्रोडक्ट का हो या किसी चीज का, आपको बहुत पैसा कमा सकते हो सब्र के साथ। एक और काम है वो फैशन ब्लॉगिंग का,
ये भी एक बड़ा अजीब काम है। आप बहुत सारे लोग फैशन डिजाइनर होते हैं, आप फैशन ब्लॉगिंग के बारे में कहीं से वीडियो देखो, आपको समझ आ जाएगा। लॉ फर्म खोल सकते हो स्कॉर्पियो वालों, आप लोगों के लिए बहुत अच्छा काम है। इसके बाद मैं एक बात बताऊंगा, एड एजेंसी, एडवर्टाइजिंग कंपनी एजेंसी, चाहे वो अखबारात में इश्तहार देने के लिए है, टीवी रेडियो पे चलाने के लिए है, सोशल मीडिया पे चलाने के लिए है, इसमें बहुत पैसा कमा सकते हो, लेकिन ये काम आना चाहिए। इवेंट मैनेजमेंट का काम बहुत अच्छा, शादी ब्याह सालगिरह का फंक्शन आप कैसे कर सकते हो, सोशल मीडिया की मार्केटिंग ऑनलाइन आजकल बहुत बड़ा ट्रेंड है, बिजनेस है, ये कर सकते हो। रेस्टोरेंट का बिजनेस कर सकते हो, छोटे या बड़े जितने भी पैसे हैं वो इसमें लगा के काम कमा सकते हो। ये बॉन्टे हंटिंग, ये कमाल है, ये मेरा बड़ा फेवरेट बिजनेस है, लेकिन मैं मतलब जाहिर नहीं सकता, मुझे लोग सब जानते हैं। बाउंटी हंटिंग क्या बिजनेस है? अच्छा, पहले तो जितने इस वक्त लोग देख रहे हैं, प्लीज लाइक को हिट कर दो, क्योंकि आप लोग देख तो रहे हो लेकिन लाइव उसको लाइक को हिट नहीं किया है। एंड सुपर चैट मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि कर दो, वरना शो अभी 3 स्टार्स के बाद मैं खत्म कर दूंगा। वैसे भी बाउंटी हंटिंग एक ऐसा बिजनेस है जिसमें आप लोगों को पकड़ते हो, जो क्रिमिनल्स हैं, मुजरिम जो भागे हुए हैं, उनके बारे में ढूंढ के आप इनाम वनाम कमा सकते हो। जो बैंकों से लोन वोन लेके भागे हुए हैं, जिनकी गाड़ियां जिन्होंने ले ली और गायब हो गए, उनको आप पकड़ सकते हो और पैसा कमा सकते हो। सो ये प्राइवेट भी बिजनेस है और बहुत अच्छा बिजनेस है। जान का ज्याद जरूर होता है, लेकिन ये बहादुर लोगों का काम है, कुड़ियां ना ही करें तो ज्यादा बेहतर है। और ओपन ए फार्मेसी शॉप, जी फार्मेसी शॉप के लिए भी आपको एक लाइसेंस लेना पड़ता है। जितना ज्यादा पैसा फार्मेसी में है, किसी और चीज में नहीं है, किसी एक लाइसेंस होल्डर के साथ आप मिलकर भी ये बिजनेस शुरू कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा शानदार बिजनेस है ये, उन लोगों के लिए जो स्कॉर्पियो वाले। तो बेस्ट ऑफ लक स्कॉर्पियो वालों, 2023 आपके लिए बहुत अच्छा हो जाए। इसके बाद सजिटेरियस की बारी है। सो हम फिर से आए हैं, अरे दीवानो मुझे पहचानो, कहां से आया मैं हूं, मैं कौन हूं, मैं हूं राजा हैदर। जो पहली बार देख रहे हैं उनको हम बता दें कि ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो जॉब करना चाह रहे हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, बिजनेस करना चाह रहे हैं 2023, तो उसमें आपको नुकसान बिल्कुल भी नहीं होगा। ये बेस्ट बिजनेस है, लेकिन इसकी समझ बूझ हो तब। थोड़े से सवालों के जवाब देते हो, आप मुझसे जो भी पूछना चाहो इससे रिलेटेड। अच्छा, पहले तो ये बताओ, राइटर वाला जो मैंने पूछा, वो कौन कौन है आप में जो बहुत अच्छा लिख सकते हैं? उनके इम्तहान के लिए जाहिर मुझे ईमेल पे लिखो, theraja@hotmail.com। आप क्या क्या लिख चुके हो, क्या करते हो, कौन हो? ज्यादा खवातीन बहुत अच्छा कॉन्टेंट लिख रही होती है, लेकिन जो मर्द हजरात हैं वो। दूसरा ये कि टाइपिंग स्पीड किसी की अच्छी हो, एडिटिंग कोई कर सके, जैसे वीडियोज होते हैं, इस तरह का जो भी कोई काम करने वाले हैं वो भी ईमेल कर सकते हैं, ताकि आप लोगों को कहीं ना कहीं अच्छी जगह पे जॉब भी मिल जाए घर बैठे। होम बेस्ड जॉब जो होती है वो आप लोगों को सूट करती है। आई एम टॉर्स, आई एम सजिटेरियस। शेख सिकंदर कह रही है यस, लकी साहब अच्छे ही हैं, ओके। और क्या है स्मार्ट स्कॉर्पियो? और ऑन माय नेम सजल, ओके जी ठीक है, नो प्रॉब्लम सर। सर कैप्रिकॉन की टर्न आए जब, तो प्लीज ये बता दीजिएगा फूड बिजनेस। और क्या है जी, इंटीरियर डिजाइनर कैसा है कैप्रिकॉन के लिए? अभी पहले मुकद्दस आप बिजनेस देखिएगा कैप्रिकॉन के लिए, फिर हम उस पर डिस्कस करेंगे कि आप लोगों के लिए कैसा है, वरना जब ये बंद होगा तो उसके बाद भी आप मुझसे इस पे बात कर सकते हो, ठीक है? चलो फिर हम लेकर चलते हैं सजिटेरियस वालों के बिजनेस के बारे में। आप लोग तो यहां कुछ लिख नहीं रहे हो, मैंने पूछा है, आपने सिर्फ यस यस ही लिखा है। और क्या सर प्लीज क्वेश्चन नोट कर लें? नहीं नहीं, अभी आप देखो, 1 स्टार के बाद तो आ जाएगा। हुमैरा फातिमा कह रही है अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? सर मैं बहुत परेशान हूं, दुआ कीजिए। बहुत सारी दुआएं आपके अच्छे नसीब के लिए, अल्लाह ताला आपकी जिंदगी खूबसूरत बना दे, इसके लिए बहुत सारी दुआएं, ठीक है? चलो लेकर चलते हैं सजिटेरियस आप लोगों को। ये देखो कि आप लोगों की जिंदगी 2023 में कैसी किक वाली स्टार्ट कर सकते हो। स्क्रीन पे लिखा है फ्री लांस जो राइटिंग करते हैं, ये किसी भी इदारे में कर सकते हो, आप कुछ भी लिख सकते हो, किताबें, शायरी, कुछ भी। तो ये फ्री लांस, इसमें किसी के साथ आप बाउंड नहीं होगे। ये बिजनेस आपके लिए सजिटेरियस बहुत अच्छा है, क्योंकि आपकी ब्रेन पावर बहुत अच्छी होती है। फॉरेन लैंग्वेज टीचिंग और ट्रांसलेशन सर्विस, ये जो भी दूसरी जबानें होती हैं उसको टीच कर, मतलब अगर आपको अरबी आती है तो आप अरबी सीखिए के नाम से एक दफ्तर खोल लेते हो, इंग्लिश दिनों में सीखिए, इस टाइप की चीजें होती है ना, ये फॉरेन लैंग्वेज की टीचिंग आप कर सकते हो। ट्रांसलेशन सर्विस, आप एम्बेसीज में सर्विसेज के लिए अप्लाई कर सकते हो, आपका पढ़ा लिखा होना।
इंग्लिश से उर्दू और उर्दू से इंग्लिश ट्रांसलेशन या पंजाबी सराइकी पश्तो, ज्यादातर जबानों की जो मार्केट है वो है अरबी पश्तो फारसी, ये वो जबानें हैं जिसकी ट्रांसलेशन आपको ज्यादा पैसा देती है, तो आप ये सर्विस भी कर सकते हो सजिटेरियस। इसके अलावा आप लोग जो बिजनेस कर सकते हो वो है फिटनेस ट्रेनर, फिटनेस ट्रेनिंग का जो काम है, आप लोग फिटनेस फ्रीक वाले बंदे होते हो, आप लोगों की अपनी बॉडी का हमेशा फिक्र रहता है कि हमारे कहीं चर्बी वर्बी ना चढ़ जाए, हम हमेशा हॉट नजर आए, तो आप लोग फिटनेस ट्रेनर के तौर पे भी बिजनेस कर सकते हो, काम कर सकते हो, जॉब कर सकते हो, बड़ा फायदा है। ग्राफिक डिजाइनिंग आप लोगों के लिए बहुत सूटेबल है 2023 में भी और पूरी जिंदगी में भी। वेब डिजाइनिंग आईटी स्पेशल जो भी होते हैं काम करने वाले उनके लिए है। ऐप डेवलपमेंट है, एक तो ऐप्स आप बनाते हो, इसका एक कोर्स होता है, आप घर में कंप्यूटर लेते हो और प्रोग्रामिंग अगर आपको आती है तो आप ऐप डेवलप करके बहुत पैसा कमा सकते हो। एक आजकल बहुत ट्रेंड है जो बड़ा कम लोग करते हैं, आप लोग करोगे तो फायदा है, वो है डिजिटल गेम डेवलपमेंट का। गेम्स जो हैं वो हर एक को चाहिए, जैसे आप कैंडी क्रश है, ठीक है, टेम्पल रन है, बहुत सारे ऐसे एंग्री बर्ड, किसी ने तो बनाई थी ना, मेरे को हल्की सी गेम थी और कॉपीराइट ऐसे हुए कि वो खरबपति हो गए हैं। सो आप डिजिटल गेम डेवलपमेंट में भी बड़ा पैसा कमा सकते हो। आइडिया क्या है आपका, ये कमाल है, ये देखना पड़ेगा। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में भी आप बहुत ज्यादा पैसा कमा सकते हो, सॉफ्टवेयर डिजाइन करके इसमें थोड़ा स्टॉक ट्रेडिंग कर सकते हो, आप किसी भी हवाले से दुनिया में कहीं भी हो, इसमें बहुत फायदा है। फॉरेन करेंसी ट्रेडिंग जो हमने कहा है कि जरूरी नहीं है कि इसके लिए आपको करेंसी एक्सचेंज की एक शॉप, अगर पैसा है तो वो भी कर सकते हो, लेकिन आप घर पर भी बैठे थोड़ा थोड़ा जो पैसा है वो आप डॉलर में इन्वेस्ट करो, जब डॉलर का रेट हाई हो आप उसको बेच दो। गोल्ड बहुत महंगा होता है, डॉलर आप 10 भी खरीद सकते हो कोई फायदा नहीं, तो फॉरेन करेंसी ट्रेडिंग जो है ये बड़े पैमाने पे बिजनेस फायदा देता है। एड एजेंसी खोल सकते हो, इसमें आप लोग बहुत कामयाब हो गए। इसके अलावा इवेंट मैनेजमेंट आपको बहुत सूट करता है, 91.7% कामयाबी है। टीचिंग किसी भी इदारे में उस्ताद उस्तानी बन के जाना चाहो तो इसमें आपकी कामयाबी है। रेस्टोरेंट बिजनेस में आपको बहुत सक्सेस मिलता है, फूड चेन चलाने वालों के लिए। टूर ऑपरेटर्स को बहुत फायदा होता है, जो भी लोग किसी का टूर ऑपरेट करते हैं पूरे का पूरा हर चीज की जिम्मेदारी। इसके बारे में भी कुछ सवाल लिखोगे तो मैं जवाब दूंगा, यहां बैठे बैठे मैं सारे के सारा बताता रहूंगा। फाइनेंशियल जो होते हैं लोगों को मशवरे देने वाले लोग, उन लोगों के लिए भी ये 2023 बहुत जबरदस्त है, आप कैसे कर सकते हो, तो इसमें आपने क्या पढ़ा डिपेंड करता है। कैप्रिकॉर्न की बारी है, लेकिन पहले हम यहां पे आपके सवाल सुना। वालेकुम सर, क्या आप तारीफ करते बातें आपको आपकी हमें बता सकते हैं? मुझे नहीं समझ आया, क्या आप तारीफ करते बताते हैं? फैजान क्या लिखा है, ये तो गुंगे दी जबान, गुंगे दी माँ ही समझेगी, वो फिर मैं पता करूंगा। सोबिया वालिक सलाम जी, वालेकुम सलाम जी। युसरा कह रही है मैं फैशन डिजाइनर है, युसरा द फैशन डिजाइनर, मेरे लिए भी कुछ डिजाइन कर दो यार, मतलब लड़कियों के लिए लड़कियां डिजाइन कर रही होती हैं कुछ ऐसा जो हमें सूट करे, और मेरा अपना एक पहनावा है, मुझे हमेशा यूनिक चीजें बड़ी अच्छी लगती। कल मैंने एक विसाची का स्वेटर पहना था, महंगा होता है लेकिन उसको वो मुझे मतलब वो मैंने पूरी तरह से पहना नहीं, उसमें कमाल ये, वो किसी दिन मैं अपनी पिक्चर्स अलग से सिमी मैम के कैमरे से 48 मेगापिक्सल है ना उससे बनवा के मैं इंस्टा पे अपलोड करूंगा। वो बेसिकली खुदी है जिसको आप स्वेटर के तौर पे, उसकी वो कैप नजर भी नहीं आती, उन्होंने ऐसा बनाया कि वो जो वाइट पट्टी है वो आप यहां सर पे रखेंगे तो ऊपर से नीचे तक एक ही वो होता है, और उसके टाइट आर्म्स है, मोटी वाली ऊन से बना हुआ है, तो अब मुझे डिफरेंट लगा जब वो डमी स्टैचू ने पहना हुआ था तो बहुत अच्छा लग रहा था। तो इस टाइप की जैकेट्स शर्ट्स जो थोड़ा आपको पहना हुआ अच्छा लगे, वो लशपश नहीं, आई लव ब्लैक, सो ब्लैक में ज्यादा या वाइट, इन दो कलर्स में ज्यादा मुझे सुकून मिल रहा होता, लेकिन कोई भी और कलर हो तो खूबसूरत हो जो आंखों को भाए, ठीक है, रेड रेड रेड, तो फिर मैं देखूंगा कि युसरा मेरे लिए क्या डिजाइन करती है, ये बाकी कौन कौन मेरे लिए क्या डिजाइन करता है। हमने तो कभी डिमांड ही नहीं की आप लोगों से, अल्लाह की कसम में थे कदी नखरे नहीं किया, बहुत जबरदस्त था सर वो, थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। असल में वो सीमी मैम के पास एक शॉल है जो ऑलरेडी विसाची के वो सेम डिजाइन है, लेकिन उसके ऊपर तो लोगो भी बड़े बड़े ब्लैक एंड व्हाइट में, तो वो उसके साथ ही ये बिल्कुल एक अलग डिजाइन था। तो मुझे क्योंकि सूट जो चीज करते हैं मैं वही ले, तो मैं किसी भी सफर पे जाऊं मैं अपने लिए शायद कभी एक दो जीन्स अगर वो जरूरत है, क्योंकि जीन्स हर वक्त ही मुझे अच्छी लगती है पहने हुए, और सूट जो है वो इतने हैं, शर्ट्स इतनी हैं, जूते इतने हैं, टाइयां रुमाल ज्वेलरी इतने हैं कि वो अब पूरी जिंदगी के लिए काफी हैं, कि मतलब वो रिपीट अगर मैं एक सूट पहन लूं और दो साल बाद भी अगर उसका नंबर आए तो हर जगह
अलमारियों में भरे पड़े हैं, क्योंकि मेरे शूटिंग में वो काम आते हैं, तो मैं वो कपड़े जो मेरे लूज हो जाते हैं, टाइट हो जाते हैं, वो उठा उठा के फिर डोनेट कर देते हैं, फिर उसकी जगह नए आ जाते हैं। अच्छा जी, 2023 में चाहती हैं जॉब। अच्छा जी, ओके। सना फूड फ्लेवर कह रही हैं, शोहर का कैप्रिकॉन और मेरा पाइसेस है, सर प्लीज़ दुआ करें। बहुत सारी दुआएं जी, आपके शोहर और आप सलामत रहें। और क्या है, और कोई सवाल नहीं है यहाँ पे। बैग क्या है मुझे नहीं मिला, बैग क्या है मुझे नहीं मिला। अच्छा जी, बैक किया मतलब ये शो वीडियो जब खत्म हो जाएगी आप फिर शुरू से आप इसको देख सकते हो, आगे आगे करके आपके स्टार्स होंगे, ठीक है। इस वक्त कितने लोग देख, बहुत कम लोग देख रहे हैं, मुझे नहीं मालूम हेडिंग देख के लोग आ रहे होते हैं या टाइम देख के आ रहे होते हैं। टाइम थोड़ा लेट है, मुझे जल्दी करना चाहिए था, लेकिन क्योंकि मैं एनिमेशन में पढ़ा हुआ था, मुझे ये सारी चीज़ें करनी थी आप लोगों के लिए, टाइम अच्छा था। तो सिमी मैम तो मुझे 6 बजे से कह रही थी कर लें, लेकिन बहुत टाइम लगा, जो ही रेडी हुआ तो मैंने शो अटैक कर दिया। चलो लेकर चलता हूँ कैप्रिकॉर्न वालों आप लोगों के लिए, कौन सा बिजनेस 2023 में और लाइफ टाइम आपको सूट करता है। पहला बिजनेस आपके सामने है, वो है प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। आप लोग अगर चलाना चाहो तो आप लोग एक बेहतरीन जासूस का काम कर सकते हो, आप इन्वेस्टिगेटर एजेंट जो होते हैं, ऑफिसर्स जो होते हैं, उनका काम कर सकते हो, क्योंकि इसमें जितना पैसा है आपका एक ब्रेन 3 times ज्यादा फास्टेस्ट प्रोसेस पे चल रहा होता है, इसलिए यह बिजनेस आपको बहुत पे करके जाएगा। दूसरा बिजनेस है आप लोगों के लिए प्लांट नर्सरी, यानी जो भी लोग पौधों का बिजनेस करना चाहें, नर्सरी खोलना चाहें, वो अच्छे पैमाने में। बाजू का तो होता है ना, एक छोटा सा आपने अच्छा गमला लिया, उसमें जैपनीज आर्ट होता है ना, छोटा सा दरख्त, उसके साथ फल भी निकले होते हैं, वो एक एक पौधा आपको $200 में भी मिल रहा होता है, आप सोचो। तो प्लांट का ये नहीं है कि आप जो इस्लामाबाद, कराची, लाहौर में नर्सरियां देख रहे हो, वो बिजनेस तो है ही है, लेकिन प्लांट नर्सरी एक अच्छा बिजनेस है जिसमें कम खर्च वाला नशीन वाला काम होता है। मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पे आप मार्केट में आ सकते हो, अगर आप लोग यूट्यूब चैनल चलाते हो, आप लोग किसी इदारे में काम करते हो, आप लोग मजहबी स्कॉलर हो, आप कुछ भी हो, तो आप दुनिया को इस वक्त मोटिवेट करके आप बहुत ज्यादा पैसा कमा सकते हो। ग्राफिक डिजाइनिंग में आप लोगों को बहुत ज्यादा पैसा मिल सकता है कैप्रिकॉर्न वालों, अगर आप लोग थोड़ा कंप्यूटर के दिलदादा हो, क्योंकि एडिटिंग, ग्राफिक, ये सारा आपको बहुत सेंस होती है, इसलिए आप इसका काम कर सकते हो। इवेंट मैनेजमेंट में आपका रिकॉर्ड कोई तोड़ नहीं सकता है, किसी भी फंक्शन को या इवेंट को जितना अच्छा मैनेज आप कर सकते हो, हर बंदा ट्रस्ट करता है कैप्रिकॉनीज पे, क्योंकि कैप्री पेन के आप कॉर्न भी खाते हो तो एक स्टाइल होता है। सो आप इवेंट मैनेजमेंट के बिजनेस में अगर आते हो तो 0% लॉस के साथ प्रॉफिट 100% कमा सकते हो। आप ऐप डेवलपमेंट में आ सकते हो, बहुत अच्छी आप लोगों की सोच उसको नया रंग दे सकती है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का बिजनेस जो है ये आप लोगों के लिए बहुत जबरदस्त रहता है। रेस्टोरेंट का बिजनेस जिसमें फूड इन्वॉल्व होता है वो आप लोग कर सकते हो। तो आपको मेरे सवाल का जवाब मिल गया होगा जो अभी पूछ रहे थे कि जी कैप्रिकॉर्न को रेस्टोरेंट का बिजनेस कैसा है। तो रेस्टोरेंट्स का बिजनेस जो है आप लोगों के लिए फूड बिजनेस, चाहे होम बेस हो, कुछ भी हो, आपसे ज्यादा बेस्ट तरीके से कोई रन नहीं कर सकता। इसके अलावा जो बिजनेस है वो है इंटीरियर डेकोरेशन का। आप एक, क्योंकि आर्ट के दिलदादा लोग होते हो, आप लोगों को यह पता है कि कौन सा कलर, कौन सी सेंस किस जगह पे जा रही है। अगर आप लोगों के घर में अगर 2 तरह के चप्पल पड़े हैं तो आपको लग रहा है कि दोनों के कलर अलग हैं, इसको इस जगह नहीं होना चाहिए, दूसरी जगह होनी चाहिए, तो ये सिर्फ आप ही कर सकते हो, बाकी लोग इतने बावले होते नहीं वैसे। तो इंटीरियर डेकोरेशन का काम आप लोगों को बहुत सूट करता है। एड एजेंसी में बहुत फायदा कमा सकते हैं हमारे कैप्रिकॉर्न वाले, एडवर्टाइजिंग में, मार्केटिंग में, क्योंकि मुनादी पहले जमाने में जो बादशाह होते थे वो मुनादी उन लोगों से कराते थे कि जिनका सितारा जद्दी हुआ करता था, जो मर्द होते थे, और ख्वातीन भी जद्दी रखते थे कि वो पहले तो टीवी नहीं होता था, अखबार नहीं होता था, तो मुनादी करने के लिए तो ढोल वाला होता था, घर घर जाके एक एलची खबर देता था। तो सबसे ज्यादा कैप्रिकॉर्न को इसलिए करते थे कि वो सबसे अच्छी टीम क्रिएट करते थे और वो अपने अपने बंदों को भेजते थे किसी भी चीज को। तो एड एजेंसी, मार्केटिंग, ये वाला काम आप लोगों को बड़ा सूट करता है। इसके अलावा इवेंट मैनेजमेंट जो अभी हमने आपको बताया है ये आप सबसे अच्छा कर सकते हो। अगेन हमने वही दिखाया, कंप्यूटर मेंटेनेंस का जो काम है ये बड़े कम लोग करते हैं। कंप्यूटर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का जो काम है बहुत सारे होते हैं कि जी हमारा तो काम खराब हो गया, कंप्यूटर खराब हो गया, कैसे करें। तो जो हमारे भाई बहन है अगर वो इस चीज में इन्वॉल्व
होना चाहें तो इसमें पैसा भी बहुत है और आप घर बैठ के किसी के साथ काम करके भी बहुत कमा सकते हो। स्टार्टअप ब्लॉग, आप ब्लॉग बना सकते हो। ये एक ऐसा बिजनेस है जिसमें बहुत कम लोग होते हैं, सेंसिबल लोगों का काम है, लेकिन इसमें यूनिक और सॉफ्टनेस जितनी भी है आप लोगों के लिए बड़ी जरूरी है। इसके अलावा कैप्रिकॉर्न वाले ग्रोसरी स्टोर का बिजनेस भी कर सकते हैं। और वर्गो बता दिया मैंने, नहीं बता दिया जी मैंने, मैंने असत के बाद वर्गों को बताया था जी। अच्छा, जो ग्रोसरी स्टोर है वो उसका बिजनेस भी कैप्रिकॉर्न वाले कर सकते हैं और इसमें बड़ा फायदा है। फिटनेस एंड ब्यूटी सलोन का जो बिजनेस है कैप्रिकॉर्न वालों को बहुत ज्यादा पैसा देकर जाएगा। अच्छा, एक बात मेरी ये जहन में रखो, मैंने जब असत का बताया ना तो असत के फौरन बाद ही मैंने दूसरी स्लाइड जो चलाई वो उसकी वर्गों की चलाई और आपको मैंने बता दिया कि ये वर्गों के बारे में बता रहे हैं। तो असत सुनो गौर से कि जब वो खत्म हुआ कि ये था असत और साथ ही मैंने उनकी उसमें मैंने पॉज नहीं दिया, इसलिए आपको लग रहा है कि वर्गों का नहीं बताया, वो मैं बता चुका हूं। कैप्रिकॉर्न के बाद एक्वेरियस वाले, ऐसा हो नहीं सकता, जाहिर है मैंने खुद बताया है सारी की सारी चीजें, जिसमें शोबिज कैरियर भी था, जिसमें आईटी भी थी, बहुत सारी चीजें हैं, वो सब आप देख लो पीछे करके, ठीक है। और क्या जी, आई एम अ ब्लॉग राइटर मुकद्दस सुहेल, आप अपना काम भेजें, ईमेल करें, हमें कोई लिंक भेजें, हम देखें कि आप क्या ब्लॉग पे कैसी राइटिंग करती हो। हम ऐसे लोगों को बहुत पसंद करते हैं जो लिखने लिखाने वाले हैं, जो आजकल एप्स पे काम करते हैं, जो डिजाइनिंग या एडिटिंग में होते हैं, जिनका काम थोड़ा यूनिक है, जो घर बैठ के बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। तो बहुत सारे से मुराद एक होता है कि एक लड़की है, फर्ज करो कहीं टीचिंग है, मैं पर्सनली जानता हूँ, जो बड़े स्कूलों को छोड़ दो जो बिकन हाउस टाइप के हैं, वहां तो आपको 50,000-60,000 भी मिल जाता है, इससे भी ज्यादा मिल जाता है। जो प्रोफेसर हैं वो भी टीचर ही होते हैं, उनको भी लाखों मिल रहे होते हैं, लेकिन जो छोटे स्कूल हैं जो गली मोहल्लों में होते हैं वहां भी तो बेचारियां बीएड करके या पढ़ी लिखी होकर जॉब करती हैं, 5,000-10,000-15,000-20,000 तक बड़े कम लोगों को मैंने देखा है कि उनको मिलता हो। या ऑफिस में टेलीफोन ऑपरेटर है, कितने जी 12,000 रुपए मिलते हैं, उसमें आना जाना भी आपने खुद ही है। तो अगर आप घर पे बैठ के 15,000-20,000-25,000-30,000 तक भी कमा सकते हो अगर आपके स्किल्स बहुत हैं, तो फिर क्या जरूरत है कहीं जाना और टाइम वेस्ट करना, घर ही पे बैठ के एक कंप्यूटर रखो, सेटअप करो और कमाओ। तो मैं बार बार आपको कमाई के मौके दे रहा होता हूं, क्योंकि नेटवर्किंग हमारी ज्यादा होती है। लोग कहते हैं कि यार हमें कोई ये काम वाला बंदा या बंदी चाहिए, खवातीन तो ज्यादा लोग ट्रस्ट कर रहे होते हैं क्योंकि वो काम में जरा सिंसियर होती हैं। तो आप लोग अगर कुछ करना चाहो तो प्लीज हमसे रब्ता कर सकते हो, हम आपके साथ हैं। और यहाँ पे प्लीज आप लोग जो आ रहे हैं कुछ ऐसा वैसा लिखते हो जिसको हमारी टीम ब्लॉक कर देती है, आप कुछ भी ऐसा मत लिखो क्योंकि आपकी आईडी भी छिन जाती है। और कोई सवाल, द वर्क दैट यू डू फॉर द कम्युनिटी, बहुत शुक्रिया, आपका नाम है इशबाह महमूद, ओके इशबाह, थैंक यू वेरी मच। और सोफिया, अच्छा सोफिया तो नहीं है, सोफिया कह रही हैं क्या कृषा मैं आपसे पूछ रही, अच्छा चलो ये आपकी आपस की गुफ्तगू चल रही है जी, और कोई सवाल मेरे लिए यह नहीं था, यानी आप कोई इस वीडियो में इंटरेस्टेड नहीं है, मैं जितने बिजनेस बता रहा हूं आप कुछ भी नहीं करना चाह रहे हो सिवाय एक दो लोगों के। रीत सिंधु कह रही हैं, सर मैं कैप्रिकॉर्न हूं और हबी एक्वेरियस हैं, कनाडा पर कितने चांसेस हैं 2023 में? अच्छा देखो, कनाडा जाने की अगर आप बात कर रहे हो तो कैप्रिकॉर्न और एक्वेरियस ये दो, क्योंकि 7 के स्टार है, पहले कैप्रिकॉर्न है फिर एक्वेरियस है, इन दोनों के सफर के लिए अनलॉक होने वाला पहला साल 2023 है जो फरवरी की 19 तारीख से शुरू हो जाएगा, ठीक है, कैप्रिकॉर्न के लिए। और अगर आप एक्वेरियस की बात कर रहे हो तो वो 13 मार्च से शुरू हो जाएगा, तो करीब ही 3 महीनों के अंदर अंदर आप जो भी एफर्ट पुट करोगे आप लोग जा सकते हो। पेपर वर्क कंप्लीट करो यार, दुनिया में बड़े बड़े लोगों के वीजे रिफ्यूज भी होते हैं जिनके पास पैसा भी है, बिजनेस भी है, घर भी है, उनको भी वीजे नहीं मिल रहे होते, और ऐसे भी हैं जो फर्स्ट टाइम फ्रेश पासपोर्ट पे भी वीजा लेते हैं। वो डिपेंड करता है मूड वीजा इमिग्रेशन ऑफिसर के ऊपर। सबसे अहम चीज होती है आपका बैकअप। कनाडा लोगों को वीजा जरा मुश्किल से मिलता है कि अगर आप यूएस कनाडा यूके इन मुल्कों में जाते हो तो उनको पता है ये कमारा वहां जाके सेटिंग करेगा, पेपर मैरिज करके शादी करेगा, हम पे बोझ बनेगा, भाड़ में जाए, उनको नहीं देते। फिर आपको ये प्रूफ देना होता है कि बैकअप पे कौन है, आपकी जिम्मेदारी कौन है, आपके पास इतना पैसा है कि आप वापस आओ, और आप वहां विजिट का मतलब विजिट ही के लिए जा रहे हो, आप वापस आ जाओगे।
वीजा दे देते हैं, लेकिन पूरी दुनिया में और बड़े तरीके होते हैं। आप वीजा कैसे लेना आप मुझसे पूछो, किस मुल्क में जाना है वहां के क्या लॉ है मुझसे पूछो, फ्री में आपको यहाँ पे बता रहे हैं। पैसे ना हो तो फिर कैसे मीट हो, पैसे ना हो तो फिर दुआ किया करें, यहाँ पे फ्री में आपको वीकली मंथली और ईयरली हॉरोस्कोप और ये सब कुछ बता रहे होते हैं, यही आपके लिए काफी है, उसके लिए मीट की जरूरत नहीं है। और पैसे ना हो तो आप ग्रोसरी शॉप वाले को क्या कहते हो, जी पैसे नहीं है तो आप आटा दोगे घी दोगे, नहीं देते ना, तो बस ये ग्रोसरी शॉप है, नथिंग फ्री इन दिस वर्ल्ड मेरे दोस्त। यहाँ पे पैसे नहीं है तो आपके लिए फ्री फंड में हम अपना ये तीन तीन चार चार घंटे अपनी एफर्ट पुट करके ये दे रहे हैं, ये फ्री में है। बाकी लोग भी वीडियो बना रहे होते हैं, हमें किसी से मतलब नहीं कोई सही है गलत है, हम ठीक है 100% अल्हम्दुलिल्लाह, हमने अपने रब को राई राई और पाई पाई का जवाब देना है। सो आप लोग दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह आपको बहुत पैसे दे। जाहिर है यूट्यूब पे हो, स्मार्टफोन है, चैट कर रहे हो, इतने पैसे तो है ही ना आपके पास, तो बहुत थोड़ी सी फीस है जिसमें आप अपनी पूरी जिंदगी के बारे में जान सकते हो। सो अगर इतने ही डिप्रेशन मोड में हो तो कोई पंजाबी का ड्रामा कहकाओं वाला देखा करो, आसानियां हो जाएंगी। ताहिर भाई बहुत शुक्रिया, वालेकुम सलाम। ताहिर अफजाल साहब यूके से हैं, बहुत नफीस आदमी है, बहुत अच्छे हैं और आप लोगों के लिए दिल से दुआ गो हैं। इनके साथ हमने एक डिनर किया था, बड़ी जल्दी में किया तो बड़ी जल्दी जल्दी वो था, और इंशाल्लाह जब दोबारा मुलाकात होगी तो हम बताएंगे। हसीब अंसारी साहब बहुत सारी दुआएं आपके फ्यूचर के लिए, अल्लाह आपको बहुत दे, आप संभाल ही ना सको और अल्लाह कभी किसी कमीने का मोहताज ना करे। अरूसा कह रही हैं यू आर टू गुड, टॉरस इज माय सन स्टार। अच्छा जी, आपके बेटे का स्टार है, अल्लाह आपके बेटे को सलामत रखे, बहुत कामयाबियाँ आप उनकी देखें, उनकी 10 नस्लों को भी आप देखें और खुशियां आपको। टॉरस और कैंसर कपल कैसा है वो हम बाद में शो करेंगे कि कौन सा कपल कैसा है और कौन सा चप्पल कैसा है, वो बाद में हम दिखाएंगे। ओके चलो आते हैं एक्वेरियस वालों पे। एक्वेरियस वाले जो हमारे प्यारे हैं, उन लोगों को कौन कौन सा बिजनेस करना चाहिए 2023 में, ये रहा आपकी स्क्रीन पे। सबसे पहले जो फोटो स्टूडियो, फोटो का बिजनेस है, कैमरा लेके आप, अच्छा ये वेडिंग फोटोग्राफर होते हैं, ये इवेंट के फोटोग्राफर होते हैं, ये कहीं भी इदारों में सरकारी को फंक्शन हो रहे हैं किसी हॉल में, ये आपने अपनी मार्केट करनी होती है और अच्छी तस्वीरें बनानी होती हैं, तो आप उसके लिए लेसन ले सकते हैं सिमी मैम से, क्योंकि वो भी सारा दिन यही करते हैं तस्वीरें ये फोटोग्राफी का बिजनेस आपके लिए बड़ा सूटेबल है। एक वेरियस वालों, आप लोगों के लिए मैरिज और फैमिली जो काउंसलिंग वाला काम होता है, ये दो अलग अलग बिजनेस है लेकिन इन दोनों में बड़ी सक्सेस आपको मिलती है। अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहें, ये खुद से करना चाहें, तो बहुत फायदा है, होमवर्क जरूर है। मसाज थेरेपी, मसाज सेंटर चला सकते हो, बना सकते हो, यूनिक बिजनेस है आपके लिए। ग्राफिक डिजाइनिंग का बिजनेस आप लोगों के लिए बड़ा सूटेबल है, बहुत अच्छा रहता है। इवेंट मैनेजमेंट आप लोगों को 85% तक सूट करती है, इसलिए आप इसमें भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। टीचर के तौर पे आप बड़े लाजवाल कारकर्दगी कर सकते हो, बहुत अच्छे मुअल्लिम होते हो। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में अच्छे खासे पैसे कमा सकते हो, क्योंकि ब्रेन आपका बड़ा अच्छा होता है। इलेक्ट्रिशियन बड़े कमाल होते हो, बहुत सारे हमारे लड़के हैं, खवातीन इसमें कम जाती हैं, जो इलेक्ट्रिशियन का काम ऐसा है कि बहुत सारे लड़के पाकिस्तान से, जी हमने बीए किया, हमने एमए किया, और बाहर जाते हैं उबर करीम वगैरह ये चलाते हैं, नौकरी के लिए धक्के खाते हैं। कुछ काम ऐसे हैं जैसे गैस वगैरह, टेलीफोन जो खराब हो जाते हैं उसको ठीक करने वाले लोग, बिजली का काम करने वाले, इलेक्ट्रिशियन का काम करने वाले, ये खरादिया जो होता है लोहे का, या जो वुडवर्क का काम होता है, लकड़ी का काम करने वाले, ये कुछ काम ऐसे हैं जो कायनात में कहीं भी चले जाओ, या इलेक्ट्रिशियन का काम, बिजली का जहां भी है, आप यकीन करो आप दूसरे लोगों से 10 times ज्यादा पैसा भी कमा रहे होते हो, और आपकी नौकरी भी ऐसी होती है हाथों हाथ आपको लोग उठा लेते हैं। तो ये बिजनेस जिन्होंने नहीं सीखा वो टेक्निकल कॉलेज से इसका भी कोर्स कर सकते हैं। एक्टिंग करियर आप लोगों के लिए बड़ा सक्सेसफुल रहेगा 2023 में, और पूरी लाइफ आप इसको चला सकते हो, एड एजेंसी चला सकते हो, आपको बहुत ज्यादा सूट करता है ये बिजनेस। इसके अलावा इवेंट मैनेजमेंट का काम आप लोग बड़े अच्छे तरीके से निभा सकते हो, संभाल सकते हो। मेटल डीलर, अच्छा जो मेटल है ना, इसमें सोना चांदी लोहा पेच कुछ भी है, जो स्क्रैप है वो भी होता है, अगर आप इसके डीलर हो तो इसमें बहुत पैसा कमा सकते हो। ये हर किसी को समझ नहीं आता लेकिन बहुत अच्छा बिजनेस है। ग्रोसरी स्टोर खोल सकते हो किसी भी जगह, अच्छा अगर खोलोगे, यूनिक खोलोगे तो बहुत चलेगा। ट्रेनिंग फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, ये एक बिजनेस होता है, ये उन लोगों के लिए होता है कि जिनको स्पेशल कोई भी स्केल, एक तो वो स्पेशल बच्चे होते हैं जिनको आप अगर टीचिंग करना चाहो, उस इदारे में जाना चाहो, तो बड़ा शफीक, बड़ा सुकून, बड़ा तहम्मुल वाला मिजाज
होना चाहिए, एक ममता अंदर जागरी होती है जिनको ये वो ये काम कर सकते हैं, और कुछ बच्चों को जो स्पेशल नीड्स होती हैं उसके बिजनेस में भी आ सकते हो। ये इस पे बहुत सारी वीडियोस हैं ऑनलाइन, आप यूट्यूब पे लिखो तो आपको पता चल जाएगा आप कैसे आ सकते हो। फिटनेस क्लब और फिशिंग ये दो बिजनेस हैं अलग अलग। फिटनेस क्लब अलग है कि आप अगर बिजनेस करना चाहो, जिम खोलना चाहो, फिटनेस क्लब में ट्रेनर बनना चाहो या वो, और एक है फिशिंग का बिजनेस, आप मछलियां पाल सकते हो, बना सकते हो, बेच सकते हो, फार्मिंग जो होती है मछलियों का, मुर्गियों का नहीं मछलियों का फिशिंग जो है ये आपके लिए बड़ी सूट करती है। तो ये हमारे एक्वेरियस वाले हैं जिनको 2023 में ये सारे काम बहुत सूट करते हैं। और लास्ट आ रहे हमारा पाइसिस जिसके बारे में अभी हम बताते हैं। और यहां पे कौन कौन है जी, यहां क्या लिख रहे हैं, बाय एजे सर प्लीज सजिटेरियस और एक्वेरियस की शादी का नहीं, ऐसा नहीं होता है, उसके लिए डेट ऑफ बर्थ चाहिए होती है। आप कर लो शादी सजिटेरियस एक्वेरियस, करोड़ों लोगों की दुनिया में शादी हुई जब से कायनात बनी है। ये शादी का पूछ रहे हो आप कहीं फल वल लेने जाओ तो कुछ फल ऐसे हैं जिनको सूंघ के हम कहते हैं हाँ ये आम या खरबूजा मीठा है, और 10 रेडियो से जाके सूंघते हैं जो मीठा होता है उसको खरीदते हैं, तो शादी में ऐसे कैसे कि कोई एक्वेरियस अच्छा है कोई सजिटेरियस अच्छा है, सब नहीं होते। इसके लिए डेट ऑफ बर्थ, मदर नेम, जायचा, इस्तखारा, सब चीजें मैच करके मैं निकालता हूं। दुनिया में सबसे महंगा काम अगर $500 कोई लेता है ना, बड़ी बड़ी कंपनियां मैच मेकिंग के कि जी आपका सितारा इनके साथ मिलता है कि नहीं, हिंदुस्तान में चले जाओ तो लाख लाख रुपए सिर्फ पंडितों को लोग देते हैं कि जी हमारी कुंडली मिला दें जरा कि हमारी मिल रही है कि नहीं, नहीं 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 ये इनका राहु अच्छा नहीं है इनके लिए तो ये तो बड़ा खतरनाक हो जाएगा और ये मंगलिक है। इस टाइप की चीजें देखनी पड़ती हैं कि आपके साथ वो बंदा कितना लॉन्ग टर्म चलेगा, बाकी तो नसीब पे है। तो आप लोग हिसाब किताब के लिए darwaza@hotmail.com पे जा सकते हो। हारिस जमान साहब बहुत सारी दुआएं आपके लिए, थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक आप लोगों के लिए। चलो लास्ट स्टार करते हैं और उसके बाद बाय बाय भी करते हैं। प्राइसेस वाले जितने भी हैं उनको इंतजार होगा कि 2023 में क्या करें, वही आपकी स्क्रीन पे सबसे पहले एडवर्टाइजिंग एजेंसी का बिजनेस आप लोग करना चाहो तो बहुत पैसा है, किसी के साथ मिलकर करना चाहो तब भी, और सोलो करना चाहो तब भी कर सकते हो। ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग भी इसमें शामिल है। इसके अलावा मॉडलिंग और एक्टिंग में आपका करियर 2023 से शुरू हो रहा है। ये सिर्फ 2023 तक ही नहीं है, आप जब शुरू होगा तो पूरी जिंदगी आप इसको अपना हिस्सा बना सकते हो। मॉडलिंग और एक्टिंग में आपका करियर दूसरे लोगों से ज्यादा सक्सेसफुल रहेगा, लेकिन किस टाइप के आप बनना चाह रहे हो डिपेंड करता है, उसके लिए भी एडवाइस आप उससे ले सकते हो। पाइसेस वाले सबसे अच्छे मैरिज काउंसलिंग करने वाले होते हैं, क्योंकि आप लोग बड़ा डीप और बड़ा प्रैक्टिकल अप्रोच रखते हो, इसलिए आपको ये बिजनेस सूट करता है। इसके अलावा आप लोग स्क्रिप्ट राइटिंग बहुत अच्छी कर सकते हो, क्योंकि आप बोलते बहुत अच्छा हो, आप लिखते बहुत अच्छा हो, आपकी स्पीड ऑफ थिंकिंग जो है वो दूसरों से ज्यादा फास्ट होती है और बड़ा अच्छा प्रैक्टिकली लिखते हो, सो आपको स्क्रिप्ट राइटिंग, ड्रामा राइटर, नॉवल कुछ भी लिख सकते हो। न्यूट्रिशन का बिजनेस जो है ये पाइसेस वालों के लिए बड़ा जबरदस्त है, क्योंकि जितना अच्छा प्लान बना के आप लोग देते हो किसी को, कायनात में बड़े कम लोग हैं जो इस बिजनेस में सक्सेसफुल होते हैं। इसके अलावा आप एक अच्छे टीचर बन सकते हो, किसी भी इसको आर्ट को सीख के आप टीचिंग करवा सकते हो। क्राफ्ट स्टोर जो होता है ये आप अच्छी तरह से चला सकते हो, आप लोग अपना बना सकते हो, क्योंकि यूनिक बिजनेस है, हर कोई इस बिजनेस में नहीं जाता, सो क्राफ्ट स्टोर में जा सकते हो। फैशन डिजाइनिंग में आपको बहुत ज्यादा फायदा होता है, अगर आप फैशन इंडस्ट्री में कदम रखना चाहते हो तो आपको इस बिजनेस में बहुत कामयाबी 93.2% मिलेगी। सिंगिंग में आप लोगों का करियर होता है, इसमें सिर्फ 12 नंबर्स ऐसे हैं डेट के जो सिंगिंग में तबाह आजमाई ना करें उनके बारे में हम नहीं बता रहे, क्योंकि उनके दिल टूट जाएंगे। बाकी पाइसेस को हम 70% नंबर देते हैं कि अगर आप सिंगिंग में आते हो तो कामयाबी आपके कदम चूमती है। 2023 में एड एजेंसी चलाना चाहो तो आप लोगों को बहुत फायदा है और वो किसी भी तरह से आपको फायदा देगा। फिल्म प्रोडक्शन में आपकी इन्वेस्टमेंट कभी जाया नहीं होती, अगर आपको थोड़ा मीडिया, सोशल मीडिया या शो बिजनेस से लगाव है तो फिर आप आंखें बंद करके किसी के साथ को होता है जेवी करना चाहे, जॉइंट वेंचर करना चाहे, कोई नई कंपनी खोलना चाहे, लेकिन सेंस होने के बाद आपको फिल्म प्रोडक्शन में पैसा लगाना होता है, वरना डब्बे में चीजें पड़ी रह जाती हैं। तो आप लोग ये कर सकते हो, और अगर कोई मेरे साथ मिलके कुछ करना चाहे तो वो भी मोस्ट वेलकम। गिफ्ट शॉप एंड अंडरगार्मेंट जो शॉप है
ये जाहिर है हमने स्पेस कम थी तो उसको दो हिस्सों में लिखा है। गिफ्ट शॉप, आप कोई भी गिफ्ट शॉप कर सकते हो, अंडरगारमेंट जो भी खवातीन के लिए शॉप्स होती हैं, बड़ी बड़ी ब्रांड्स बन चुकी हैं, अगर आप उसमें करना चाहो कोई लेडी जो सेलर है वो रख दो तो आप दूसरों से ज़्यादा पैसा कमा सकते हो। ग्रोसरी स्टोर मुल्क में या मुल्क से बाहर अगर आप लोग चलाना चाहो, पाइसिस वालों बहुत ज़्यादा है। प्रॉपर्टी का बिजनेस, चाहे वो प्रॉपर्टी एजेंट है, सेल एंड बाय है, इसमें आप लोग बहुत कमा सकते हो। और ये प्रॉपर्टी का बिजनेस लिब्रा वालों के लिए बहुत सूटेबल होता है। एयरलाइन एंड ट्रेवलिंग, ये जो बिजनेस है ये आप लोगों को बहुत सूट करता है, इसमें इन्वेस्टमेंट कभी भी आपकी जाया नहीं होती। तो ये हैं हमारे पाइसेस वाले, बेस्ट ऑफ लक आप लोगों के लिए। अब आते हैं लास्ट में 5 मिनट हम सवाल जवाब देखते हैं, और ये एक सुपर चैट आई है ताहिर भाई ने हमें भेजी है, और ये 18 pounds इन्होंने भेजे हैं। सदका फॉर द वीक, बहुत शुक्रिया, अल्लाह सलामत रखे, आपके रिस्क में इजाफा करे, आपको बेहिसाब अता करे कि आप संभाल ना सकें ताहिर भाई, और बहुत शुक्रिया आप और आपकी मिसेस जो है हमारी भाभी, उनके लिए बहुत सारी दुआएं, थैंक यू वेरी मच। और यहाँ पे शायद भाई नजर नहीं आ रहे आजकल, दुबई से गायब हैं काफ़ी। रुबीना शायद साहिबा के भी मैसेज नहीं आ रहे हैं, वो भी गायब हैं। गैर हाजिरियाँ सबकी यहाँ पे लग रही हैं, किस किस के यहाँ पे नाम नहीं आ रहे, तो वह हम देखते रहेंगे। और यहाँ क्या है जी, अच्छा जी लव मैरिज छोड़ दो जी। मारिया बलोच कह रही, यू आर ग्रेट, मारिया यू आर ग्रेट, बहुत शुक्रिया आपका, आप ग्रेट हो जो हमारा शो देख रही हो इतनी लेट भी। और क्या है जी, अतिया खान, अस्सलाम वालेकुम सर, सर डिटेल इसका बैंक लीजिंग में इन्वेस्ट कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं, जिस चीज में पेपर इन्वॉल्व होता है वो करेंसी एक्सचेंज हो सकता है, वो बैंक हो सकता है, वो प्राइस बॉन्ड हो सकते हैं, अब वो क्रिप्टो करेंसी नहीं हो सकता, लेकिन इस टाइप की किसी भी चीज़ में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो जिसमें लॉस नहीं है, लेकिन अगर उस काम का थोड़ी बहुत समझ बूझ है तो फिर आपकी कामयाबी बहुत ज़्यादा है। वेरी नाइस इन्फॉर्मेशन मुजम्मिल अली, थैंक यू वेरी मच इस मोहब्बत के लिए, और आप सबकी दुआओं का शुक्रिया एंड थैंक यू वेरी मच। बस इस शो को हमने यहाँ तक ही रखा है, बाकी कल इंशाल्लाह नए शो के साथ हाजिर हो जाएंगे। दिसंबर का महीना आपका कैसा गुजरेगा, या और बहुत सारे शोज हैं, सिमी की सेहत के लिए जरूर दुआ कीजिएगा ताकि वो बहुत जल्द आए अपने शो में और गपशप लगाएं बहुत सारी स्टोरीज बहुत सारी बातों के साथ। बेस्ट विशेस फॉर यू एंड योर वाइफ, थैंक यू अशे, बहुत शुक्रिया। सना फूड, आपका बहुत शुक्रिया। सानी खान, क्लॉथिंग एंड और कुकिंग, विच बिजनेस मोर सुटेबल फॉर जेमिनी टैंक्स। अच्छा देखो, दो चीजें हैं, अगर आप लोग कैटरिंग बिजनेस करना चाहो इफ़ यू आर जेमिनी जुज़ा, तो फिर आपको कुकिंग ज़्यादा सूट करती है, उसमें इन्वेस्टमेंट थोड़ी होती ज़रूर है लेकिन 100% प्रॉफिट होता है। लेकिन अगर आप क्लॉथिंग के बिजनेस की बात कर रहे हो कि थोड़ी इन्वेस्टमेंट है, कुकिंग में थोड़ा ज़्यादा चाहिए ना, थोड़ी इन्वेस्टमेंट है और ऑनलाइन ट्रेड करना चाहते हो तो फिर क्लॉथ है। लेकिन क्लॉथ एंड कुकिंग बिजनेस में सिर्फ 3% का फर्क है, 83% है कुकिंग और 80% है क्लॉथ। तो आप जेमिनी यानी मरकरी को बूस्ट करेगा तो आप इन दोनों में से जिसमें ज़्यादा कंफर्ट करते हो, और कुकिंग अगर करना है तो फिर जरा उसको फैलाओगे, बड़े पैमाने पे मार्केट होगी कि जी किसी की बर्थडे है, किसी की शादी है, आप हमें बताएं, तो अगर आपके पास लोग हैं, देखचे विकचे हैं, चूल्हे वूल्हे हैं, तो फिर इससे ज्यादा मेरे ख्याल से कोई कामयाब। लेकिन खाना अच्छा होना चाहिए, ऐसे ही नहीं होना चाहिए, जब ऑर्डर ज्यादा मिलना शुरू होते हैं तो कैटरिंग सर्विस के खाने भी फारिग हो जाते हैं, इसलिए आपको अच्छे कुक अगर आप खुद हो तो फिर आपको रखना चाहिए, ठीक है। मेरा बेटा एक वजह से कनाडा में हूँ, वजह से किसी सेहत अच्छी कैसी रहेगी, इस तरह नहीं पता चलता है जी, उसके लिए प्राइवेट मीटिंग करनी होती है। इतने से सवाल में कैसे उसकी पूरी जिंदगी के बारे में बता दें, लाइफ के फैसले होते हैं कि डॉक्टर साहब मेरे पेट में दर्द है, बताएं मैं कौन सी दवाई लूँ, तो वो सबको कहेगा तू पैनाडॉल ले ले, ऐसा नहीं होता। पेट में पेंडस भी है, बड़ी आंत है, छोटी आंत है, मसाना है, हजार चीजें हैं, तो आपको जब तक पूरी उसकी इंक्वायरी नहीं होती आप किसी को सजेस्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। एंड थैंक यू वेरी मच आप लोगों का, बहुत शुक्रिया। बाकी सवाल जवाब इंशाल्लाह होते रहेंगे, सांसों ने वफा की तो आपके दिलों पे धड़कन दस्तक सब कुछ देने के लिए हाजिर हो जाएंगे। तब तक के लिए बहुत सारी दुआएं, बहुत सारा प्यार, पामाने खुदा।